Assalamualaikum Pakistan, Assalamualaikum and very warm welcome to all the people. I'm your host, dost, Jigjani, yani ke Imran Ali Mani, aur Eid ki special transmission ke saath hum phir se hazir hain. Aur yakeenan aaj ka program jo hoga, wo Eid ko alvida kehne ke liye hai. Mera jana pehla sawal wahi ghisa pita magar khaloos se bharpoor ki halat ho, theek ho, hit ho, fit ho, lush ho. यकीनन तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे, हिट होंगे, फिट होंगे, लश होंगे और बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे होंगे. सभी नए और पुराने तमाम लिसनर्स को, एफएम 94 के, एफएम 101 के तमाम लिसनर्स को प्रोग्राम में वेलकम करता हूं. जनाब मुझसे रब्ते का पहला नंबर 4471 यानी 4471 अपने राइट मैसेज में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, मैसेज टाइप करेंगे और भेज देंगे 4471 यानी 4471. उसके बाद जनाब बारी आती है जी 101 के मुफ्तों की. जल्दी बहुत जल्द पोस्ट लगने वाली है 101 के ऑफिशियल पेज के ऊपर www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान. यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ से भी आज आपके पैगाम जो है वो प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे. और तीसरा हमसे रब्ते का नंबर जनाब 1111001 यानी 1110001. रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर से कॉल करेंगे तो 0561 का एरिया कोड. अगर इस नंबर पे कॉल नहीं आएगी तो 0561-920-2540 ये दूसरा नंबर है जहां पे आप हमें कॉल कर सकते हैं. सो जनाब जी पोस्ट लग चुकी है,
और स्टूडियोज में मैं अकेला मौजूद नहीं हूँ, मेरे साथ मौजूद है जनाब सजाद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सजाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। और जैसे कि स्पेशल ट्रांसमिशन, ईद का आखिरी दिन, आखिरी रात, और इसको आपने क्या नाम दिया कि अलविदा ईद। और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। जहाँ जहाँ पे भी आप हमें सुन रहे हैं, आपको ईद मुबारक और सदा खुश रहिए। जी हमारे साथ एक और हमारे बेहतरीन आरजे मौजूद हैं, घर में तो इनको आरजे नहीं कहते लेकिन है ये आरजे जावेद खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सजाद भाई, और अस्सलाम वालेकुम मानी भाई, और अस्सलाम वालेकुम सभी सुनने वालों को मेरी जानिब से बहुत बहुत सलाम। और साथ ईद का तीसरा दिन भी, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका बखैर आफियत गुजरा होगा, बहुत बहुत मुबारक हो। क्या कहते हैं? मुझे क्या पता क्या कहते हैं सर, हम तो नए उर्दू के हैं, उर्दू तो हमें आती नहीं, हमें क्या पता क्या है ये। आज मैंने कोई करेक्टर नहीं किया नहीं नहीं, अभी तो आगाज सफर है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। दो घंटे नहीं, आप क्यों कह रहे थे कि यार इसको घर वाले आरजे नहीं कहते? सर वो माने नहीं आज तक इसके घर वाले, 13 साल हो गए। आपने देखा 101? अच्छा मैम सदफ भी नहीं मानी यार। चले जी जावेद, लेकिन लिसनर मानते हैं। हाँ लिसनर मानते हैं माशाल्लाह। इसने पैसे दिए सब लिसनर्स को भजन कॉलेज करवाता है ये। बिल्कुल जी, मैं रोजाना की बुनियाद पर कम से कम 500 से 600 लिसनर को रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ कि प्लीज मेरे जो शो होगा उस पर आप शेयर भी कीजिए। आज आप ये नहीं कह सकते मानी, आप इस बात की गवाह की आज ये नहीं कह सकते। नहीं नहीं जी, जो कल हमने प्रोजेक्शन कर दी इसकी, यार अगर कोई कोई अगर ये कंपनी को हायर करता ना तो वो पता नहीं कितने हजार डॉलर लेती। सर जी आज बताएं सब्सक्राइबर कितने ऐड हुए हैं। सर जी इस बात को छोड़े, आप ये देखें कि हमारे शो में बैठ के हमने इसकी की है प्रमोशन की। हाँ जी यार 20 वो जो पेज है जहाँ पे ये मतलब इज अपकमिंग ब्लॉगर नाउ, कोई मेरे ख्याल कितने आप बता सकते, 2100 सब्सक्राइबर कितने लोग? 21,000 थे और आप तकरीबन कल से जो हुए थे कम, उसमें कम हो गए 1200 रहे। उसमें मजीद जो इजाफा हुआ है पर हार्स के हिसाब से तकरीबन सजा 3,000 पर हार्स जो है उसमें मजीद इजाफा। देख लो ना यार, 24 देख ले फिर, हमारे सुनने वाले तो है ना, फिर आपकी मोहब्बत है ना मुझे प्रमोट कर। अभी आपको आरजे कोई कहता नहीं और हम मानते नहीं है जी, अभी इनको कोई आरजे कहता नहीं और हम इनको आरजे मानते नहीं है। तो 3,000 सर मैं कोशिश कर रहा हूँ सीख जाए, मैं सिखा रहा हूँ आजकल, इसको बिठाता हूँ मैं अपने साथ। यही तो आप लोगों की मोहब्बत है जिसका मैं जैसे आप बिठाते हैं वैसे मैं देख के आया हूँ, 145 की सीट है। लेकिन मैंने आज आपको सही टाइम पे पहुँचाया। बिल्कुल टाइम पे तो पहुँचाया, जो हालत हमारी थी वो तो। एनीवेज जनाब, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी आपसे भी पूछेंगे अभी, आपके मैसेजेस 4471 यानी 4471 जावेद खान से हम रिक्वेस्ट करेंगे। वैसे तो उसने बोलना नहीं है ना कॉल्स लेनी है, सो जावेद अगर मैसेजेस आज आप प्रोग्राम में पढ़े तो जी बिल्कुल जरूर पढ़ें। आप अगर बोलेंगे तो पेपर पेंसिल नहीं, आप अगर पढ़े लिखे हैं तो पढ़ लें, नहीं तो हम वो भी कर सकते हैं, लिख के दे देना। पेंसिल तो है लेकिन कागज नहीं है। लिखेगा कौन, तुझे तो लिखना पढ़ना भी नहीं आता ना, मसला ये है। असल में वापस जो है वो दुनिया जो है वो अंगूठा छाप हो गई, बायोमेट्रिक जैसे एंटर होता है, अभी तो खैर हालात की वजह से बंद किया हुआ है, लेकिन जो डिवाइस लगी हुई है, जो एक मशीन लगी हुई है अंगूठा छाप, वापस आ गए ना। तो सजाद भाई ईद का तीसरा दिन कैसा गुजरा आपका? यार आज मोस्टली टाइम घर पे गुजरा और अच्छा गुजरा यार। अच्छा डेफिनेट एक्सपीरियंस है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जो है ना वो देखें, आप इस चीज को तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आपको घर में रहना है, सेफ रहना है, दूसरों का ख्याल भी रखना है, अपने घर वालों का भी ख्याल रखना है और ऐसे ही चलना है। तो जितनी जल्दी इसको डाइजेस्ट कर लें, इसको अपने अपना लें इसी तरीकाकार को, उतने ज्यादा आप खुश रहेंगे, वरना तो डिस्टॉर्शन और उलझापन सिकनेस देखें, अगर आप इसको जहन पे ले लेंगे तो फिर तो यार प्रॉब्लम हो जाएगा ना। ऐसा ही है, और ईद का हमेशा खासा रहा है 101 का जी, हम कंबाइंड शोज आते रहे तो इस दफा भी यही काम हुआ, बहुत सारे आरजेस ने यकीनन टाइम टू टाइम आप लोगों को एंटरटेन किया होगा, दिन के टाइम भी ट्रांसमिशन चल रही थी, रात को 2 दिन तो हम हो गए यहाँ पे आते हुए। इससे पहले सजाद भाई आप 4 रातें हो गई, चार रातें हो गई माशाल्लाह, तनु का आराले पूछ देनी है आजकल तो बिल्कुल नहीं पूछ देना। अच्छा कहते हैं फ्री यहाँ पे, पहले कहते थे कि यार आप टाइम नहीं देते, आपको कहते हैं यार आप हमें ही टाइम दे देते हैं, किसी और को भी टाइम, किसी और को भी टाइम दिया है, मेहरबानी करके करो निकलो है। ठीक हो आप इकबाल साहब जो है अल्लाह इनको खुश रखे, जी जी इज्जत भी कर लेते हैं और वेलकम भी कर लेते हैं। सर मोहब्बत है नायाब की, ये बड़ा नायाब आदमी है, एक आदमी और ऊपर से नायाब भी है। हाँ। और नायाब साहब बाकी लोग कितने सोए हुए? अच्छा सर रात के इस टाइम पे हम जैसे लोग जाग सकते हैं? वैसे तो सारे लोग सो रहे होते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, बहुत सारे लोग हैं वो जरा थोड़े से वो क्या कहते हैं अरबी में लफ्ज है
غرفہ نوم سونے کا کمرہ جی. تو جیسے آپ باہر چلے جاتے ہیں پاکستان سے باہر آپ کو لگتا ہے ایکٹیویٹیز ختم ہو جاتی ہیں. بالکل. تو انہوں نے کچھ ٹائم اپنے لیے رکھا ہوا ہے مانی جی جی. اپنی پرسنالٹی کوئی کتابیں پڑھنی ہیں. جاگتے ہیں لوگ جی. جاگتے ہی تو تبھی تک ٹرانسمیشن میں آپ دیکھیں ہم کل جا بھی رہے تھے تو 3 بجے تک کال آ رہی تھی. سجاد بھائی منع کرنے کے باوجود بھی یہ صورتحال ہے. یہ جو پکنک لوگ ہیں یار یہ الارمنگ بات ہے. اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ تھوڑا سا شکوہ بھی بنتا ہے کہ ابھی تک جو چیزیں جو رزلٹ آنے چاہیے تھے وہ نہیں آ رہے. اور آج بھی اس بات کو میڈیا میں بھی ہائی لائٹ کیا اور ہر طرف ایسے ہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ابھی تک اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے. اور یہ کوئی ہیلدی سائن نہیں ہوتا مذاق کے علاوہ. یہ ہیلدی سائن نہیں ہے. اچھا. جب تک آپ سمجھیں گے نہیں جی. آپ اس کو اپنائیں گے نہیں تو بات جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گی. جی ایسے اصل میں بھی آج دیکھ رہا تھا شام کو میری بھی گیا تک باہر نکلا میں جب گاڑی لے گیا تو مجھے میں گاڑی میں ہی گھوم رہا ہوں پچھلے 3 دن سے ایسے ہی مطلب کہیں بھی جاتے ہیں باہر نہیں نکلتے گاڑی میں. تو آج میں دیکھ رہا تھا لوگ روڈ کے کنارے گاڑیاں کھڑی کر کے اندر ویسے ہی جو چھوٹے چھوٹے پارکس بنے سیکٹر گیدرنگ کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ آ رہے ہیں دوست مل رہے ہیں جفیاں ڈل رہی ہیں مطلب پورا ماحول بنایا ہوا اسلام آباد کے اندر. تو اس چیز کا اثر کچھ دنوں کے بعد نظر آئے گا. اس لیے ہو سکتا اللہ نہ کرے لیکن یہ ہو سکتا ہے. اور دیکھیں یہ کیپٹل کا اگر یہ حال ہے کسی ملک کے کیپٹل کا یہ حال ہے ٹوئن سٹی ہے نا راولپنڈی اور اسلام آباد. ایگزیکٹلی ایسے جب بھی میں اسلام آباد آتا ہوں آج میرا آنا نہیں ہوا ویسے روز ہی آنا ہوتا ہے تو آپ کو یہی پتا چلتا ہے بہت سارے لوگ باہر ہیں دے آر ناٹ لائک فالوئنگ دا انسٹرکشنز. لیکن اسلام آباد کے اندر کافی زیادہ اچھا جو لاک ڈاؤن ہوا ہے نا اسلام آباد کے اندر ہوا ہے پنڈی کے اندر ہوا ہے لوگ پنڈی میں بھی ہوا ہے پنڈی کے کچھ علاقے دیکھ لیں. اگر کیپٹل میں لوگ سمجھنے میں اتنا پرابلم کر رہے ہیں تو کڈ یو امیجن کہ یار سکھر میں کیا ہو رہا ہوگا کراچی کے بہت سارے علاقوں میں کیا ہو رہا ہوگا. خواش ایریا نکال دیں. بالکل. باقی لوگ جو ہے نا کیوں نہیں سمجھ رہے مجھے اب جو ہے نا پہلے میں رمضان میں اور رمضان سے پہلے جو ہے نا وہ میری تھنکنگ اور میری میں بالکل ان لوگوں کی طرف تھا بیکاز لوگوں کو کام کرنے کے لیے جانا تھا پیسے ڈیلی ویجز والے لوگ تھے ان کو پیسے کمانے تھے اور پھر لگانے تھے. تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ یار یہ لوگ سمجھ نہیں رہے. لیکن اب مجھے یہ گلا ہے عید کی چھٹیوں میں نے دیکھا ہے کہ یار مائک پہ بھی آ کے آپ نے کل بھی پوچھا پرسوں بھی پوچھا لوگ کہتے ہیں کہ ہم گئے نہیں یار لوگ جا رہے ہیں. سر یہ کہتے ہیں کہ تیسرے دن انہوں نے پتا کیا کیا 2 دن انہوں نے احتیاط کی ہے پاکستانیوں نے لیکن تیسرے دن انہوں نے سوچا شاید عید ہے کرونا ختم ہو جائے. تو یہ جو اتنے ٹائم یہ لوگ ملے ہیں یا اتنے ٹائم پہ جا کے دوستوں کافی عرصے کے بعد لوگوں سے ملاقات ہوئی ہوگی لیکن ابھی یقیناً اس ٹائم پہ تو اس کا امپیکٹ نہیں پڑے گا. یہ دور آگے وقت جب چلے گا مہینہ 15 دن ہفتہ یار جاوید صاحب آپ یہ دیکھیں 50,000+ کیسز ہیں پاکستان میں 60 ہو چکے ہیں آپ 60 کیسز جو ہیں 50,000 ہیں رائٹ. 220 ملکوں سے زیادہ ملکوں میں کرونا ایگزسٹ کر رہا ہے. جی بالکل ایسے ہی اسٹل ابھی بھی آج کی ڈیٹ میں بھی مجھے ایک بندے کو سمجھانا پڑا کہ نہیں یار کرونا ہے. ہاں سر لوگ نہیں مانتے تھیوریز ہیں اپنی تھیوریز ہیں کون سی کون بائی کر رہا ہے کون سیل کر رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. 58,325 یہ آج کا فگر ہے ایکچوئل نمبر ٹوڈے. 58,000 اسٹل پیپل آسکنگ کہ یار یہ ہے یا نہیں ہے. تو یار یہ اچھا انوسنٹ کرائم ہے نا یار. سر انوسنٹ کرائم نہیں ہے اصل میں ہم ایسی میں بحثیت قوم بات کر رہا ہوں کہ ہم کوئی وے آؤٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کبوتر کی آنکھیں بند کرنے سے بلی نہیں جاتی تو ایسے یہ بلی نے کھائی جانا ہے. تو آنکھیں نہ بند کریں آپ اڑنے کی کوشش کریں کہ یہاں سے نکل جائیں احتیاط کرنے کی کوشش کریں آنکھیں بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. سو اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ عید کے تیسرے دن جو پاکستانی عوام تھی اس نے باہر جا کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اور ایسا کوئی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے کہ مطلب میرے دیکھیں آپ نے ابھی کہا کہ یار میں ویسے ہی نکلا. ہاں اور آپ نے دیکھا آپ موٹر بائک والوں سے پوچھے وہ کہہ رہے ہیں ہم جی مانی صاحب ہم ویسے ہی نکلے. جاوید خان ویسے نکلنے سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک گاڑی ہے آپ سکون سے اس کے اندر بیٹھے ہیں آپ نے اپنا میوزک لگایا ہوا ہے آپ اپنی گاڑی کی ڈرائیو کر رہے ہیں. یار گھر میں رہ کے بھی تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے ڈپریشن بھی تو بہت بڑی چیز ہے. خان صاحب نے یہی بولا کہ میں اسی لیے لاک ڈاؤن میں نرمی کر رہا ہوں کہ یہ لوگ جو باہر سے گھر چلے گئے ہیں یہ پاگل ہو جائیں گے یہ سارے کے سر. میں نے آپ کو یہی کنکلوژن یہ ایگزامپل اسی لیے وہاں پہ دی تھی کہ آپ گاڑی میں نکلے آپ نے کہا میں ویسے ہی نکلا جی رائٹ ایسے ہی آپ گاڑی میں لازمی بات ہے سینیٹائزر لے کے گاڑی کو لگا کے اسٹیئرنگ پہ سب کچھ پوری پریکاشن سے نکلے ایسے ہی. آپ موٹر بائک والوں سے پوچھیں گے نا جا کے وہ کہیں گے نکلے تو ہم ویسے ہی ہیں لیکن آپ کیوں نکلے. یار آپ میں اور گاڑی والے میں فرق ہے نا. ایگزیکٹلی ایسے ہی گاڑی والا گاڑی لے کے اکیلا ڈرائیو کر سکتا ہے موٹر بائک والا کر سکتا ہے
लेकिन बाजारों में जाने और विंडो शॉपिंग करने का, देखें यार अभी तक ये अवेयरनेस नहीं आई। वो जो आपने वीडियो शेयर की, वो जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लोग लड़ रहे थे यार इन हालात में भी। ऐसा मैं बात यहाँ से शुरू की थी कि अल्लाह ताला का शुक्र है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है घर में रहने का, ये आदत है बहुत सारे लोगों की, ये आदत है होगी डेफिनेटली। वैसे इस दफा सजाद भाई अगर ईद पे सारे लोग कपड़े लेने की बजाय वो सारे पैसे इकट्ठे करके गरीबों को दे देते तो मेरा ख्याल है क्या ही ईद होती। गरीब, मैंने एक पैगाम दिया था, मैंने कहा था कि गरीब लोगों को अपनी जिंदगी में ना चीनी की तरह शामिल करो ताकि ये ईद जो है मजीद मीठी हो जाए आप लोगों की। कितनी अच्छी बात है। तो लोग नहीं, लोगों ने किया भी है इस दफा। जिसने 3 सूट लेने थे वो एक लेके उसने कहा जी ठीक है मैं ईद पे एक ही लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं हमेशा 4 या 5 करता था, इस दफा मैंने भी एक ही लिया। तो ऐसे ही हर बंदा मैं देख रहा हूँ कमी आई है, आपके बजट में भी कमी आई है, जितने आप एक्सपेंस कर रहे थे उसमें भी कमी आई है। यानी कि अगर कोई बंदा देखे ना कि रमजान के महीने में तो जो बाहर अफ्तारियां होती थी, चीजें होती थी, वो सारी की सारी शॉर्ट की गई, तो वो बजट बहुत। अब कई लोग कहते हैं जी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं जो कि हमने बाद में शॉपिंग करनी है, बड़ी टारगेट किया हुआ कि अच्छी खासी अगर कमी को पूरा करें। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान आर्मी जो है वो आजकल बड़ी इंगेज है कश्मीर में। सर उनके लिए बहुत सारी दुआएं, हमारी बहुत सारी नेक तमन्नाएं पाकिस्तान आर्मी के नाम, और आप हमारा गर्व हैं, आप हमारा हमारी शान है जी। जितने भी जवान इस टाइम पे पाकिस्तान आर्मी के मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, खासतौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे जितने जवान मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। और सजाद भाई हमेशा इनसे तो मोहब्बत रहती है, और इंशाल्लाह हम एक प्लान करेंगे कि स्पेशल एक प्रोग्राम किया जाए आर्मी के लिए। यही तो हमारा फखर है, और रियली मैंने वो जो कल बात की थी ये हमारा प्राउड है। ऐसा ही है, और ऐसी जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज है, पुलिस डिपार्टमेंट है, ये जो सारे आप अभी जितनी भी चेक पोस्ट के ऊपर सारे सिक्योरिटी फोर्सेज वाले, इन सब के अपने घर होंगे, अपनी फैमिलीज होंगी। हमारे रेडियो पाकिस्तान के जो गेट के ऊपर खड़े हैं सिक्योरिटी फोर्सेज वाले हैं, exactly. सारे खड़े हुए हैं, ये सारे के सारे जो हैं इनके घर कहीं और हैं, और ये अभी ड्यूटी दे रहे हैं शाम को यहाँ पर छत के ऊपर भी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं चारों तरफ से। ऐसी 10 मिनट अगर 4471 की तरफ जाते हैं ताकि लोग शामिल हो सके, और उसके बाद फिर 4444 सर खोलना तो आपको ही पड़ेगा सर। बिल्कुल, लेकिन मेरे पास लिंक नहीं है। लिंक आपको मैं दे देता हूँ सर, लिंक तो मैं आपको ऐसा दूंगा ना। जावेद खान क्यों मेरा एंगल चेंज कर रहे हो? जी हाँ, मुझे लिंक सेंड कर दे, मैं उसको लॉगिन कर दे। जावेद खान क्या आज का दिन कैसा रहा, और क्या ऐसे ही करते रहे जैसे आपने हमें टाइम दे गया आप 15 मिनट बुला के, और आप ऐसे ही करते हैं? एक्चुअली सॉरी उसके लिए, नहीं नहीं उसके लिए सॉरी एक्सेप्ट ही नहीं करते भाई। अच्छा, सीधी बात है, माफी मांगो सही, माफी माजरत ख्वाह। ये माजरत ख्वाह क्या होता है सजाद भाई, आप तो उर्दू से काफी अरसे से मुंसलिक हैं। एक्चुअली जहाँ से हमने इसको पिक किया ना, ये दिन को इसने बड़ी फिटी काटी, आज भी मेरे ख्याल 3-4 वीडियोस बना के लेके आए। अच्छा, वो जो आपने कैरेक्टर कल बताया था ना, ये उसके ऊपर रिहर्सल इन्होंने शुरू कर दिया। अच्छा, वो साड़ी पहन के जो ये कर रहा है? नहीं, वो पागल पठान वाला। अच्छा, पागल पठान वाला कर रहा है, ठीक हो गया। कैरेक्टर के लिए जो एक्सरसाइज है वो करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ऑलरेडी करेक्ट, उसने डायरेक्टर ने बताई है, सारा वर्कआउट तो जरूरी है। जनाब जो लोग देखना चाह रहे हैं हमें, वो 101 के ऑफिशियल पेज पे जा सकते हैं जी। एक नई तस्वीर जावेद खान की और सजाद खान साहब की मौजूद है, बीच में मेरी भी है आजाना तौर पे। हाँ, तो आप जाएंगे जी www.facebook.com/fm101channelpakistan, वहाँ पे अपना पैगाम हम तक पहुँचाएंगे, उनको भी प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। जावेद, अगर आप वो पैगाम शामिल कर लें जो कि 101 के ऑफिशियल पेज पे हैं, तो हम तब भी आपका एहसान मंद रहेंगे, बल्कि आपके बच्चों के भी नौकर रहेंगे, आपने भी पैसे लेने मैडम सदम से। तो कुछ पैसे तो जरूरी है ना, कुछ ना कुछ तो बोले ना आप भी, पूरे करके जाए, पैसे हलाल करके जाए। बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम को पसंद किया है, लाइक किया है सोशल मीडिया फेसबुक पर, जिसे हम कहते हैं www.facebook.com/fm101channelpakistan के ऑफिशियल पेज पर। सुमैया गुड़िया आप हमारे साथ हैं, सरदार शबीर करल आप हैं, मोहम्मद वकील हैं, आपका शुक्रिया। अतिया फातमा हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को आप पसंद कर रही हैं और आपके कमेंट्स का। और उसके साथ साथ आसिम खान हैं, अच्छा जी आपने लिखा सुल्तान राही। यार प्रोग्राम की स्टार्टिंग में आज अनाउंस कर देते हैं कि जावेद खान आज सजाद खान का और इमरान अली मानी का मजाक उड़ाएगा, ठीक है यार, और चेंज कर लेते हैं, आप मेरा मजाक उड़ाएं यार, मैं आप दोनों का इंटरव्यू लूंगा सीरियस नोट के ऊपर, कोई 1-1.30 बजे के साथ अनाउंस कर देते हैं यार 1:30 के ऊपर इमरान अली मानी का इंटरव्यू है, ठीक है, और फिर उसके बाद 2:00 आपका मैं इंटरव्यू लूंगा। इसके अलावा
हम कोई यार आपने कोई जुगत नहीं करनी सर, मैं तो करता ही नहीं हूँ सर। ठीक है, आप मेरा मजाक उड़ाए। नहीं, वो हो जाती है, करते नहीं है। नहीं, सीरियस बात तो आप कर सकते हैं। देखिए, बात तो यही है कि आप सीरियस बात कर रहे हो तो बीच में से बात निकाल। मानी बैठा हो शो में और सीरियस बात हो, ये हो ही नहीं सकता यार। बहुत सीरियस आदमी है, बहुत नहीं, नॉर्मल लाइफ में बहुत सीरियस है, लेकिन जब माइक्रोफोन पर लाइव ऑन एयर और फिर 101 के क्या मतलब, नॉर्मल लाइफ में बहुत सीरियस आदमी, बहुत सीरियस, तो वैसे अब नॉर्मल हो जाता है। नहीं, मैं जुगत नहीं मारे, मैं देखो नॉर्मल। अभी हम आए तो उन्होंने किस तरह हमें अकोमोडेट किया, पे कहते हम तीनों इकट्ठे एक साथ आए, कल ये डिसाइड हुआ था किस तरीके से आए तो हम उड़ते हुए यार, ये तो अब आप ना 10 मिनट में पहुंचे। नहीं यार, 5:30 वैसे सजाद भाई, आज आप ये ऑनर भी बता सकते हैं कि आपने हवा का रुख देखा आज? बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा। आज आपने मानी की ड्राइंग देखी? हाँ, है मानी की ड्राइंग जो है वो बिल्कुल है 101 इंटरनेशनल की तरह है। सर जनाब, यहाँ पे मैसेजेस का सिलसिला 101 पे जारी है। बहुत सारे लोगों को गिला था कल से कि हमने मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल नहीं किए, सो हम पहले 15 मिनट आप लोगों के मैसेजेस को देंगे और उसके फौरन बाद हम जाएंगे आपकी कॉल्स की जानिब और फिर एक घंटा आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। मेरा नाम इमरान अली मानी, मेरे साथ मौजूद जावेद खान और सजाद खान साहब। जी बिल्कुल, और ईशानूर आपका बहुत शुक्रिया, मोमिन अब्बासी है, अनाया शाह है और खान फरी है, दूषा आवासी है, उसके बाद दूषा, ये दूषाबासी तो नहीं है कोई, ये दोनों से दूषाबासी। अच्छा ठीक है जी, और साजना राजपूत है, संजना राजपूत। देखे ना, हमें नाम भी याद है आपके, तो क्या बात है, हम कम ही पढ़ते हैं ना, हम पढ़ने के लिए आपको करते ही कम है। अब ये जो आखिरी बात थी, नहीं हम देखे जाओ, अच्छा। वो जो कम है ना वो भी हमारे लिए बहुत है। ये जो उसकी भी नाम आप पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअल नाम होते हैं या ये फेसबुक आईडी? नहीं सर, है। अच्छा, नाम है सर। अच्छा। मैं आईडी कार्ड सर देखता हूँ सर। चले जी, कंफर्म कर दीजिएगा कि बाकी आपके आईडी कार्ड में भी यही नाम है। नहीं नहीं, मैं वैसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन। जी जी, आप जनरल नॉलेज बड़ा लेते हैं, मुझे बहुत डिफरेंट है ना नाम। जी बिल्कुल, मोहम्मद अफसर इमरानियन है जी, और आपने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एम शहीद सत्तर है, मलक। अच्छा, जिसके साथ कार्ड के ऊपर इमरानियन नहीं होता वो फिर आप खुद चेंज कर लेते हैं, मोर शो लगाते हैं आप। अच्छा अच्छा जी, इसके बाद जोहा अली है आपका, अनम इशफाक है आपका, बहुत शुक्रिया है जी। अच्छा जी, इसके साथ साथ जीशान राजपूत आप हमारे साथ हैं इस वक्त, आप हमें सुन रहे हैं। उसके साथ साथ चौधरी मुनीर अख्तर खान है, आप भी सुन रहे हैं। उसके साथ साथ जी मिशाल इमरानियन हैं, आसमा खान हैं और मोहम्मद अयाज हैं जी, और उसके साथ साथ मोहम्मद अयाज हैं, सलमान इमरानियन जी आपके जो इमरानियन पेज हैं वहाँ से बहुत सारे जो है वो इस वक्त जाग रहे हैं रात के इस पहर और आप सुन रहे हैं। मोहम्मद रऊफ है आपका, बहुत शुक्रिया। अलीजा मोहम्मद है, आप हमें सुन रहे हैं। लुबना महमूद है और चौधरी आमिर हैं और रोमा गनी हैं, सदफ खान हैं, उसके साथ साथ मिशाल इमरानियन हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सबके नाम शामिल करूं, लेकिन जल्दी जल्दी सबके नाम जो है मुझे। नहीं तो आप पॉज कर लेना, आप इसको 5 मिनट के बाद दोबारा अनाउंस कर दीजिएगा, बिकॉज आप एक ही दफा जब आप चलें जी, अभी हम 1 बजे के करीब आप लोगों के ऑफिशियल पेज के मैसेजेस पढ़ेंगे, यानी कि www.facebook.com/fm101channelpakistan, तो सारे के सारे वहां पहुंच जाएं और जो पोस्ट है उसको शेयर भी कर दें ताकि बाकी लोगों तक पहुंच जाए। 4471 की तरफ आते हैं जी, वहां पे आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मौजूद हैं। मुकद्दस कह रही है जी आपका शो अच्छा है, रावलपिंडी से इन्होंने मैसेज किया। उसके बाद जी गुफ्ता नौरीन है, वाकेंट से मैसेज कर रही है। गुफ्ता बहुत शुक्रिया, आपने मेरे वालदैन की मगफिरत के लिए दुआ की, खुश रहें, हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, खुदा बख्शें जी। पाकिस्तान आर्मी से इनका ताल्लुक है, रावलपिंडी से, कह रहे हैं शो अच्छा है, थैंक यू, हमारा हौसला बुलंद किया आपने मानी, बहुत शुक्रिया। उसके बाद जी आप तीनों शहजादों को सलाम, ये जी मैसेज आया पाकिस्तान आर्मी से, मोहम्मद तैयब मानी इनका नाम है जी, निक नेम इनका मानी है, पाकिस्तान आर्मी मुल्तान कैंट से मैसेज कर रहे हैं। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम मानी भाई, अली बलोच ने पाकिस्तान आर्मी से मैसेज किया, एसएसजी कमांडो है जी लाहौर से, लाहौर कैंट से इनका ताल्लुक है। नेहा कह रही है मानी प्लीज शो की टाइमिंग बता दे जी। वैसे मेरे नॉर्मल शोज जो होते हैं वेनसडे और फ्राइडे होते हैं जी, वेनसडे रात 10 से 12 और फ्राइडे 101 इंटरनेशनल यानी कि रात 12 से 2 मेरी आपसे मुलाकात होती है। आरजे शहीर हैं, उन्होंने लाहौर से मैसेज किया, कह रहे हैं जी मानी भाई कैसे हैं, सजाद सर के लिए उन्होंने ट्यून इन किया है जी, सजाद साहब आपके लिए ट्यून इन किया आज उसने डूड ने। अच्छा सलाम एवरीवन, कैसे हैं जी? मैं ठीक हूँ। अच्छा डीजे इमरान अली मानी कैसे हैं, ईद मुबारक आपको। ये जी अनुशे हाशमी ने जहलम से मैसेज किया, उसके बाद मानी भाई तुसी ग्रनेट हो। ये जी नौशीन अबासी, आयशा अबासी, नायाब अबासी आपको सुन रहे हैं जी, ठीक है। उसके बाद जी राजा आकिब अबासी हैं जी, मरी से मैसेज कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। और थर्ड डे उन्होंने कहा जी मुबारक आप सबको। उसके बाद
आरजे मानी कैसे हैं, सजाद जावेद खान को मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं। सर लोग आपके लिए दुआएं कर रहे हैं सर। थैंक यू वेरी मच। तुसी गुरदा दिता किसे ने? अल्लाह आपको खुश रखे। मतलब थोड़ा को ऑपरेशन होया, लोगों को दुआवा करवा रहे हो है। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। फैसलाबाद से लाइबा नूर मैसेज कर रही है, लाइबा आपको बहुत ज्यादा ईद मुबारक। सियालकोट से मैसेज आया जी अतीकुर रहमान का। सदफ खान मैसेज कर रही है। उसके बाद जी अमारा फ्रॉम पिशावर मैसेज कर रही है, बहुत शुक्रिया। आमना ने इस्लामाबाद से मैसेज किया, कह रही है सलाम तीनों भाइयों को। सो ठीक हो गया, तीनों छोटे भाई हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब कैसे हैं मानी भाई? बिल्कुल ठीक हूं मैं। लाइबा मलिक ने पाकिस्तान नेवी से मैसेज किया, और सजाद खान साहब, जावेद खान साहब आपको। उसके बाद जी हैदराबाद क्या नाम लिख दिया आपने, अच्छा यूसुफ के लिए बहुत सारी दुआएं हैं जी। उसके बाद आलिया ने सियालकोट कैंट से मैसेज किया, कह रही है ईद मुबारक, खैर मुबारक। मलिक तहनीत इमरानियन है, कोयटा से मैसेज कर रही है, कह रही है शो बहुत अच्छा है। उसके बाद जी इमसाल अली शालू है, ईद मुबारक थर्ड डे आपको, खैर मुबारक। उसके बाद मावरा ने मैसेज किया, कह रही है जी कि मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ यूसुफ को और एहसन को। अच्छा तो अच्छा इस आपके लिए अभी हल निकालते हैं, थोड़ी देर सबर करें। अच्छा उसके बाद जनाब सिद्रा शमरोज ने मैसेज किया, हजरों से का हल है बार बार। जी जी हल है। अच्छा जी सिद्रा शमरोज ने मैसेज किया हजरों से। उसके बाद जी मनाहिल पिंडी से मैसेज कर रही हैं, अहमद नवाज ने मैसेज किया, फिजा अब्बासी मरी से मैसेज कर रही हैं, कह रही है मानी भाई कैसे हैं, मैं ठीक हूं, कह रही है ईद कैसी गुजरी है आपकी, अब तो खत्म होने वाली है लेकिन आप अभी तक यहीं पे हैं, हम तो मोहब्बत करते हैं ना, हम खत्म करके जाएंगे, हम कहेंगे कि किस्सा नहीं बाकी, इसके बाद कोई नहीं आएगा आपको ईद मुबारक कहने के लिए। उर्वा हाशमी है इस्लामाबाद से मैसेज कर रही है। उसके बाद जी मिशाल मुल्तान से मैसेज कर रही है, कह रही है मानी भाई कैसे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, ईद मुबारक आपको, खैर मुबारक। उर्वा ने एहसन के लिए सलाम भेजा जी। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम मानी भाई कैसे हैं जी, वाह गेंट मानी भाई आपका शो अच्छा है, ईद मुबारक, आपकी आवाज अच्छी है, हमेशा खुश रहें, शुक्रिया जी, बड़ी तारीफें और ऐसी तारीफें फिर पढ़ने का भी मजा आता है जी। आलमगीर खान ने मैसेज किया, कह रहे हैं जी ईद मुबारक, खैर मुबारक। जैनब खान मैसेज कर रही है, हेलो मानी भाई कैसे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उसके बाद जी सानिया ने गुजर खान से मैसेज किया, कह रही है ईद मुबारक, कैसी गुजरी ईद, ईद अच्छी गुजर गई जी। मोहम्मद अफसर ने मैसेज किया, कह रहे हैं जी नाराज हूं आपसे। अच्छा अफसर ईद मुबारक। शुमाइला ने सियालकोट से मैसेज किया, कह रही है वेलकम मानी जी, लिल्लाह मासद के जाए ते अब्बा डस के जाए हैं। अच्छा जी उसके बाद जी तलागंग से ईद मुबारक मानी भाई, मेरा दोस्त शानी आपका शो नहीं सुन रहा, उसका मोबाइल खराब है इसलिए, वो आपका क्रेजी फैन है, सो मैं उसके लिए शो जो है आपका रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक हो गया ये जी, शानी के लिए लव यू बोल दें, लव यू शानी, जीते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ये लड़कों को आई लव यू बोल बोल के सजाद साहब इसीलिए शादी नहीं हुई आज तक मेरी। सही बात है, ये भी रीजन है, बहुत लड़के प्यार करते हैं मुझसे। ये भी हेल्दी साइन है ना? नहीं नहीं हेल्दी साइन है सर, जितने आपके फैंस आपकी लड़कियां फैन होनी चाहिए उतने लड़के भी होने चाहिए। डेफिनेटली ऐसे ही होना चाहिए, वन साइडेड ना हो आप, मतलब पर्सनैलिटी ऐसी हो कि जब आप अगर एक जगह इन है तो आपको दूसरी जगह भी होना चाहिए, ऐसे ही। सो सर मेरा ख्याल है अभी 4471 पे आपके मैसेजेस 1 बजे के बाद दोबारा हम पढ़ेंगे। सो मैसेज करने का आसान सा तरीका, अपने राइट मैसेज में जाके 101 लिखना, स्पेस देनी, अपना नाम मैसेज टाइप करना और भेज देना 4471 यानी 4471। अभी हम एक म्यूजिकल ब्रेक की जानिब जाएंगे, उससे वापस आएंगे तो फिर आपकी कॉल को एंटरटेन करेंगे। कॉलिंग नंबर 1111001 यानी 1110001 रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर से कॉल करेंगे तो 051 का एरिया कोड, अगर इस पे कॉल ना मिले तो 0561 920 2540। मेरा नाम इमरान अली मानी है, मेरे साथ मौजूद जावेद खान, सजाद खान साहब, ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन, सुनते रहिए 101। फिरेंगी मेरा ना जिथे ना वजन मेरे गाने नी बचिया ऐसा कोई था हूं सुन सर खड़के बिलो दिल फड़के करन सी गल जड़ी में जे अज तू गड्डिया च फिरदी हवा बिच उड़दा ही मेरा प्लेन जे तू गड्डिया च फिरदी हवा बिच उड़दा ही मेरा प्लेन जे तू गड्डिया च फिरदी हवा बिच उड़दा ही मेरा जिन्हें जो गसीगा तेरे छाप भुगाए सी मेरे नालों सोना सीगा तेनू तेरा नखरा जमुंडा जट्टा दाई जग नालों वखरा जग नालों वखरा जे तू किता हुंदा बेटे अज लभना सी सेड पर चलिया नहीं उदों तेरा प्रेम
जे अज तू गड्डियां च फिरदी है हवा विच मेरा एरोप्लेन जे तू गड्डियां च फिरदी है हवा विच उड़दा है मेरा प्लेन जे तू गड्डियां च फिरदी है हवा विच उड़दा है मेरा तेनू छड़ के ना जावांगा मैं लेके तेनू नाल सारी दुनिया घुमावांगा समझ ना आया तेनू साडा सच्चा प्यार नहीं हुण होनी सड़कां ते इंज ही खवार नहीं जिन्ना टाइम लगदा नहीं भाई रोड लारों दिल्ली उन्ने चिर च मैं जावांगा स्पेन क्योंकि तू गड्डी उठ फिरदी जनाब वेलकम बैक टू द प्रोग्राम और यू आर लिसनिंग एफएम 101 इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद जावेद खान सज्जाद और इमरान अली मानी आपके लिए मौजूद और ईद का आखिरी दिन ट्रांसमिशन चल सबसे पहले आप कॉल्स की तरफ चलेंगे क्योंकि आपका थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस रابطे के नंबर आपको मालूम 111-111 विद द कोड ऑफ 051 उन लोगों के लिए जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर से और अपने मोबाइल से डायल करते हैं 051-111-111 जी सर तो डायरेक्टली चलते हैं जी कॉल्स की जानिब देखते हैं जी लोगों की ईद कैसी गुजरी आज तो हम यही पूछेंगे कि ईद आपकी गुजरी कैसी सो कोई अच्छा वाकया हो तो वो लाजमी बताइएगा पहले कॉलर की जानिब जाते हैं जी जी अस्सलाम वालेकुम जनाब कौन बात कर रही हैं मैं रबीता बात कर कैसी हैं आप ईद मुबारक आपको आपको भी ईद मुबारक नहीं आप बहुत 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 बड़ी सैन मतलब मैं ऐसे तब से सुनी जब मैं 6th क्लास में थी और 101 से मैंने स्टार्ट किया मतलब कुछ 4-5 साल हुए हैं आपकी आवाज़ से तो लगता है कि आप को मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है और आप अभी बेटा जो है वो कॉलेज में होंगी ऐसे ही मैंने ग्रेजुएशन करी अच्छा ग्रेजुएशन कर ली है माशाल्लाह चलें वैसे मैं अगर देखा जाए तो देखने में भी ऐसी छोटी नहीं आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो ग्रेजुएशन ने क्या किया फिर पता नहीं नहीं पूछ के बताया ना मैं नहीं वो मानी का मतलब था कि आपने कौन से सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन की है मैंने मतलब सिंपल किया उसके बाद मैंने मॉन्टेसरी कोर्स किया अच्छा अच्छा और टीचिंग किया तो मुझसे मेरे स्टूडेंट भी बस आपकी जॉब पक्की हो गई है आप जावेद खान से पूछे ना वो कहता मैंने भी मास्टर्स कर लिया लेकिन मैंने कहा सब्जेक्ट कहता वो मैट्रिक वाले नहीं 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 कहता जी मैंने मास्टर कर लिया कहता मैंने पूछा आप क्या करना कहता हेड मास्टर करना देख मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मिस आप तो हमें मैट्रिक क्लास की स्टूडेंट लगती है अच्छी बात है देखिए आपकी बेटा आवाज ही ऐसे लग रहा है बस आप अपना ख्याल रखें और आवाज को ना कुछ खिलाया पिलाया करें बहुत कमजोर है आवाज आपकी मैं वैसे भी कमजोर जावेद खान से ना हम तो आवाज की तरबियत कर सकते हैं उसको ट्रीट कर सकते हैं जावेद खान पानी में जो है ना वो दम शम करके लड़की को भेज और मानी भाई मैं आपके लिए एक बात कहूंगी कि आपकी मैं मतलब बहुत बड़ी मैं आपकी और कल आपने सुचार से एक बात की थी जो मैंने सीखी वैसे मुझे इनके पोइट्री का अभी तक मीडियम भी पता है कि और मैंने इन्हीं से पोइट्री सीखी है और मैंने कुछ लिखा भी है लेकिन वो मैं इस काबिल अभी मैं अपने आप को नहीं समझती कि मैं वो सुनाऊं लेकिन मैंने थोड़ी सी कोशिश की और कल आपने एक बात की थी कि ये लॉकडाउन में हमने कितना सीखा है तो
तो मैंने आपकी बात मुझे बड़ी दिल को लगी थी कि आप उसकी बातों से हम सारे सीख, मैं तो बहुत सीखती हूँ रेडियो। चले चले, ये तो बहुत अच्छी बात। तो रेडियो से मुझे लगता है कि मैंने काफी सीखा रेडियो, मतलब मुझे बहुत अच्छी। चले ये तो अच्छी बात है कि आप सीखती भी हैं और आप में लिखने का शौक भी पैदा हो गया। क्या आप सुनाना चाह रही हैं जो लिखा आपने? नहीं, अगर मैंने सुना दिया फिर मजाक बन गया। नहीं मजाक तो फिर तो वो तो हमें करेंगे ना, हमारा फर्ज है मजाक करना। अच्छा, मैं कोशिश करती हूं। अगर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े सर, मेरा ख्याल है जब हम जब गजल की तरफ आएंगे अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फिर गजल सुनेंगे आपसे, ठीक है? दो नहीं नहीं, बस आप ये फोर लाइंस मुझे सुन लें। अच्छा, चार लाइन है, लेकिन अभी जरा हम इस तरफ आना नहीं चाह रहे ना, पोएट्री का एक पूरा सेगमेंट करना है, सेगमेंट है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, कई लोगों की कॉल मिल जाती है, उनका कंफ्यूज हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अपना नाम बताओ और कहाँ से कॉल की आपने? जी मैं इंसान अली शानू बात कर रही हूँ, हरिपुर से। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। नाम इतनी जल्दी पूछते हो, तो नाम क्या बताया लड़की ने? इंसान अली शालू। अली शालू, देखा क्या बात, इतना खूबसूरत नाम। खूबसूरत सर, खूबसूरत, हाँ, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, क्वीट। आप तीनों कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक, वैसे ही है, पुराने खराब। जी जी जी, क्या बोला आपने दोबारा, हुक्म करें जरा। मैंने क्या, मेरी ईदी निकाली ना। ईदी कौन सी ईदी जी? अलविदा ईद करने के लिए आए हम। हमने ओपन थिएटर लगाया हुआ था, आप कल क्यों नहीं आई? कल हमने तो ओपनली लोगों के लिए ऐलान किया ईदी का। 900,000 आप रह गए, वरना मानी ने तो लास्ट जो है ना आधा घंटा डॉलर्स में देना शुरू किया। आपने मेरे मानी भैया मुझे भी दें कुछ। चले आपको कुछ देते हैं, आपके लिए बेटा दुआएं हैं, बहुत सारी दुआएं आपके लिए हैं। मसल्ला जावेद खान का यूज कर रहा हूँ मैं, बस अभी दुआ करने लगा हूँ आपके लिए, ठीक है? मानी भैया आपकी ईद कैसी गुजरी है? ईद मेरी अच्छी गुजरी है, A1 गुजरी है, जावेद खान की मुछे देख देख के गुजरी है। लॉकडाउन थोड़ा सा जो टाइम बच जाता है वो हम इसकी तस्वीरें देख के भी। बहुत शुक्रिया बच्चे, जीती रहे, हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, ईद अच्छी गुजरी आपकी? जी जी बिल्कुल, घर में घर में रह के गुजरी है, यही सबसे अच्छी बात है। और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, बस तमाम सुनने वालों को सलाम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। सजाद खान साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? शुक्रिया, ईद का तीसरा दिन मुबारक आपको भी, अल्लाह आपको अच्छा रखे। कौन बात करी? मैं बात कर रही हूँ, मुझे बहुत दुख किया, मैंने मुझे कहा था हम तीसरे दिन आएंगे, मगर आए नहीं। तीसरे दिन आएंगे तो हम आए ना, आज तीसरा दिन आए, वी आर हियर। नहीं नहीं, नहीं आज रिलेशन कह रहे थे, मगर नहीं आए। उसे ना कोई 1,00,000 रुपया भी देना, वो तब भी नहीं आएगा। कौन कौन ऐसा की बात? उन्होंने कहा था, नहीं नहीं आप कोशिश करके देख सकती हैं, वो अगली पे भी शायद ना आया। अच्छा ये कॉल ड्रॉप हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आवाज की दुनिया के दोस्तों को और सभी सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जरा मुझे भी पहचान लीजिए। नहीं हमने चक्कर ये रखा नहीं, हम पहचानने वाले ये अभी सेगमेंट नहीं चला। नहीं ना, ना हमें कोई पहचानता है, ना हम किसी को पहचानते हैं। चलिए ना पहचाने, बहरहाल हम अपना तारुफ खुद करवा देते हैं। हुक्म करें जी सर। काफी अर्से के बाद कल थोड़ा सा प्रोग्राम सुना था 101 इंटरनेशनल, और उसके बाद आज फिर सोचा कि पार्टिसिपेट करेंगे, दोबारा सुनेंगे। ओए होए, शाहजेब बात कर रहा हूँ शालकोट से। अच्छा मैंने सुना आप कहने लगे कि अच्छा शाहजेब शालकोट से। अच्छा शाहजेब, शाहजेब क्या हाल है आपके, ईद मुबारक। सजाद भाई को फीडबैक भी दिया था मैंने। थैंक यू शाहजेब, और कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप सुनाए, फैमिली कैसी है, आप कैसे हैं, पेरेंट्स कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ईद का तीसरा दिन कैसे गुजारा, कहाँ से? सियालकोट से। सियालकोट में हालात निशान बता दे, कैसे हैं, क्या है हालात? ना ज्यादा खतरनाक हैं और ना ही ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा, कह दीजिए दरमियाने हैं, है। अगर लोग एहतियात कर लें तो ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई जान, ठीक कह रहे हैं जी, ये कहते ही ठीक है जी। ये सियालकोट में इसे चुपकी मारी हुई है एक। अच्छा नहीं जी, शहजादे ये हर हफ्ते वो मिलता है हेडमरा ले चू। अच्छा अच्छा,
ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਪੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਆਪ ਵਹੀ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਗਿਆ ਹੂੰ ਆਪਕੋ। ਜਬ ਮੈਂ ਜਬ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਛੋਟਾ ਹੁਆ ਕਰਤਾ ਥਾ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਸਾ, ਤਬ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਸੁਣਤਾ ਥਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਬ ਛੋਟਾ ਹੁਆ ਕਰਤਾ ਥਾ, ਮੈਨੇ ਯੇ ਕਹਾ, ਮੈਂ ਤਬ ਸੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਕੋ ਸੁਣਤਾ ਹੂੰ। ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਨ ਸਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪ ਸੁਣ ਲੇਤੇ ਹੋਂਗੇ ਬਹਰਹਾਲ। ਸਰ ਯੇ ਦਿਲ ਕਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਇਸ ਪੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੇ ਸੁਣ ਲੇਤਾ ਬੰਦਾ, ਅਨ ਕਹੀ ਬਾਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲੇਤਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੁਝੇ ਔਨ ਏਅਰ ਯਾਰ। ਅਬ ਆਪਕੋ ਸੁਣਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਸੈਟ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਦੇਖੇ ਹਮਾਰਾ ਯੇ ਦਿਲ ਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੇ ਸਾਥ। ਅਭੀ ਆਪਨੇ ਆਤੇ ਹੋਏ ਕਹਾ ਨਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੁਝੇ ਐਸੇ ਲਗਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ ਯੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੇ ਸਾਥ ਇਸਲੀਏ ਕਹਾ ਨਾ ਐਸੇ ਹੀ। ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਕਾ ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਕੀ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਸੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏਗਾ, ਕਿਸੀ ਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮਤ ਖਾਈਏਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਜੀ ਸਜਾਦ ਭਾਈ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਕੈਸੇ ਆਪ? ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਬੜਾ ਕਰਮ, ਉਸਤਾਦ ਕਾ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ, ਕੌਣ ਬਾਤ ਕਰੀ? ਅਨਮ ਇਮਰਾਨੀਅਨ ਫਰੋਮ ਗੁਜਰ ਖਾਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਕੈਸੇ ਆਪ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ। ਮਾਨੀ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰੇਂਗੇ ਆਪ? ਮਾਨੀ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰੇਂਗੀ? ਦੇਖੇ ਦੋ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਆਜ, ਇਮਰਾਨੀਅਨ ਔਰ ਜਾਵੇਦ। ਜਾਵੇਦ ਕੇ ਸਾਥ ਕੋ ਸੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਤੋ ਜਾਵੇਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੇ ਹੋ ਜਾਤਾ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੇਤਾ ਬੰਦਾ, ਜੇਦੀ ਰੱਖ ਲੇ। ਅਨਮ, ਈਦ ਕਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਆਪਕੋ, ਕੈਸੀ ਆਪ? ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ। ਆਪ ਡਰ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋ ਗਿਆ ਸਲਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤੇ ਸਬਕੋ? ਜੀ ਜੀ, ਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਫਾਇਜ਼ਾ, ਉਨਕੋ ਸਲਾਮ, ਦਸ ਖਾਨ ਕੋ, ਫਿਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ੀ ਕੋ, ਦਨੀਨ ਕੋ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਸਰ ਕੋ, ਨਾਦਾਨ ਕੋ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਸੀਰ ਕੋ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਫੀਜ਼, ਸਲਮਾਨ, ਸਲਮਾਨ ਭੱਟ, ਜਾਵੇਦ ਖਾਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਨ, ਗੁਲਾਬ ਖਾਨ ਕੋ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਨ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਚੌਧਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸ ਕੋ, ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸ ਕੋ, ਉਸਕਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿਆਸ ਕੋ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ। ਅਨਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਕਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਕੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੇ ਹਮਾਰਾ ਰੁਖ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ, ਕਿਸੀ ਵੀ ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਪੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਅਭੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਲੜਕੀ ਥੀ ਯਾਰ, ਕੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਯਾਰ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਰ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਸਲਾਮ, ਕੌਣ ਕਹਾ ਸੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਉਮੇਰ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੂੰ, ਜੋਹਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਸੇ। ਯਾਰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਤ ਕੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਆਪਕੋ? ਆਪਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਰਾਤ ਕੋ ਆਪਕੋ ਆਪਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸੋਤਾ ਹੂੰ। ਹਰ ਰਾਤ ਕੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਸਜਾਦ ਭਾਈ ਕੈਸੇ ਹੈਂ ਆਪ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਬੜਾ ਕਰਮ, ਆਪ ਠੀਕ ਹੈ? ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਕਾ ਗੁਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੂੰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਆਪ ਤੀਨੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਆਪ ਸੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਕੀ ਆਪ ਇਨਸਲਟ ਮਤ ਕਰੇ। ਆਪ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਔਰ ਮਾਨੀ ਭਾਈ ਆਪਕਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਪਸਲੀਓ ਮੈਂ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਆਪ ਹੱਸਤੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਹੱਸਤੇ ਰਹੇ, ਮੁਸਕਰਾਤੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਆ ਕਰਤਾ ਰਹਤਾ ਹੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਸੱਲਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ। ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਫ੍ਰੈਂਡ ਹੂੰ, ਬੈਸਟ ਫ੍ਰੈਂਡ ਹੂੰ, ਔਰ ਮੁਝੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਂਗ ਲਗਾ ਦੇਂਗੇ ਫਲਕ ਕਾ ਅੱਛਾ ਸਾ। ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਮ ਫਲਕ ਕਾ ਫਲਕ ਹੀ ਲਗਾਏਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸੇ ਈਦ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏਂਗੇ। ਹਾਂ, 1 ਵਜੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਕੈਸੀ ਆਪ? ਯੇ ਕਾਲ ਸਜਾਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਸਜਾਦ ਖਾਨ ਆ ਜਾਏ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਨੀ ਜੀ,
मैं सर मैं 3 इंटू पे रेडियो पाकिस्तान चला लूंगा सर। नहीं ये इमरान नहीं है ये साहब, मैं ईंटे ना लगाती तो आज आप ठंडे स्टूडियो में बैठ के हमारे लिए अच्छा सा काम कैसे करते हैं। ईंटों का ठंडे स्टूडियो से क्या ताल्लुक है? और हम जैसे अच्छे लिसनर के दुआएं दिया करें। सिद्धार्थ भाई कुछ कहना चाहेंगे? मानी जी ये आम बोल रहे हैं या फिर तमी बात कर रही? नहीं नहीं मैं बिल्कुल हकीकी मानी ये कह रहा है। अच्छा जवेद भाई कल कह रहे थे ना कि मैं लोगों को ईदी कैसे बन जाऊँ जी जी ये हम याद रखें। मैंने आपसे ईदी नहीं मांगी लेकिन मैं सबको लीड करूंगी और जब आपका निकाह का टाइम होगा ना कहूंगी कि निकाह नामे पे बॉन्ड में साइन करें पहले इन लोगों के ईदियां। नहीं नहीं ये जो बंदे ये जो सर ये जो कर्जे होते हैं ये मरने के बाद दिए जाते हैं। वहाँ पूछा जाता है आपके साथ तो यही होगा ना? अच्छा ये शादी मेरे लिए इतना बड़ा मसला है रह नहीं देने से आप आइए आप आए लेकिन भोला नहीं आया। आप भोले से नहीं मिले? नहीं नहीं भोले से मुलाकात नहीं हुई। कौन है दिल खड़ा नहीं करें? अच्छा, सर वो गाना है सर। अच्छा अच्छा भोले का दिल खड़ाच गया सर। अच्छा अच्छा साइमा आफ्ताब कैसा गुजारा तीसरा दिन? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके ओके अल्लाह हाफिज। असली क्या जान ही छूट गई है। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बहुत ज्यादा आवाज आ रही है शोर आ रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है। जी वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? राजा आकिब अबासी बात कर रहा हूँ मरी से। राजा राजा आकिब अबासी। आकिब अबासी माशाल्लाह तीन बंदे एक नाम है। नाम एक ही है जी। अच्छा जी सर हुक्म करें। ईद खैर मुबारक आपको भी ईद मुबारक जी। खैर मुबारक जी। और आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अभी मैंने मैसेज भी आपको किया था और उसमें मैंने लिखा था कि इधर मरीज वाले लोग जो ना ये कहते हैं कोरोना वायरस कोई नहीं है ऐसा ही ये वबा फैली हुई है कि भाई कोरोना वायरस है तो इनके लिए थोड़ा इनको बता दें जो प्रोग्राम मरीज वाले सुन रहे हैं कि भाई ये अमल करें वो ये ना सुन सर जी कोई जल्दी इंशाल्लाह ना नहीं नहीं असल में ना टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई। मेरा दिल कर रहा था जो बंदा बाहर निकलता है ना इसको फोन में से चांटा मारने का तरीका होना चाहिए। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट के पास नहीं मतलब नहीं राज जी वैसे ना देखें तरक्की होगी आदमी की होना ऐसे ही चाहिए कि बेल बजे जो बंदा बाहर निकले वो हेलो करे रख के जेब में। अच्छा फोन में से बंदा निकल के चाट मैं पास मैं नहीं मार सकता ना। मैं कहता हूँ ये ना हो कि मुझे कोई तीन दो चार बने पकड़े मुझे ही ना मारे कोरोना से पहले पहले मुझे असल में ना मार डाले। असल में आप ही कह रहे हैं राय साहब आप दिल तो दुखता है लेकिन आपने बड़ा सीरियस बात की है। अभी हम प्रोग्राम में मैं और मानी यही बात कर रहे थे जावेद साहब भी यही बात कर रहे थे कि लोग अभी तक ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हालांकि 220 भी कहते हैं पता है क्या कहते हैं कि ये जी जो कोरोना वायरस जो मरीज होता है ना वो ठीक ठाक होते हैं और उधर उसको जाके जो जहर का इंजेक्शन लगा देते हैं और खुद ही मार देते हैं बोलते हैं भाई बस ये मर गया कोरोना वायरस से। बेचारे मासूमियत बहुत है ना पाकिस्तान मासूम को। मैं थैंक यू सो मच आके अपना बहुत सारा ख्याल रखो और ये बात वैसे मैंने सुनी है आम तौर पे सुनी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। टेक्सला से मुस्तजाब हुसैन। डीजे क्या है आप? मैं ठीक ठाक जी अल्लाह का शुक्र बाकी भी सारे ठीक ठाक हैं। जावेद खान साहब क्या हाल हैं? ठीक हैं अल्लाह का बड़ा करम बड़ा एहसान। आप कैसे हैं मुस्तजाब? ठीक हैं आप? सर अल्लाह का प्यार करम है जी। और जावेद भाई आप ठीक हैं खरीय से? आपकी भी खिदमत में सलाम पेश है कहीं नाराज ना हो जाए। वालेकुम अस्सलाम। पूछा नहीं है ऑलरेडी आप टारगेट रहते हैं दोनों भाइयों के? कोई मसला नहीं आप मैं आपसे क्यों नाराज हूँ मेरे भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। टारगेट की ऐसी कोई बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको अलग से स्पेशली से सलाम किया है। ये आपकी मोहब्बत है बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। पता है क्या पूरे प्रोग्राम में असल जो रौनक होती है ना वो आपकी वजह से होती है। कल भी मैं आप लोगों की गुफ्तगू और बड़ा जबरदस्त हुए सिलसिला चल रहा था और मैं सुन के मेरे चेहरे पे स्माइल थी ना मैं अपने रूम में था अचानक मेरे दोस्त मेरे रूम में आए तो कहते हैं भाई क्या वजह है क्या ऐसा देख लिया मोबाइल में क्या सुन रहे हो कि जैसे हंस रहे हो। जी जी आप लोगों की वजह से हमारे चेहरों पे स्माइल आ यही हमारा मकसद है और
اس میں ہم الحمدللہ آپ نے جیسا فیڈ بیک دیا تو ہمیں خوشی ہوئی کہ ہم نے جو عید کے دن یہاں گزارے ہیں اور اس وقت جو آپ لوگ کے ساتھ ہیں تو جو ہماری ڈیوٹی جو ایک ذمہ داری تھی اس موجودہ صورتحال میں اگر آپ کے چہرے پر ہنسی آئی ہے تو ہم سمجھتے ہیں تینوں اور جتنی ہماری پروڈکشن اسٹاف ہے تو ہم اس مقصد میں کامیاب ہوں گے کہ موجودہ صورتحال میں رہتے ہوئے بھی آپ لوگوں کو ہنسانے میں خوش کرنے میں کامیاب ہوں گے اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن تجھے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے سے سب سے زیادہ جو ایفرٹ ہوتی ہے وہ عمران علی مانی صاحب کی ہوتی ہے لیکن آپ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے آپ کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے بغیر محنت کے آپ زیادہ جو ہے نا نام لیکن آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر میں میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے سجاد بھی کوئی بات کرتے ہیں مانی بھائی کوئی بات کرتے ہیں کوئی کالر کرتا ہے اور اس کو میں اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتا جو کہ لوگ توقع رکھتے ہیں تو وہ آپ لوگ کے ہنسی کا وہ ایک ذریعہ بن جاتا ہے وہ موقع ملتا ہے آپ لوگ کو ہنسنے کا کہ مجھے کچھ کہنا چاہیے تھا لیکن وہ خاموشی بھی بہت کچھ کہہ دیتی بالکل ایسے ہی ہے جی آپ کی خاموشی میں بھی بہت زبردست سر ماشاء اللہ خیال رکھیے سر مستجاب صاحب اپنا بہت سارا خیال رکھیں آپ کو عید کا تیسرا دن مبارک اور جاوید خان جو ہے نا اس ٹائم پہ اٹھ کے آپ کی بات سننے کے بعد سیٹ سے پھیل گیا تھوڑا سا کیونکہ آپ کو کوٹ کر چکے ہیں کائنڈلی تھوڑا سا آج آخری دن ہے آج آخری دن ہے آج تک کڑاکے کاٹ دیں مان لو تھینک یو کالنگ ان اپنا بہت سارا خیال رکھے جی میرا نام عمران علی مانی میرے ساتھ موجود جاوید خان اور سجاد خان صاحب 101 انٹرنیشنل اور یقیناً پاکستان کا وہ علاقے جہاں پہ کہ بالکل کوریج نہیں ہے وہاں پہ بھی 101 سنا جا رہا ہے تو میری ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ پہلے دو دن ہمیں کالز کر چکے ہیں وہ آج کال نہ کریں آج نئے لوگوں کو موقع دیں تاکہ وہ بھی 101 پہ کال کر سکے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی پانچ سال بعد کال ملی ہے جا کے تو ان کو موقع ملنا چاہیے سو یہ ریگولر کالرز ہیں وہ یقیناً کال کریں لیکن پھر بھی تھوڑا سا موقع دیں ان کو بھی آدھا پونا گھنٹہ سوچ لے کے نہیں کال کرنی جی السلام علیکم 101 ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام اپنا نام بتائیں اور کہاں سے کال کیا آپ نے جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں کیا حسنا بتایا جی بس حسنا ٹھیک ہے آپ اوئے مسنا بتایا آپ نے چیچا بتنی والا کام نہیں لڑکی کا نام ہے جی مزنا مزنا بتایا جی مزنا تو میں نے یہ کہا تھا لیکن آپ نے کہا تھا نہیں چلو کوئی بات نہیں ہو جائے دیکھیں جی جی ہاں چلے حسنا بھی اچھا نام ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ لاسانی بھی آتے ہیں ثانی بھی آتے ہیں مانی بھی آتے ہیں جی جی بالکل کیونکہ آپ کا ہے تو نو ڈاؤٹ کے سارے نام اچھے ہیں جی جی ماشاء اللہ ہمارے لیے اتنا بھی مٹھا مکھن نہیں لائی دا میرا بھرا جتنا کہ تو لا دے کسی کو ناراض تو نہیں کر سکتے ناراض بھی نہیں ہو سکتے یہ کہتا ہے میں آپ سے ناراض ہوں میں کہتا ہوں تھوڑے دن رہو یہ بھی ایک جذبہ ہے جی مزنا تیسرا دن کیسا گزرا آپ کا میرا اچھا گزرا اور آپ سب کا بالکل اچھا گزرا اے ون گزرا بس عید ہی نہیں ملی نہیں عیدی تو ختم ہوگی نا بس بھول جائے نا وہ نہ کریں بات ایسی سر یہ شرارت نہ کریں آپ سر نہ کسی نے وہ ہمیں جو مختلف ذرائع ہیں اور ویسے بھی جو عید دینے والا جو سلسلہ نا جس وجہ سے آپ یاد کروا رہے ہیں وہ پہلا دن ہوتا ہے سر جاوید خان کو منع کریں سر کس غلط سائڈ پہ جا رہے ہیں بس یہ ختم ہوگی یہ عیدی 12 بج گئے عیدی ختم ہوگی نہیں ویسے بھی عید عیدی کی جو ایکٹیویٹی وہ پہلے دن کی ہوتی ہے نا جی ایسا ہی ہے اور کچھ کہنا چاہیں گے مجھنا ہاں میری فرینڈ صدف کو اسلام میری ہائی بول دینا ہائے ہائے صدف اچھا اچھا اس نے جو ہائے بولا وہ کہیں اور سے نکلا اس کے گردو سے نکلا ہائے اگلے کالر کی جانب جاتا ہے جی سجاد بھائی جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جناب کون بات کریں ارشاد بات کر رہا ہوں ارشاد کریں ٹھیک ہے حکم کیجیے بالکل ٹھیک ٹھاک آپ سنائیں کرم اللہ پاک کا حکم کیجیے تیسرا دن کیسا گزارا اور کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آج آج ایکٹیویٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک پیغام شامل کرنا ہے آپ لوگوں نے بس بالکل ٹھیک ٹھاک جی میں پاک آرمی سے بات کر رہا ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ تو ہمارا فخر ہے نا بالکل جی حکم کیجیے بس یہی کہ ہمیں کرونا کے حساب سے باہر نہیں نکلنا چاہیے زیادہ صحیح صحیح افواہی انتظامات پورے کر کے نکلنا چاہیے ماسک وغیرہ گلوز وغیرہ پہننے چاہیے چلیں تھینک یو سو مچ تھینک یو سو مچ اپنا بہت سارا خیال رکھیں آپ کو پھر سے میری طرف سے عید مبارک اینڈ سلوٹ ٹو پاکستان آرمی بالکل جی نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے اور کال لیں گے جاوید خان السلام علیکم 101 جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک اپنا نام بتائیں اور کہاں سے کال کی آپ نے فاطمہ آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی دوبارہ بتائیے کہاں سے کال کی آپ نے فاطمہ
फातिमा आप जरा फोन को करीब कर लें या रेडियो सेट की आवाज बंद कर दें, डिस्टॉर्शन आपकी तरफ, या हैंड फ्री लगाया आपने, हैंड फ्री हटा दें। हेलो जी, अब सही आ रही है फातिमा आवाज? या तो आप ईयरफोन यूज करती हैं या आप स्पीकर के ऊपर बात करती हैं, डिस्टॉर्शन बहुत आती है। आई थिंक जी जी वो हेडफोन उतार दी। वो यही वजह थी कि जो कल भी आपकी कॉल ड्रॉप हुई है और आज भी डिस्टॉर्शन थी। नहीं, कल तो मैंने आपको इतनी अच्छी पोएट्री सुनाई थी, कल तो मेरी कॉल चली थी। अच्छा चले चले ठीक है, हुक्म कीजिए। अच्छा, कैसी हैं आप? ठीक है जी। हाँ जी, पता नहीं क्या चल रहा है, उसी फोन से सुनो उसी फोन से डायल करो, पता ही नहीं चल रहा होता, बस ऐसे ही है ना जी। आप कुछ पूछ रहे हैं सब लोगों से, ईद मुबारक आप लोगों को। मुबारक का भी पूछ रहे हैं और कोई मैसेज देने का भी कहा है कि आने वाले दिनों में कोई एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप एहतियाती तदाबीर के हवाले से उसको फॉलो करें। जी वही है, वो तो जाहिर है सबके लिए कि घर में रहें, खुद को महफूज रखें, दूसरों को भी महफूज रखें और बाहर मत निकलें। जैसे आपने पहले भी बताया, गाड़ी में अगर निकलते हैं तो निकलें, और जिनके पास नहीं है तो सब्र करें और घर में रहें और बस दुआ करें अल्लाह पाक इस आजमाइश से हम सबको निकाले। बिल्कुल। और मैंने आपको कल अपनी पोएट्री सुनाई थी, अगर आपको मैं आज थोड़ी सी सुना सकती हूँ? क्या सुना सकती है, लेकिन वो पोएट्री के सेगमेंट, पोएट्री का सेगमेंट शुरू करेंगे 2 बजे, तब तक आप सो जाएंगे। अच्छा, चलें आप सुना दें। अच्छा सुना दो, शुक्रिया। सुनाइए। सुनाओ जी। जी सुनाइए। अच्छा, उम्मीद आज आरज़ू हसरत की बात रहने दो, अब तुम मुझसे जुड़ी अपनी हर बात रहने दो, खुशियाँ तुम्हारे लिए हैं तुम्हीं को हो मुबारक, हमारे लिए ये गमों के जुल्मात रहने दो, रोज रोज मिलके भी कुछ समझ ना सका तुझसे, अब तुम हमारे साथ अगली मुलाकात रहने दो। क्या बात है। थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फातिमा अच्छे शेर सुनाया आपने और आपका बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम अरमान। वालेकुम अस्सलाम, अपना नाम बताएं और कहाँ से कॉल की आपने? रोज तो कॉल करती हूँ। अच्छा, रोज कॉल करती है? रोज तो हमें हजारों लोग कॉल करते हैं जी, नाम बताएंगे तब हम पहचान लेंगे आपको। अजमत लियाकत फ्रॉम इस्लामाबाद। अजमत लियाकत फ्रॉम इस्लामाबाद, ठीक हो गया। अजमत, ईद मुबारक आपको, तीसरा दिन ईद का। हाँ देखें, अलविदा ईद कर रहे हैं ना हम लोग। कैसे हैं आप? अभी तक तो ठीक हैं जी, आपकी कॉल से पहले तक ठीक थे। क्यों, मेरी कॉल आ गई तो क्या हुआ? नहीं नहीं, अभी हम ये बताया आपको कि अभी तक ठीक है। क्या गया? चले अल्लाह ताला आप लोगों को ठीक ही रखे। अच्छा, आमीन आप सबको। तो और सुनाएं आप, कोई नई ताजी सुनाएं। नई ताजी ये, आज मेरी बर्थडे है। अच्छा, आज आपकी बर्थडे है, सो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ डे एंड मे यू हैव मेनी मेनी मोर, जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000 हल्के फुल्के तक्के खाती रहो। कैसी हो? बड़ी सोनी दुआ देती हूं। नहीं देखे, हल्के फुल्के धक्के जो है ना, ये जिंदगी जिंदा रहने की निशानी है। yes, अगर धक्के ना पड़े तो आप फिर समझ ले आप में और ठीक है। अच्छा कि अच्छा किया, ब्रेक किया, विश तो किया ना। थैंक यू सो मच। चले, ख्याल रखिएगा अपना जी। और बात सुने? सुन ही रहा हूँ इतनी देर से, सुनाए। आज आपका दिन ना सुनाए। चले, तमाम सुनने वालों को सलाम, स्पेशल पाक आर्मी को और और फाइमा को, अनिला भी को, उस्मान को, इरफान को, सबको मेरे से सलाम और धीरे दुआएं। थैंक यू सो मच अजमत जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहां से? मोमना अबासी ने मरी से कॉल कर ली है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था मोमना, जिन्होंने 2 दिन कॉल की, आज जरा इंतजार करेंगे। हाँ तो मैंने काफी इंतजार करने के बाद कॉल की है ना। अच्छा, काफी कितना इंतजार कर लिया? बहुत ज्यादा, मतलब जब से शो स्टार्ट हुआ तब से मैं इंतजार कर रही थी, फिर मैंने कभी मैं कॉल कर ही लेती हूँ। इंतजार के अलावा आज आपने मोमना कैसा दिन गुजारा? आज का दिन अच्छा गुजरा, बिजी बिजी। मरी से लोग कह रहे हैं कि बहुत शिकायत है, वो राजा साहब कह रहे थे, वो राजा भी राजा अब्बासी साहब कह रहे थे कि वो बहुत प्रॉब्लम है, मरी के लोग सुनते नहीं है। आइदर ही इज राइट, आप लोग सुनते नहीं है? जी जी बिल्कुल, हमारी तरफ तो एक से तीनों दिन बहुत ज्यादा रश हुआ है, मतलब लॉकडाउन की वजह से कोई स्मार्ट नहीं थी, जैसे हर साल ईद होती है वैसे ही ईद थी, सब कष्ट का आना जाना लगा रहा, कोई भी मतलब कुछ भी नहीं था। नहीं तो मतलब आपका प्रॉब्लम क्या है, तुसा क्यों नहीं सुन रहे हो भाई? मतलब आपको ये क्यों नहीं समझ में आती कि कोरोना है और इसमें लॉकडाउन में एक दूसरे से डिस्टेंस रखना है? क्या मरी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है?
है, बिल्कुल है, हम लोग सुनते भी हैं, हमें पता है कि कोरोना भी है, लेकिन क्या करें, अब जाहिर सी बात है जब घर पे आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, भैया आप हमारे घर ना आए। नहीं अब देखे मेरी फैमिली में से मेरे कजन को हुआ है, बस ये उनको सेहत, वो आए उधर से सऊदीया से आए, तीन चार दिन हो गए ना, तो उनका ये था कि उनका एक दोनों भाई घर से आए, और एक का था कि उनका क्लियर हो गया था टेस्ट, और दूसरे जो भाई थे उनका क्लियर नहीं हुआ, उनको पहले तो वहाँ पे क्वारंटाइन में उनको रखा गया, तो फिर था कि दो तीन दिन के बाद उनको हम लोगों ने मतलब काफी रिसोर्सेज वगैरह करके हमने कहा हम घर ले जाते हैं, हम इन्हें एक रूम में आइसोलेट कर लेंगे, तो आप हमें इनको जाने दें, तो अब उन्हें आइसोलेट किया हुआ है, तो है मतलब कोरोना है ये हमें पता है कि है, लेकिन जाहिर सी बात है घर में अगर गेस्ट आ जाए तो फिर हम उनको कह भी तो नहीं सकते ना कि भाई आप उनको सख्ती से ना कहें, लेकिन आराम से जाने दे यार अपने घर वालों की सुनते सारे आप नहीं सर, वो घर वालों की नहीं सुनती, हमारी क्या सुनेगी, अब्दासी उनके खानदान में कोरोना है वो तब नहीं सुन रहे, तेरी सुनेगी जाने जा, वो पठान तो सुन लिया करो, वो पठान तो पागल हो गया यार, कितनी वो पूरी दुनिया की नहीं सुन रहे सर, उसने मुझे नहीं बोलने दिया, नहीं बाजी ये गलती है, अस्सलाम वालेकुम बाजी, अल्लाह हाफिज, मैं चुप बोल रही हूं। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे जी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहां से? दनीन बात कर रही इस्लामाबाद से, दनीन अबासी कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र आप कैसे हैं? अबासियों ने खैर मुबारक, अबासियों ने ना 101 इंटरनेशनल भी लूट लिया, सारे अबासी इकट्ठे हो गए क्या करें, इतनी फैन फॉलोइंग है ना आपकी आवाज़ में। ये बताएं आपका ईद का तीसरा दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा। आप भी दरीम इस्लामाबाद से बात करें या मरी से? इस्लामाबाद से, लेकिन मैं आज ही मरी से आई हूँ। ये भी किसी दिन ही सुनती सर, ये जो पॉइंट ऑफ अभी जो ये कन्वर्सेशन चल रही थी आपने सुनी है? हाँ मेरी कजन ही है। देखा ना आप, मुझे आवाज से लग रहा था इन दोनों की आवाज बहुत मिलती है। आप देखें दोनों में, अच्छा वो किसी की नहीं सुनती, ऐसे ही है, कौन नहीं किसी की सुनती, ये मोमना जो है सुनती है, क्यों नहीं सुनती? अच्छा वो स्ट्रॉन्ग नहीं करती होंगी ना वो, डीजे घर वालों ने दांत गिने होते हैं सर नहीं आप उनसे एग्री करती हैं? एग्री करती हूँ। तो आप इसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते अपनी फैमिली में कि यार ये कम आया जाया करें, कोरोना है कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा नहीं है? कहते हैं, सुनते भी हैं, अब फिर क्या कह सकते हैं, हमें कहते हैं आप छोटे हो, आप जो अच्छा हाँ माशाल्लाह ये छोटी नहीं है सर, इसने जिंदगी आधी गुजार ली है। अच्छा हाँ गुजार ली आधी। हाँ चलें अल्लाह ताला इनको और सेहत भी दे, उम्र भी दे, और अल्लाह ताला इसी देखें ये सारी बातें इसीलिए कर रहे हैं, सेहत तंदुरुस्ती होगी तो ऐसा ही है जी, सेहत होगी तो आप सारा काम कर सकते हैं, फर्ज करें आप बीमार हो जाते हैं या कोरोना का शिकार हो जाते हैं तो सारा खत्म हो जाएगा ना, तो अपने फ्यूचर को सेव करें, अपने बच्चों को सेव करें, अपने बुजुर्गों के लिए सोचें, क्योंकि बुजुर्ग और बच्चे जो है वो आपके घर आए, आपने गेट से बाहर में आ गया और आप हम दोनों गाड़ी में बैठ गया, फिर जावेद खान के पास चले गए जी, इनको घर से पिक किया, ये भी गाड़ी में आगे बैठ गए, कोई चाय का भी टाइम था, जा भी सकते थे, कोई किसी के घर नहीं गया, ऐसे ही है। ये अंडरस्टैंडिंग की बात है ना, मतलब ये तो नहीं है ना कि मैंने आपको रोका है जी, ऐसा ही है, तो ये तो आपको खुद अंडरस्टैंड करना है ना, ये तो पर्सनल फीलिंग है ना, आप अपनी फैमिली को आप कह रहे हैं कि हम रोक नहीं सकते। अच्छा क्या पैगाम देना चाहेंगी आप दनीन? स्टे होम सेव लाइफ, जस्ट ये पैगाम दे रही, पैगाम ये दे रही है, काम गलत कर रहे हैं बासियों तो अड़ा कुछ नहीं हो सकता कुछ नहीं हो सकता, ओके थैंक यू सो मच दनीन, सुनाए ना मोहम्मद अख्तर आपसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। अच्छा ये आपको बताना था। अच्छा और उसके बाद सलाम देने थे अमल को, सदाम भाई को, रऊ को, अख्तर को, मोमना को, दूषा को, सदफ को, अनम को, अनीला को, अनीता को, सलाम को, तुफैल को, आसमान को, नवीद को, हबीब को, जो नाराज है उनको कहा नाराज ही रहे, हमने कोई नहीं मनाना, वसीम को, जमाल नहीं मनाना, मना लेना, नहीं मनाना, नहीं जी मैं मनाऊंगा, मोहम्मद अफसर मेरा भाई है जी, उसको मैं मनाऊंगा, मेरा कहना ही काफी हो गया, मेरा ख्याल है मनाऊंगा, कह दिया काफी है, वो मान गया सर जी। अस्सलाम वालेकुम सर, हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? अल्लाह का बड़ा करम, कौन बात करें? शहीद राजपूत फ्रॉम लाहौर जी, कैसे हैं? हाउ यू डू? सर आज मैंने इसलिए नहीं बोल रहा था, लव यू, लव यू डूड,
बिजनेस कैसा जा रहा लाहौर में? क्या बिजनेस करते हैं? दूध बेचता है सर, दूध। मानी भैया आप तो वैसे दूसरी तरफ ले जाते। अच्छा वो दूध इंग्लिश वाला दूध है, मैंने कहा अगर अंग्रेज दूध बोले तो वो भी कहता दूध। अच्छा जी हुक्म करें जी, बताएं बताएं सर क्या गलती होगी सर, हमसे कौन सी गलती होगी कि आपने फोन किया सर? हमसे गलती ये होगी कि मेरे मैसेज में बाकी सब नाम पड़ेगा सिवाय विशान मार्केट के, ये गलत बात है, विशानी ने एहतजाज कर लेना। अच्छा क्या नाम नहीं पढ़ा गया? विशान नासिर। नहीं हमें समझ नहीं आया क्या नाम नहीं पढ़ा गया? विशान नासिर। तीन दफा हमने सुन लिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा सर बात हो रही है दूर, ये जो माइक पे बैठे वाले लोग होते हैं कोरोना सुनते रहना यार। तो हम यहाँ पे तो वैसे ही मतलब लोड में वैसे ही लोग मड़ी से बुरा हाल है। मड़ी बात सुने जो जो आप मैसेज करते हैं ना जी बेटा, वो ऐसे होता है कि वो हमारे सामने आता है, वो हमारी मर्जी होती है, हम पढ़े ना पढ़े। जी जी हाँ, तो बस हमारी मर्जी नहीं होगी तो हमने नहीं पढ़ा होगा। सजाद खान साहब की नहीं मर्जी होगी तो नहीं पढ़ाओ, सारे नाम पड़ेंगे यार, ये गलत है। यार तुमने यार अच्छा क्या गलत है और क्या सही? एक सेकंड जी सारे चुप कर जाए, तू बोल भाई, छह दफा बोल ये नाम। अच्छा और एक दफा फिर बोल दे भाई, विशान नासिर, एक दफा फिर बोल मेरे भाई। यार कोई बात नहीं, और किसी का भी बोलना है तो बोल मेरे भाई। नहीं नहीं बाकी हम तब भी बोल नहीं नहीं, नहीं, नहीं एक, आप यार ऐसे नहीं जाए, एक मिनट ऐसे नहीं जाएगा, फिर बुलाऊंगा मैं इससे। मैंने कोई बात नहीं यार, थैंक यू डूड। डूड ख्याल रखना अपना, देखे डूड का गिला था हमने डूड से पूरा करवा दिया, हमारे हमारा एक मिनट गुजर गया। वालेकुम सलाम, पाकिस्तान कैसे हैं? मुलाकात से अपना बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। मालिक साहब कैसे हैं आप? भाई जान आपकी दुआ चाहिए, मैं एक घंटे से आपका नंबर मिला रहा हूँ, नंबर नहीं मिल रहा है। सर हमें पता नहीं था, हम नंबर उठा लेते, सीएलआई लगी हुई है, हमें पता नहीं था आपका नंबर क्या है। मुलाकात से पाकिस्तान आर्मी से। जबरदस्त, सलूट टू यू मालिक साहब। बड़ी मेहरबानी की जावेद साहब, सजाद साहब, मानी भाई, और अपनी शेर का सुनाए। यार आपसे दोस्ती है, जावेद के साथ साथ ना लगाया करें सर, हम वरना मेरे साथ साथ ना लगाया करें। मैं रहने वाला हूँ तलगांगा, हमारी दोस्ती सबके साथ होती है। यार मैं तलगांगा नहीं रहने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। मलिक साहब या तो हमारे साथ साहब लगाए या जावेद के साथ लगाए, कोई एक काम करे। दोस्त तीनों भाई है, ठीक है, आर्मी वाले तो सबके भाई होते हैं। मैं आर्मी वालों की इज्जत करता हूँ, मैं आप लोगों से डरता भी हूँ, लेकिन यार गलत मलिक साहब हम तुम आ गए हो, मलिक साहब ना करे ऐसे, मेरा ससुराल भी मलकी है, मैं मलकों से भी बहुत डरता हूँ, आर्मी से भी बहुत डरता हूँ। तो आपको पता कौन नींद होती है, तो मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ अपनी अवाम को। जी जी भाई जान, ये जो कोरोना वायरस है इसकी एसओपी को ये लोग फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है ना? तो मैं ये सब मैं इस्लामाबाद में ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, कारों में, ये जो उधर रस्ते में घास में बैठ कर चीज चीज खाते हैं, प्लीज अपने घर में ये चीज दिखाया करें। हमें जो है ना आर्मी आप सबको यही पैगाम देती है कि प्लीज अपने आप को सेफ रखें, ठीक है ना? ठीक है, बहुत शुक्रिया। और प्लीज ये जो आप इधर उधर ये जो बड़े लोग खाते हैं ना, ये गरीब लोगों को दे दिया करें, ठीक है ना? बिल्कुल करें। मैंने कसम से ईद पर कपड़े भी नहीं दिए और ईद वाले दिन मैंने खाना भी नहीं खाया, जो हादसा हुआ है ना हमारे कराची में। क्या बात है, क्या हादसे वाले, ठीक है ना? हम आर्मी वाले, हमें आवाम से प्यार है, ये जो पूरे पाकिस्तान की आवाम है ना, सही कह रहे हैं, ये आर्मी इन सबसे प्यार करती है। आपको पता है आर्मी, ये अगर हमारा एक बंदा भी पाकिस्तान से चले जाता है, फौत हो जाता है, दुख होता है, पता है कि आप नहीं देख सकते। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। और इसमें मैंने कुछ टाइम पहले एक सोशल मीडिया पे एक स्टेटस भी शेयर किया था, कुछ ऐसे अनासिर भी मौजूद हैं सजाद साहब, जो कि पाकिस्तान आर्मी के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, और ऐसे इंतशार पसंद लोग भी मौजूद हैं है। तो वो एक छोटी सी कोई बात चली थी, वो जो बदतमीजी वाली, तो उस पे तो मैंने ना कुछ दो दिन के बाद वो जो, क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया पे दानिश्वर ये जो लंडे के सहाफी बैठे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इनको मैं लंडे का सहाफी किसी वजह से कहता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कि बैकग्राउंड ही कोई नहीं है ना, आपके पेज के पीछे कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, आप कैसे किसी को अपना पैगाम दे सकते हैं, या गलत न्यूज आप चला देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आर्मी देखें, किसी की एक बंदे की बदतमीजी को हम पूरे डिपार्टमेंट पे नहीं डाल सकते, और उनका ताल्लुक भी कोई नहीं है आर्मी के साथ, जिनकी वजह से। और मैंने फिर बहुत सारे हमारे जो आर्मी के मेजर थे, कर्नल थे, जब वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे जब फजाई हादसा हुआ,
तो मैंने वहां से पिक्चर्स लेके लगा के मैंने कहा कि हमारे कर्नल्स ये हैं। यस, मैंने कहा ये वो कर्नल है जो कि आप लोगों की वजह से, आप लोगों के ना शेयर करने की वजह से आज ट्रेंडिंग में नहीं है। हालांकि कर्नल अगर ट्रेंडिंग में होना चाहिए तो फिर यहाँ ये वाला होना चाहिए। तो हमारी आर्मी जो है उसकी साख डिफरेंट है, और हम जानते हैं कि आप हमारे बीच में बैठे हैं, आप हमें हमारी आर्मी के खिलाफ करने की कोशिश करते हैं, हम समझते हैं, लेकिन ऐसा करना बंद करते हैं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तानी आवाम कभी भी आर्मी के खिलाफ बात नहीं कर सकती। जो कोई बीच में बंदे कर रहे होते हैं, मैंने तो इवन सोशल मीडिया पे भी कहा, मैंने कहा जिसने कोई ऐसी बात करनी मेरा सोशल मीडिया छोड़ दे। माजरा, ये जो जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं ये शेयर हुई, और वो तो मैंने फॉरवर्ड करना तो बहुत दूर की बात है, वो मैंने देख के और एक आधे कलीग ने मेरे से बहस करने की कोशिश की, तो मैंने उसको सिर्फ ये कमेंट कर दिया कि पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफिसर है ना, कर्नल से लेके नीचे रैंक से लेके ऊपर तक जितने भी लोग हैं, उनके रिलेटिव्स को तो छोड़ दें, उनके पेट्स के भी हम नौकर हैं। और सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसको मानते हैं। घर में जो पेट्स रखे हुए हैं ना, उनके बच्चों के भी, पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स के बच्चों के भी हम नौकर हैं, और हम उनको देखे ना, जिससे मोहब्बत करता है, जिससे प्राउड फील करता है, उसकी चीजों को भी आपको ऑन करना पड़ता है। ऐसे ही है, कोई बात नहीं यार, हो जाता है, बस दैट्स ऑल, खत्म हो गई बात, उसको छोड़ दें आप, पता नहीं कहां से कहां लेके बात। इस वाक्य से पहले ये भी एक, जिस तरह आपने कहा कि कुछ अनासर, ठीक है, हम सब इस माइक्रोफोन पे, एक स्टेट चैनल है रेडियो एफएम 101, आपने भी काम किया, आप भी सजाद भी, आपका भी अच्छा खासा तजुर्बा है, हम सब के फैमिली मेंबर्स, हमारी जो फैमिली है उसमें कोई ना कोई आर्मी में है और हमें फखर है, और आर्मी हम ही में से है। जी बिल्कुल, हम आर्मी में से, हम ही में से आर्मी है, ठीक है, ऐसे ही। मेरी अपनी फैमिली में भी बहुत सारे नेवी में भी है, एयरफोर्स में भी है, आर्मी में भी है, और आर्मी के साथ काम करके जितना मीडिया जो हमारा आर्मी का मीडिया है, उसके अलावा भी हमें जहाँ कहीं भी मिलता है। सर देखिए, मेरा ताल्लुक गुजरात के साथ है, और आधे निशाने हैदर हमारे इलाके के पास है। सर यार देखिए, आप जिस फील्ड में बैठे हुए हैं, जिस माइक में बैठे हुए हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के स्टेट चैनल के डीजे हैं, ऐसे ही, राइट। अब आप अगर किसी और चैनल का कोई डीजे होगा तो वो भी तो आप ऑन करेगा ना, वो तो फैमिली तो एक ही है ना, ऐसे ही है। तो पाकिस्तान आर्मी, हम सारे पाकिस्तान आर्मी के यार, सिर्फ ये बात है कि चंद लोग, मैं तो ऐसे देखता हूँ कि चंद लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम उनको पीछे सपोर्ट कर रहे हैं। हम भी पाक आर्मी है, हमारे पास अगर वर्दी नहीं है, अगर हम अभी मैं सजाद भी बल्कि आपको रस्ते में आते हुए दिखा रहा था कि मेरी लास्ट जो कुछ कॉल्स थी वो सारे आर्मी के लोगों को थी, मतलब मेजर थे, कर्नल साहब थे और बहुत सारे लोग थे, तो ये हमारी फैमिली है, तो हम अपनी फैमिली के खिलाफ तो नहीं जा सकते ना। और वैसे भी कल हम बात कर रहे थे कि बेलोस मोहब्बत, तो अगर पाकिस्तान में हमें किसी से बेलोस मोहब्बत है तो वो आप ही हैं, ये जो हमारी आर्मी है, हमारी एयरफोर्स है, हमारी नेवी है, तो इनसे हम बेलोस मोहब्बत करते हैं। सो मैं बात इसलिए कर रहा था कि हमें जो चीज हाईलाइट करनी चाहिए हम वो नहीं करते। बहसियत कौम, हमें अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं, अपने जो लोग हैं, उनको हाईलाइट करना चाहिए। हमारी असल में ना मसला ये है कि हमें बुराई अच्छी लगना शुरू हो गई है, हम अच्छी चीज को शेयर नहीं करते सजाद साहब, हम बुरी चीज को शेयर करते हैं। बिल्कुल ऐसी, और आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले अपने इस मकासद में, इंशाल्लाह आप कामयाब नहीं होंगे, ठीक है। और पाकिस्तान का हर बच्चा, हर बड़ा, हर जवान, हर बूढ़ा इस बात को समझता है कि कौन कर रहा है और कैसे कर रहे हैं। जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, उन पोस्टों पर नीचे कमेंट्स देखें आप, लोगों ने क्या जवाब दिए। ठीक कर रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो यूथ है, हमारे जो बच्चे हैं सजा साहब, उनको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, हमें उनको 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 एजुकेशन देनी चाहिए कि ये लोग हैं जो कि आपका माइंड चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखें जैसे इंटरनेशनल सर्वे ना, मानी जिस तरह से वो कहते थे, अभी सर्वे आया था कि जो बच्चा पैदा होता है वो 1,35,000 का मकरूज है। अगर आप 1947 के बाद 2020 तक आर्मी की कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेना जी, तो आने वाली जनरेशन अपने आप को मोहब्बत और बिलॉस खिदमत के हवाले से पाकिस्तान आर्मी की मकरूज समझे। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और दूसरा, हम अगर 1,35,000 के मकरूज भी हैं तो ये आर्मी है हमारी खड़ी है, जो कि वो नजर भी नहीं डाल सकते हमारे पे, हैं हम मकरूज, चले मान लेते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी ना, जितना उन बच्चा पैदा होता ना, तो बच्चे को पैदा देखे, आप अपने स्टूडेंट लाइफ रिकॉल करें, जस्ट रिकॉल योर मेमोरी, फौज में जाना है, पायलट बनना है, एयरफोर्स में जाना है, चार ही ऑप्शंस होती थी बंदे के पास। यस, चार ऑप्शंस होती थी, और चारों में से पाकिस्तान आर्मी एक लाजमी होती थी। यस, घर में से एक बंदा जरूर जाता था, ऐसे ही है, तो बात ही खत्म होगी। तो जनाब, आर्मी के जवान जो है वो भी प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं, कॉलर्स का सिलसिला जारी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, इरफान बात कर रहा हूँ पाकिस्तान आर्मी से। जी इरफान साहब, क्या करम अल्लाह पाक, आप ठीक है सर? क्या पैगाम देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, हमारी पीछे हमारी आवाम इतनी हमारी इज्जत करती है, हमें प्यार है सर, हमें आपसे प्यार था और इंशाल्लाह रहेगा।
हेलो मनी भाई जी जी, और खैरियत से है ना? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? कसम से मुझे बहुत फख्र हो रहा है सर, हमारी तारीफ कर रहे हैं सर। हम तारीफ नहीं, हम अच्छा तारीफ मजबूरी होती है। देखिए तारीफ तो वो है ना कि आप लाइन के दूसरी तरफ, हमें पता है कि ये सुन रहे हैं इरफान साहब, आप अगर ना भी सुनते हो तो आर्मी से यही मोहब्बत है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। ख्याल रखे जी अपना, बहुत सारा ख्याल रखे। सर एक मिनट सर। जी जी सर, अजीम लियाकत को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे कहना। चले ठीक हो गया जी, अजीम लियाकत को हैप्पी बर्थडे हो गया जी इरफान साहब की तरफ से। अगले कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, जल्दी जल्दी एक एक पैगाम देंगे बस, अब बहुत सारे लोगों को शामिल करेंगे, 10 मिनट बाकी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन कहां से? मैं मरियम समड़े से बात कर रही हूँ जी। मरियम समड़ियाल से बात कर रही हैं आप? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक अल्लाह का शुक्र, आपको ईद मुबारक। मेरी तरफ से आप तीनों, मेरी तरफ से आप तीनों को आगे को पहले और दूसरे तीसरे दिन की ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, आपकी ईद कैसी गुजरी? बस ठीक ही गुजरी, कुछ सो के कुछ कुकिंग की। अच्छा, जो कुकिंग की वो उठ के खुद ही खा लिया फिर सो गई दोबारा? नहीं नहीं, सबको इनवाइट किया हुआ था, मैं खाला के घर ईद की है इस दफा। अच्छा। जे देखा ना, मैंने इसीलिए पूछा था। हाँ। तो इनवाइट फिर भी कर लिया ना? कर लिया नहीं, खुद चली गई है जी। नहीं हम बात दरअसल ये है कि हम इधर आए थे शादी में, तो वो शादी की वजह से इधर ही फंस गए। यार मैंने मारो यार, मैंने वो मारो है मैंने यार, मैंने मारो यार। जावेद भाई चले गए जी, जावेद भी बहुत हो गए। आपकी बात सुनने के बाद गश पड़ गया जावेद का। मैं इधर ही, अच्छा पहले कह रही खाला घर फिर कह रही शादी। वल्ला वल्ला नहीं था, लेकिन उन्होंने रोक लिया। वैसे ना ये जो सिक्योरिटी इदारे हैं ना, तो घर वाले चुको जाके एक कोरोना कैरियर ने। अच्छा वो पहले एक पार्टी से निकली है, बस शादी से पहुंची है। किससे बात करवा दूं आपकी? शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि यार उनकी शादी थी फिर हम जुलूस में चले गए। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है। आपकी तबीयत का पता चला? कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने पिछले दो दिन में इसकी तबीयत बड़ी साफ की है। नहीं क्या हुआ इसकी तबीयत? खराब है तबीयत तेरी? मैंने नहीं दसा, वो कुड़ी ने दस दिया। एक सेकंड सानू दस, तेरी साफ करिए तबीयत। आपको कैसे बताया इसकी तबीयत खराब है? सर लड़कियों से हमदर्दी लेता है ये, इसकी बड़ी पुरानी आदत है। ऐसी बात नहीं, आप सर ये हमारे लिए ठीक है, ये हमारे लिए सिर्फ ठीक है, बाकी सबके लिए बीमार है। यार मैं तो पहले समझता था कि सिर्फ पैसे से मांगता है यार, ये काम शुरू किया हुआ है। ऐसी बात नहीं है, हम आपको स्पेशल याद रखते हैं। मेरी पसलियों में दर्द हो गया अल्लाह की कसम। आपने खुद पहले दिन, मैंने क्या पैसे नहीं है क्या, आपने मुझसे पूछा था कि आप रमजान में उस तरह वो कह रही है आप जी। कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदर खान बात कर रही हूँ पिशावर से। सदर खान कैसी हैं आप? पिशावर से बात कर रही हैं, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप ठीक हैं? फर्स्ट क्लास। कैसा गुजारा आपने तीसरा दिन? माशाल्लाह बहुत अच्छा। अच्छा घर में ही रही? नहीं नहीं, आज दावत थी मामू के घर, खाला के घर, आगे भी थे फ्रेंड वगैरह। यार मानी जी जी, सदर खान जी क्या चक्कर है? हम तो इतना अनाउंस करते हैं कि आपको सेफ एंड साउंड रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग से परहेज करना चाहिए, आप फिर दावते हैं और आना जाना, ये क्या चक्कर है? अरे चार मंथ मैंने परहेज किया। और सुना जी, चार मंथ परहेज किया है अब तो आपने, सर देखे हम मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था कि जब यहाँ पे 50 केसेस थे तो 10 बजे रात अजाने होती थी, आज 50,000 केसेस है तो सारे लोग शॉपिंग कर रहे हैं, तो ये तो ये ज्यादती है। ये हमें सदफान, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना, ये तो आपके लिए ना, चार महीने आपने देखे, आपने बिल्कुल ऐसे जैसे वो लड़कियां दूसरी लड़की को ताना नहीं देती यार, मैंने वो तो भाई आपने अपने लिए किया ना, अपनी फैमिली के लिए किया, तो अब भी तो आप उतनी इम्पोर्टेंट है ना। आज मैंने अपनी फैमिली को खुश करने के लिए किया ना, बाहर गई। अच्छा ठीक हो गया, चले आपको 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 जाती जाती ईद मुबारक हो। अच्छा बात सुने, काटेंगे कल? जी जी हुक्म करें आप, क्यों काटेंगे हम?
मैंने सलाम देना है सोई भी आवाम को। जी जी दे दे। अनीता, इकराम, तनीन और अनम, फिजा, अमारा, अच्छा, और सदाम, रोफ, अफसर, इन सबको। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच सदर जी, हमारे साथ पिशावर से उन्होंने कॉल की। खुश रहें, हंसती रहें, मुस्कुराती रहें। अगले कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहां से? कमल गिल बात कर रही हूँ से। कमल गिल, वेलकम टू द शो। लड़की कैसी हैं आप? हाँ जी ठीक, मानी आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी गुजरी आपकी ईद? अच्छी गुजरी और घर पे ही गुजरी। माशाल्लाह, ये तो अच्छा किया आपने। आप जुलूस पे नहीं गई? नहीं नहीं, शादी, किसी शादी, किसी शादी पे गई नहीं है। किसी शादी पे गई हूँ, किसी शादी और इतनी गर्मी में किसी खाला के घर गई हूँ। अच्छा, शादियों का मौसम, शादी का मौसम से क्या ताल्लुक है? बहुत गर्मी है। अच्छा चले, मान लेते हैं आप कह रही हैं तो मान लेते हैं। देखे, बड़ों की बात से इत्तेफाक कर लेना चाहिए। हाँ जी जी। और कुछ? और आपकी आपकी ईद कैसी गुजरी? मेरी ईद थी जबरदस्त गुजरी है, सजाद खान की क्लीन शेव देख देख के और जावेद खान की मूछे देख देख के। कि आप सब एक दूसरे को देख देख के ईद गुजारते? हाँ, मोहब्बत है जी एक दूसरे की। हम रोज मिल भी लेते हैं, तीन फुट भी कर लेते हैं, तीन फुट के फासले पे बैठ के हम मिलते हैं एक दूसरे से। ठीक, अच्छी बात है। हाँ, मतलब कि आप सही कर रहे हैं कोरोना के खिलाफ एहतजाज। नहीं, एहतजाज नहीं है, ये जरूरत है। सेफ्टी प्रिकॉशंस है ना, अभी आपने कहा कि मुझे इजाजत नहीं है। अगर आपको इजाजत होती तब चली जाती हैं आप बाहर। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? आपने कल अभी कहा ना कि मुझे इजाजत ही नहीं है। हाँ जी, अगर आपको इजाजत दे दी जाए तो आप क्या बाहर चली जाएंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। देखे ना, ये है सर। अच्छा जी, वैसे ना सजाद साहब, टीवी वालों ने इतना डरा दिया था, इतना डरा दिया था कि बंदा दो तीन घंटे मुसलसल टीवी देख ले और उसके बाद दिल ऐसे धड़क रहा होता था कि दरवाजे पे शायद बेल बजे, ऐसे लगता कोरोना खड़ा पाए। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की। हाँ, तो मतलब डरा काफी दिया वैसे, ठीक है। हाँ जी। और इस डर को कम नहीं होना चाहिए। डर नहीं है ये, बेसिकली आप सभी के लिए, हमारे लिए अवेयरनेस है ना, डर तो ये होना भी चाहिए। ये नहीं कि अगर दो महीने लॉकडाउन में गुजार लिए तो आप आजादी मिल गई है थोड़ी सी, तो आप बाहर की तरफ भागें, लेकिन आप प्रॉपर वैसे ही सेफ्टी रखनी चाहिए जैसे पहले चल रही थी। ये अच्छी बात है। थैंक यू सो मच कमल, आपने इतनी दूर से कॉल की। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुश रहे, हंसती रहे, मुस्कुराती रहे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर बेन वैसे जावेद खान जवाब दो। मैं बात कर रही हूँ, आज मैंने ठीक बोला, बड़े रोक के बोला और बड़ा उसको जिसे कहते हैं ना सोच सोच के बोला। हाँ। इसी को बोला कि ठीक बोल लूं, इतना मुश्किल तो नहीं है। तड़े मशी। हाँ। नहीं, सही ही बोला फिर भी। मैंने सर जी, सर मैं अगले छह साल से ना बोल सका जितना तू बोले। सही बात, कैसे कैसे बोला ये? और कैसे नहीं आप? तड़े मशी, तड़े मशी। अच्छा, ऐसा क्या मतलब है इसका? ये जिन्होंने सिखाया उन्होंने बोलो पूछो। मैंने तो तू ही सिखाया ना, स्टडी मशीन। उनकी गल कर रहे तो उन्हें मैं मैसेज कर दूंगा। ऐसी गल है जो मैसेज करेगा। अच्छा, इकरा, ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद तो बस गुजर गई घर में। पहले ये बताओ ये किसने सिखाया? पहले ये बताएं किसने सिखाया? कोई फ्रेंड है आपकी, दो जो क्लास फेलो? हाँ, मतलब फेसबुक पे वो लगे भी होते हैं। हाँ। दे मोबाइल शिफ्ट कर दूंगा तो मैंने वो पढ़ के ना बस बोलना सीख लिया। ट्राई किया घर में कितनी दफा, ट्राई किया कि मैं आज शो में लाजमी बोलूंगी और अच्छा बोलूंगी, तो रुक रुक के संभल संभल के बोल ही लिया। नहीं नहीं, आपने अच्छा बोला। और आप ऐसा करें कि पश्तो का गाना अपने फेसबुक फ्रेंड से कहें, फिर वो आप तैयार करें और वो फिर जावेद खान को सुनाए। नहीं नहीं, मेहरबानी, मैंने आज गजल सुनानी है। गजल? गजल सुनानी है आपने? हाँ जी। ये तो किसकी है गजल? अहमद फराज की। सुनाइए। चले, ये आपके लिए सजा साहब, क्योंकि आप शायरी का प्रोग्राम करते थे अक्सर। मैं सुनती थी पहले, अब बहुत कम कर दिया जॉब की वजह से, लेकिन मैं सुनती थी आपको। सुनाइए सुनाइए, सॉरी कोई बात नहीं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देखते। क्या बात, क्या बात। सुना है उसको भी है शेर व शाही से शगफ, तो हम भी मौजूदे अपने हुनर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं,
बोली तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है। तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। हाय 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 क्या कहना है मारी भाई हसाई नहीं। अच्छा सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं। हाय 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 क्या कहना है। नहीं तुम भी हाय हाय कर लो फिर मैं सुना दूंगी। खट्टी हाय हाय कर लो। नहीं मैं आपको बताऊं एक बात, एक बारी बैन पा ले पूरा। नहीं मैं आपको एक बात बताऊं, आप बहुत अच्छे तलफ्फुज़ से और बहुत अच्छी शायरी सुना रही थी। ये जो ठहर ठहर के आ गए ना जावेद खान, मैं आपको एक टिप देता हूँ। आपने शायरी की बात की और आज तो बड़ी बात है, आज तो मैंने इंटरव्यू लेना है जो है वो अभी बता रहा हूँ कि मैंने इमरान अली मानी से भी 2 बजे इंटरव्यू लेना है और शायरी के हवाले से बहुत सारी बातें करेंगे। अहमद फराजी आपने और किताबें पढ़ी हैं आपने? नहीं थोड़ी बहुत शायरी से शगफ है तो बस पढ़ लेती हूँ। जो ये वाली किताब है जो जिस गजल ऑफ द सेंचुरी आप सुना रही थी, इस किताब का नाम है ख्वाब गुल परेशान है। जी जी। और इसके बाद वाली किताब आपने जरूर खरीदनी है। और अभी टाइम है आपका, छुट्टियों में लॉकडाउन है, घर में रहना है, तो आपने इसके जो लास्ट वाली किताब थी उसका नाम है ए इश्क जनू पेशा। ए इश्क जनू पेशा, ठीक है। ए इश्क जनू पेशा जरूर पढ़नी है। और आपको अगर अहमद फराज की शायरी में कुछ आपको लगता है कि अहमद फराज की पूरी जिंदगी की जो का जो नचोड़ है ना वो इश्क जनू पेशा में है, वो आपने पढ़नी है। मिले जुले शायरों को पढ़ती रहती हूँ। नहीं आप जरूर पढ़िए और आप अच्छा पढ़ती हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ही हाफिज है। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मावरा बात कर रही हूं, पहले कॉल कट गई थी। जी मावरा कैसी हैं आप? जी मैं तो ठीक हूँ। मैंने एक बात करनी थी, अगर आप लोग मेरा पैगाम दे दें आरजे एहसन मालिक को, वो बहुत झूठे हैं, उन्होंने वादा किया था जाने का लेकिन ये गलत है। जब अमन के प्रोग्राम में कभी छुट्टी कर ले तो वो हमें कहते रहते हैं। मावरा और आप हमें तंग करने के लिए ऐसे पैगाम देते हैं। एक सेकंड सबर करें मावरा, मैं आपको कह चुका हूँ कि आप उसको घर में 2 लाख रुपया भी देंगी तो वो नहीं करने आएगा प्रोग्राम, ठीक है? नहीं उन्होंने कहा क्यों था, तो, ये तो गलत बात है। तो आप उनसे पूछे ना जाके, हमारे हम तो कहते हो आए, मेहरबानी करें ना, हम तो कहते आए, जावेद खान कहते आए। यार ऐसे कह रहा है जैसे ये वो गेट पे खड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। दिल क्या ताक रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मीरा बोल रही हूँ मुल्तान से। आप तीनों को ईद का पहला, दूसरा और तीसरा दिन मुबारक। खैर मुबारक। मुल्तान से बात कर रही हैं, जावेद खान इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं। क्या बात है। कुछ सुना रही हैं आप? नहीं अभी तो पार्टी सेगमेंट शुरू नहीं हुआ ना। हाँ वो 4:00 बजे आप फोन कीजिएगा। बल्कि एक काम कीजिएगा, कल 4 बजे कीजिएगा। आप हंस रही हैं, सजाद खान साहब स्पेशल शो करेंगे आपके लिए। हाँ उन्होंने अभी लिखा है। और डायरी रखी हुई है पास, उस पर लिख लेते हैं ऐसा कोई काम हो तो। और जो इतना बड़ा वो है जी जी, क्या बक्सा है? अच्छा बक्सा जिसमें किताबें पढ़ी हैं, जी वो जी भी तो साथ लाए। हाँ। मैं कोई किताबें चोरी करके लाना है इतना बड़ा बक्सा। इधर पीछे पड़ा होता था सजाद भाई, यार वो साबरी का था। अच्छा सजाद भाई आप इतनी किताबों का पलंदा लेके आते हैं यहाँ पे है? वही साबरी का। क्यों इतनी किताबों को पलंदा तो नहीं होता यार, एक बैग है जो जब आपकी ट्रेनिंग होती है आपको बताते हैं कि यार जैसे आप लेके अपने सीडीज आती हैं उसमें कैसेट्स होती हैं और ऐसी एक बैग होता था उसमें जो शायरी आपके जहन में है कभी आपको सुनानी। देखें पूरी पूरी गजलें, आप जो लड़की ने गजल ऑफ द सेंचुरी सुनाई है इसके अशार हैं करीबन कोई 19 या 20। तो अब जब आप ऑन एयर सुना रहे होते हैं और 2 घंटे का प्रोग्राम करना है तो आपको इतनी गजलें इस तरतीब से याद नहीं रहती हैं। आपको है। पॉज नहीं देना ना, आपको अगर अभी शायरी का प्रोग्राम शुरू हो जाए तो वो तरतीब ना टूटे उसके लिए किताबों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन ये सारी बातें सीरियस हैं, हमें पता ही नहीं है कौन है हमारे साथ। मुल्तान से टेलीफोन कॉल आई थी। मीरा भेजी जी। मीरा सॉरी हमें पता नहीं चला, कैसी है मीरा? नहीं कोई बात नहीं। सर हुक्म कीजिए मीरा, क्या क्या करती हैं और ईद का तीसरा दिन कैसे गुजारा आपने? ईद के तीनों दिन बल्कि जो जब से कोरोना वायरस चाइना से दरियाफ्त हुआ हमने तो अपने आप को लॉकडाउन नहीं किया, बल्कि अपने
लिए सेल्फ कर्फ्यू किया है। वेरी गुड, देखा ना, ये इट्स अ वेरी हेल्दी साइन, ये यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ एज वेल एज योर फैमिली मेंबर्स एंड टू द होल नेशन, क्योंकि ये जी मैंने तो इधर बिल्कुल लोग अवेयर नहीं है, कहते हैं कि कोरोना कोई नहीं है, लोग जो है फंडिंग के लिए हुकूमत जो है झूठ बोल रही है, जानबूझ के जो है इस तरह के इंजेक्ट। देखे बेटा, मेरा भी इटली में भी लोग ऐसे ही थे, इटली में भी यही कहते थे वो। हाँ, तो वो फिर इटली और पाकिस्तान वाला तो अल्लाह ना करे एक जैसा हाल हो, लेकिन बहरहाल अच्छा, वैसे वैसे एक बात है कि इटली के लोग जो है ना वो इसी तरह मिलनसार है जिस तरह पाकिस्तानी घरे मिलते हैं, एक दूसरे से गप लगाते हैं, बैठते हैं, गैदरिंग करते हैं, बुजुर्ग मिलते हैं, बच्चे, मतलब उनका माहौल बिल्कुल मतलब वो यूरोप का पाकिस्तान कह सकते हैं आप इटली को, तो वहाँ पे इसीलिए ये फैला भी कि लोग जो थे वो एक दूसरे से मिलते थे वहाँ पे। नहीं यार, उसमें इसलिए फैला कि इटली में पाकिस्तानी ज्यादा सुनते कम है। ठीक कह रहे हैं, और मीरा कुछ कहना चाहेंगी आप? नहीं। चले, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सजाद भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं दोबारा बात कर रही हूं। जल्दी में आप? नहीं, नहीं, वो कॉल मिल गई ना, पता नहीं चला। मेरा तो क्या था, कोई कर रही है, भागते भागते कॉल मिली आप। आवाज बहुत कम आ रही है, जल्दी से सुनाए। ये मेरी अपनी, अगर गलती होगी तो आपने बताना। अच्छा, रात के पिछले पहर मोमबत्ती की गोष्ठी में अकेली बैठ सकती, हाथ में कलम पकड़कर अक्सर लिखने का सोचती हूँ, लिख नहीं पाती, अल्फाज बिखर जाते, मैं उनको इकट्ठा करना चाहती हूँ पर मैं कर नहीं पाती, और हर बार मैं हार जाती हूँ, और हर बार मैं हार जाती हूँ। ये मैंने खुद लिखा, लेकिन अच्छा लिखा। आपने नाम क्या बताया अपना? रबीता। हाँ जी, क्या क्या नाम? रबीता। आप अच्छा लिखती हैं, आप अच्छा लिख सकती हैं, आप हाँ, आप आपका ख्याल अच्छा है। देखिए, लफ्ज जो है ना, असल चीज ही ख्याल होता है, ख्याल है ना। देखिए, हाँ। आपने जो आप जिस ख्याल के ऊपर आपने लिखा ना, अभी आप यंग हैं बच्चे, ये जो है ना, जब आपको लफ्ज मिलेंगे तो ये ख्याल काम करेगा, आप में ख्याल है, ठीक है ना? ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने अच्छा नहीं लिखा। नहीं, आपने आप किसी को भी सुनाएंगी तो वो अपने जहन से बात करेगा, लेकिन मानी भी बैठे हैं वो, उन्होंने भी यही कहा, और मेरा भी यही ख्याल है कि आपके जहन में जो परसेप्शन है ना वो बहुत ठीक है, लफ्ज मिल जाएंगे आपको, बस आप पढ़ना। देखिए, याद रखे, लफ्ज तो मौजूद है ना, लफ्ज तो गर्दिश कर रहे हैं, लफ्ज तो अरसे से मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब साहब भी वही लफ्ज इस्तेमाल करते थे जो आज 21वीं सदी में हम यूज कर रहे हैं, तो लफ्ज मिल जाते हैं। आपका ख्याल अच्छा होना चाहिए, ख्याल आपके पास है, ख्याल कहाँ से आता है फिर? तो ख्याल कहीं और से आता है, ख्याल अच्छा होना चाहिए, लफ्ज आपको आपकी एज के साथ जैसे 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 आप मेच्योर होंगी आपके पास लफ्ज आना शुरू हो जाएंगे। आप पढ़ती रहा करें किताबें। मैं चाहती हूँ कि मैं दीनी, मतलब इस्लामिक टाइप लिखूं। देखे, उसके लिए बच्चा मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, उसके लिए आपको, वो कहते हैं ना, वक्त लगता है, साल नहीं सदियां लगती हैं, तो आप पहले जो आपकी जिंदगी है उस पे ही लिखेंगी, आहिस्ता आहिस्ता जब आप थोड़ी मैच्योर होती जाएंगी, तो जब आप मांग रही हैं अल्लाह से कि मैं वैसा लिखूं, तो यकीनन आपके लिए रास्ते खुलेंगे और आप वैसा लिखेंगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आप जुस्तजू करें, आप मांगे, इस्तेताद करें और आपको मिले ना। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, आप दुआओं में याद रखो, बहुत शुक्रिया, शामिल रहती हैं आप लोग। जनाब, एक और कॉल लेंगे और उसके बाद सजाद भाई का इंटरव्यू का टाइम शुरू हो जाएगा। जी, जावेद खान का हम पहले इंटरव्यू ले रहे हैं। जी जी जी, जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। आयशा, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, कल मैंने आपको अपनी सारी भी दे दी थी याद इसको। हाँ, आशा, बाकी लोग भी बैठे हैं, जावेद खान बुरा मान रहा था कल आप। जी नहीं, जावेद भाई आपको बहुत सारी ईद मुबारक डबल वाली, और आपको दो दफा सलाम, और जावेद के साथ कौन है? सजाद भाई, उनको भी। नहीं, मुझे बेशक ना दे, लेकिन जावेद खान को जो है ना, वो आपने नेक दुआएं भी देनी है, कोई आप थोड़ी सी ईदी भी दे दें, कोई 5-10 रुपए दे दें, कोई कोरोना शुरोना में देखे ना। ईदी कल से मैंने सारी दे दी थी। अच्छा, तो आज चले, मैं बड़ी ईद का दे दूंगी। नहीं, बड़ी तो दूर है, आप घर में रहती हैं, घर की सफाई सफाई करें, कोई पुरानी चीजें रह गई हों उसमें, 3 डब्बा रह गए उसमें, यार कोई सब जावेद खान को याद। आपने कहा था आज जावेद के साथ कोई जुगत नहीं मारेगा, आपने खुद ही कर दी। मैं जुगत मार ही नहीं रहा, मैं तो आपको सीरियस नोट पे कह रहा हूँ यार, आपको किसने कहा मैंने जुगत मारी यार? नहीं नहीं, ये 3 डब्बे वाला काम करता रहा काफी अर्सा।
रेडियो ट्यूब पे भी होते हैं, तीन उधर भी आजकल डब्बे भेज रहे हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। हिंदी भी हो, इंग्लिश अखबार, उर्दू अखबार चल जाएगा। इंग्लिश का रेट अलग होता ना, थोड़ी महंगी होती है। जी जी आपका जो अपना शो है ना यार, मेरा वेनसडे नाइट 10 से 12 है और फ्राइडे को मेरा 12 से 2 है। अच्छा, तो माशाल्लाह से आप इतना कुछ करते हैं। मैंने कल आपको सुना है ना। अच्छा, उसके बाद आप इमरानियन बहुत सारे, लेकिन मैं भी आपको सुनूंगी, मगर मैं इमरानियन क्या साथ लगाना जरूरी? नहीं नहीं, आप इमरानियन ना लगाएं, जावेदियन लगा दें। आयशा जावेदियन, हमने इमरानियन की नई ब्रांच खोली है। जो जावेदियन लगाएगा वो ही विल बी अलाउड टू लाइक उसकी एक ईरानी लगा दे। नहीं वो नहीं, वो नहीं सजादियन। जब यूट्यूब चैनल बनाएंगे उसके बाद फिर हम लाओ। हाँ नहीं है, ये सेकंड वैसे ये अच्छी बात है ना, इमरानियन, जवेदियन, सजादियन, आप लोग ऐसे कीजिए। वैसे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने आपसे ये कहना था कि सारे लोग जो सुन रहे हैं और उनको ये कहना है कि जिस तरह से कोरोना से बचाव के लिए पूरा मुल्क, मतलब सारे वो कह रहे हैं, हुकूमत भी कह रही है, तो प्लीज प्लीज उस पर अमल करें। और हमारे भी मोहल्ले में कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कोरोना है ही नहीं, ये वैसे ही, ये झूठ है, ये जो इन्होंने नंबर ठीक करवाओ जो कह रहे हैं। नहीं नहीं, ये देखा ना, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मान जाए सारे। अगर नहीं मानेंगे तो आपको आपकी सिमट जाएगा, फिर आपको यकीन आएगा। ऐसी है, ऐसी है आशा। तो, आपको जी आशा, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। बात तो सुने ना, मैंने देखे। हेलो जी, जी सुना है जी, आप लोग इतनी जल्दी में क्यों होते हैं? अभी तो तीन आप कौन सा है कि थक तो नहीं जाते ना? नहीं, तो, नहीं थकते तो, किसने काम था? बात कर लेना तो। अभी मैंने इमरान भाई जो है उनका इंशाल्लाह से सुनूंगी, लेकिन मुझे ये बताए कि बाकी दो कब आते हैं? बाकी दो कौन? जावेद का भी प्रोग्राम होता है और मेरा वेनसडे को 12 से 2 प्रोग्राम होता है और वीकेंड्स के ऊपर 2 से 4 होता है। जी जी, ये जो जावेद भाई, ये कब आते हैं? जावेद भाई जो है ना वो आते ही नहीं है। इनका प्रोग्राम होता है सुबह 6 बजे से लेके जब नहीं सही बता रहे, जब ट्रांसमिशन 4 बजे बंद होती है जावेद का शो शुरू होता है। नहीं नहीं, ये प्रोग्राम शो प्रोग्राम करते हैं, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम करते हैं। भोले भाले मासूम बन के बैठे हैं, कोई और होते यहाँ से मेरा इमरान भाई जैसा होता इतना बोले? अल्लाह मेरे, मुझे माफ करना। आपने जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, ईद के बाद दोबारा स्केड्यूल उनका बनेगा और ये रिविजिट होगा, उसमें जावेद खान बोल देना कुछ। जी जी, मैं सुन रहा हूँ, जब दो बड़े बोल रहे हैं तो कहते ना कि छोटो को जो खामोश। नहीं तो आप दो बड़े हैं, एक वो बोल रही है आयशा और एक आप हैं, हम दोनों तो यार हम तो छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, आप तो ना बोले। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, हमें भी बहुत अच्छा लगा जी। और यहाँ पे हम जनाब एक कमर्शियल, एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे तो फिर लगाएंगे आपसे दोबारा गपशप एक नए टॉपिक के साथ, एक नई चीजों के साथ। म्यूजिक एंजॉय कीजिएगा, वापसी होगी, फिर होगी गपशप। मेरा नाम इमरान अली मानी, मेरे साथ मौजूद जावेद खान और सजाद खान। दिल किसे खड़ा
जनाब भोला वापस आ गए, यानी कि मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। मेरे साथ मौजूद है जी सजाद खान साहब और जावेद खान साहब। मेरा नाम इमरान अली मानी। रात के जनाब 1:45 बाकी है हमारे पास जी, इतना ही बाकी है मेरा ख्याल है, 1:15 बाकी है। सो सजाद भाई जनाब, सो कॉलर्स जो है उनको मजीद एंटरटेन किया जाए 15 मिनट तक, उसके बाद फिर हम है। और आप कॉल कर रहे हैं और शिकायतें भी आ रही हैं कि कॉल नहीं लेते हैं। सो सर महफिल हम 2 बजे के बाद लगाएंगे, बिल्कुल ऐसी 2 बजे के बाद महफिल होगी। और डेफिनेटली हम, मैंने आपसे बहुत सारी बातें भी पूछनी है, उसका टेम्पो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन कॉल 111111 विद कोड ऑफ 051। महफिल के बाद खाने का एहतमाम किया जी, खाने का एहतमाम आप लंगर है उसके बाद तकसीम। अभी आप ऑफर कह रहे थे कि यार ये वही जगह जहाँ से चाय भी नहीं मिलती, तो आपको अपने औकात का पता नहीं चल गया। नहीं, जो इतने बड़े पोस्टर छपे होते हैं, भी चाय देते थे, जब से जावेद खान आना शुरू हुआ है ना, तब से चाय आना भी बंद हो गया। पता नहीं ये कप ले जाता है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों का शो बेहतरीन, माशाल्लाह गजब का। बस मैं ऑन एयर नहीं बात कर सकती थी तो आप अपना आप रेडियो से रेडियो। बस मैंने अल्लाह चले जी, उन्होंने इतना ही कहना, इतना ही कहना था, प्रोग्राम अच्छा है जी। हाँ। जनाब जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने तो मैंने अजमत को विश करना है हैप्पी बर्थडे टू। यार आप कौन है यार, आप अजमत की आंटी हैं, आप अजमत की बाजी हैं, सहेली हैं आप अजमत की? हाँ जी, हम फ्रेंड्स हैं। अच्छा, फ्रेंड्स वही जो वो वाले तो नहीं फ्रेंड, वो जो डूड फ्रेंड्स होते हैं, डूड फ्रेंड्स। हाँ डूड फ्रेंड्स। जावेद भाई को कहना है कि आपकी हिम्मत को सलाम है। सलाम देना थोड़े पैसे भी देगा ना, मुझे एकदम से ना अपनी जगह पे आता है, पैसे भी दे दो। सलाम इतनी उनकी हमदर्दी है, सलाम उन्होंने कहते थे कि साफी भाई नहीं आएंगे, लेकिन वो एक नए चलते हौसले के साथ प्रोग्राम करने दोबारा आ जाते हैं। आज तो ये वो पूरे का पूरा जंगी सामान भी साथ लेके आया। हाँ जी, और मैंने कहना है कि मानी भाई से सामने वो गाना नहीं सुनाना, दिल किथे खड़ा। नहीं वो मैंने अच्छा, आप एक काम करें, आप कॉल करने के अलावा रेडियो सुन भी ले, ये वही गाना चल रहा है। पिछले काफी देर से वही गाना चल रहा है मानी भाई, 3 दिन से आपकी वजह से मेरी नींद नहीं पूरी। अच्छा, आप चले, आप सो जाए। सुबह आसिम भाई को भी तो सुनना है ना। ओ अच्छा अच्छा, वो भी अच्छा, ट्रांसमिशन का नहीं, वो भी सुधा बाकी है यार, वो तो बहुत बड़ी सुधा है। मानी भाई आपने प्रोग्राम खत्म करके आसिम भाई के घर जाके उनको सोते हुए उठा के बिठाए, कहना मेरी तरफ से ठीक हो यार। वैसे ये बड़ी हिम्मत है यार, आप बड़ी हिम्मत है आपकी, सही बात है। आप जागना इतनी हिम्मत नहीं, आसिम का प्रोग्राम सुनना बहुत बड़ी हिम्मत है। इनको भी बताया अगली ईद तक उनमें इतना हौसला हो कि वो प्रोग्राम कर सके। ठीक हो गया, आप दोनों के साथ थैंक यू सो मच। ये साइमा लियाकत 2012 से लियाकत नहीं है यार, साइमा अफ्ताब है। अफ्ताब है, लियाकत वो वाली है, अच्छा अजमत लियाकत है, अजमत लियाकत है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? आयशा बात कर रही हूँ। अच्छा आयशा बात कर रही हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल डिफरेंट आयशा है, वो कोई और आयशा थी। आयशा बहुत सारी हैं सर। कैसे हाल है यार? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपको ईद मुबारक। आपको भी आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। कोई पैगाम, मैंने कहा था जी आज कोई पैगाम भी दे के जाए, क्या कहना चाहेंगे? मानी भाई मैं आपको गजल सुनाऊंगी, पहले मुझे गजल सुनाएंगी, आज ही सुना दे। तेरे शहर से जाते जाते हाथ खाली है, तेरे शहर से जाते जाते हाथ खाली है, तेरे शहर से जाते अगर जान होती तो मेरी जान उतारते जाते। क्या कहने, क्या कहने, मेरे शहर से जाते जाते मेरे हाथ खाली, पता नहीं क्या था, क्या कहने, और मेरे शहर से जाते जाते तेरे हाथ खाली। क्या बात है सर, वाह 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 वाह, एक मेरा कहने, मेरे शहर से खाली हाथ, क्या कहने,
आए हाय क्या बात है यार, क्या क्योंकि लॉकडाउन में कुछ मिल नहीं रहा, एक सेकंड तो लुटाते जाते हाय 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 क्या कहने, लुट गया यार जावेद खान, लुट गया आते जाते, तेरे भी हाथ खाली मेरे भी खाली जी सुनाए हाथ और पत्थर हर शेर में हाथ है ओए होए होए ओए जाते जाते पत्थर तेरे से सर फाड़ते जाते आए हाय असी अपनी नहीं सुनते सर जी तो कॉल चली गई है मेरा ख्याल है अगले कॉलर की जाने जाते हैं अस्सलाम वालेकुम जी जी वालेकुम सलाम कौन कहां से शेर सुनाए तू पहले ही आया शुरू कर दिया इरशाद 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 नहीं आया जी जी मन गई आप बात कर रहे हैं जी जी मैं ही बात कर रहा हूँ कैसी हैं आप मैं ठीक आप सुनाए ठीक है मैं बिल्कुल ठीक हूँ शेर सुना रही हैं आप नहीं नहीं मैं शेर नहीं सुना रही हूँ सुभान अल्लाह इरशाद वो जावेद भाई लोग ठीक है दोबारा दोबारा मगर जावेद भाई लोग ठीक है दूसरा मान लो आप मेरा मजाक उड़ा रहे नहीं ये लफ्ज मजाक को ना आपने जरा क्या कहने कितनी तमीज से इन्होंने कहा दूसरा देखे जावेद भाई लोग आप ठीक है दूसरा मजाक क्या था आप मेरा मजाक उड़ा रहे मिलता जुलता मान भाई जी जी अगला मिसरा था जावेद भाई कब प्रोग्राम करेंगे क्या बात क्या रोने वाली बात की मानी भाई जी जी हाय 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 दोबारा बता भी तुझे कल कब प्रोग्राम करेंगे प्रोग्राम कब करेंगे मैंने आपको बताया था ना ईद के बाद स्केड्यूल दोबारा रिपब दोबारा डिजाइन होंगे और फिर दिनों का पता चलेगा कि कौन किस किस दिन प्रोग्राम कर रहा है ठीक है हाय हाय ओके ओके प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है हाय 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 ये लाफ जो आपने कहा अच्छा, अच्छा, अच्छा अगला शायर भी आ रहा है देखिए आप जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम मानी भाई क्या हाल है आप सबकी तबीयत अंदाज मिजाज गुरुख्सार चाचलन साहब की रवानी क्या कहने एक मतलब फिर दर्द है यार आवाज ना इस बंदे के मुझे लगता है कि गुर्दे में दर्द है बहुत शदीद दर्द है इसकी आवाज में नाम बताए भाई जी नादान बात कर रहे नादान क्या कहने हाय 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 नादान क्यों और क्या आज तो आपने लोगों के कहते थे बुरा हाल करते गुस्से गुस्से आपस में जुड़ गए हाय हाय ये क्या कहने गुस्से आपस में जुड़ गए बड़ी दर्दनाक अल्फाज का चुनाव देखे सजाद भाई गुर्दे आपस में जुड़ गए नहीं यार अल्फाज तू नाम देख नादान हाय क्या बात है नादान अच्छा नादान को शेर सुनाओगे क्या नादान पोएट्री है मेरी अपनी लिखी हुई है क्या जी बिस्मिल्लाह करो आओ तुम्हारी करने रहनुमाई है मुझे तुम याद आते हो आज नहीं बस काफी हो गया मुझे तुम याद आते हो बंदा मर ही जावे होता हूँ तेरी यादों में खोता हूँ ये कौन सा सर ये खोता कौन सा यार शेर में आप मुझसे चेक करें डोंगी की भी बात मैं जब भी हारता हूँ तो सुबह को जागता हूँ तो लिखे खत फाड़ता हूँ तो नहीं नहीं मुझे तुम याद आते हो किसी साहिल पे बैठे ही किसी मुश्किल में रहते हाय 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 मुश्किल में मकर मुश्किल में क्या बात है सर क्या यार मुश्किल में रहते ही नहीं लगा इस्तेमाल देखें पागल हो गए बहारों में फिजाओं में शहरों में चला गया हवाओं में सभी मांगी दुआओं में कड़ी इन धूप छाओं में मुझे तुम याद आते कड़ी धूप में आए धूप कड़ी
खड़ी धूप में बैठी छाऊ में चलते गांव में मुझे तुम याद आते मुझे तुम याद आते हाय 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 अच्छा लोगों ने कॉल करनी छोड़ दी है जब से हमने हाय अच्छा आपकी शायरी में कोई बोलते फेफड़े नहीं थे और ये एक दोस्त है मेरा सुंदर तो अगर वो साथ हो तेरे अगर वो साथ हो अगर वो साथ हो तेरे चेहराओं में नादा तो कड़ी तू भी तेरे लिए राहत होगी क्या बात है दो तीन दिन से गर्मी बहुत है खड़ी धूप का जिक्र हो गया खड़ी धूप का सर और भी नादान की शायरी बैठी छाऊं खड़ी धूप सॉरी मैंने अगेन कॉल की आयशा बात करी मैंने वो जरूरी दो बातें पूछनी है जी जी हुक्म कर पहली बात तो ये कि आप अगर शायर हैं तो आपकी किताब का क्या नाम है आप शेर सुनाने आई हैं आयशा नहीं दो बातें तो पहले बताए ना नहीं वो बताया आपकी बुक का क्या नाम है नहीं दो बजे आपको पता चलेगा ना दो बजे मानी का इंटरव्यू होगा सॉरी तो दूसरी बात ये कि जो आप कह रहे हैं ईद के बाद कैसे सेट होगा तो हम लोग कैसे पता चलेगा आप लोग आ रहे हैं कब आ रहे हैं आप ना रेडियो कार्ड में लगा के देखे देखे जब ये मोबाइल बना ना तो इसके लिए जो सिग्नल था वो जैसे दिल वाले सिग्नल हमने रखे आए आए सिग्नल और दिल का क्या जुड़ाव क्या जोड़ा मानी ने वाह मानी है क्या कहने मानी यार मुझे तो याद है तूने कर दिया पानी पानी कि आप लोगों का ईद का जो स्पेशल ईद के बाद सेट होगा वो हम लोगों को कैसे पता चलेगा आए हाय 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 क्या शायराना अंदाज में उन्होंने पूछा सर इसका जवाब भी देखे ये आप एक काम करेंगी कि जिस आप ड्यूटी रूम में कॉल करें 101 के ड्यूटी रूम में तो वहां से आपको पूरे सब आरजेस का पता चल जाएगा ठीक है ड्यूटी रूम का नंबर तो बता दीजिए आप एक काम करेंगी अच्छा? गूगल पे जाएंगी लिखेंगी 101 ड्यूटी रूम नंबर तो आपको मिल जाएगा नहीं नहीं मैं आपको बता दूंगा अच्छा माशाल्लाह से बहुत समझदार हो क्या आयशा आयशा मैं सुन तो लेना आयशा सुन तो लेना नहीं मेरी बात तो सुन लेना आयशा देखिए दो 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 तीन लोग हैं इमरान अली मानी आपको प्रोग्राम कौन से दिन होता है जी मेरा वेनसडे और फ्राइडे और टुडे जो आज क्या है हाँ जी वेनसडे आप वेनसडे को ना तो और दूसरा प्रोग्राम आप कब करेंगे 12 से 2 का फ्राइडे को फ्राइडे नाइट को इनको 12 से 2 का प्रोग्राम होगा और मेरा फ्राइडे संडे और सैटरडे तीन दिन जो है वो 2 बजे के बाद 2 to 4 ऊंचा शॉप होगा और जावेद भाई का आपको बुध और जुमेरात 8 से 10 और पीर को 10 से 12 पक्का है ना जी पक्का है ठीक है अगर मैं शेर सुना दूं मैं शेर सुना दूं आए लड़की ने शुरू ही नजाकत से किया जी शुरू नहीं किया ये पहला मिसरा तो मैं शेर सुना दूं जो मैं नहीं सुनाती ये शेर मुकम्मल हो गया सुनाए ऐसा बेबाह वक्त पे चिल्ला के रो पड़े आए क्या बात है एक सेकेंड हम जरा होए कर लेते खुशियाँ हमारे पास कहाँ मस्त के रही क्या बात है रहती नहीं है रहती नहीं है कभी हंसे तो घर आके रो पड़े ओए होए होए ये तो वाकई रोने वाली बात थी सर स्पेशली ना जावेद भाई के लिए क्या बात क्या एक दो फिर नहीं नहीं बस अल्लाह हाफिज काफी है इतनी देर काफी होती है जनाब 2 बजने वाले हैं जी अभी हम एक म्यूजिकल ब्रेक पे जाएंगे वापसी होगी और फिर दोबारा से गपशप पे आएंगे अपना बहुत सारा ख्याल रखें सिर्फ 2 मिनट के लिए जा रहे हैं लंबा काम नहीं है वापसी होती है फिर होती है मुलाकात मेरा नाम इमरान अली मानी मेरे साथ मौजूद जावेद खान और सजाद खान साहब चारी चारी लख
पिछे छुपावे नी तू चारी चारी लख दी फेसबुक उत्ते नी तू लांदी जिणियां उन्हां फोटोआं दे नाल दिल साडा ठगदी तेरा ऐपण वाला फोन वखरी है तेरी टोन ऐपण वाला फोन वखरी है तेरी टोन लागे अखां दे निशाने मुंडे ठोकते तैनू तकिया मैं दिलो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते तैनू तकिया मैं दिलो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते جناب ویلکم بیک ٹو دا پروگرام ایف ایم 101 اسلام آباد اور اسٹوڈیوز میں شامل بہت سارے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر سجاد خان جاوید خان اور عمران علی مانی صاحب اور آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شامل رہتے ہیں کالز کا تھوڑا سا بریک کریں گے اور اس کے بعد آپ سے بات کریں گے جی جاوید خان جی امید کرتا ہوں کہ آپ اس وقت بھی ہمیں اسی انداز سے سن رہے ہوں گے کیونکہ رات کے دو بج چکے ہیں جس انداز سے دو دن سنتے رہے اور آج میں نے آپ لوگوں سے پرومس کیا ہوا تھا اور برتھ ڈے کس کی ہے کون سی کالر آئی تھیں کون سی لیاقت تھی جن کی آج برتھ ڈے ہے جی عظمت عظمت لیاقت ہے ان کو بھی ہیپی برتھ ڈے اور اسی حوالے سے جو ہے نا وہ ریڈیو انڈسٹری کا بہت بڑا نام بھٹی کی بھی آج برتھ ڈے ہے عتیق الرحمان بھٹی بھائی ہمارا دوست ہمارا کولیگ ہمارا جناب اس کی آج برتھ ڈے ہے اس کو میری طرف سے مینی مینی ہیپی ریٹرنس آف دی ڈے اینڈ مے یو ہیو مینی مینی مور جیو ہزاروں سال سال کے دنوں 50,000 ہنستے رہو مسکراتے رہو اور اسی طرح دنیا کے چہرے پہ جو ہے ہنسی لے کے آتے رہو بکھیرتے رہو اور اپنی صحت کا بہت سارا خیال رکھیں بھٹی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی اور یوں ہی ترقی کرتا ہوا شخص بنتا رہے جی جاوید خان کیا ہوا کیا مسئلہ کچھ نہیں آپ کی آواز مطلب کہ جب میں تو ہماری ٹیم کی جانب سے چینل کی جانب سے بھٹی صاحب ہیپی ریٹرنز آف دی ڈے سر بالکل بہت محبت بہت پیار اور جس طرح آپ لوگوں کے چہرے پہ ہنسی لے کے آتے ہیں بھٹی صاحب آپ کو بہت بہت ہیپی برتھ ڈے ہنستے رہے مسکراتے رہے 101 کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کے لیے پیغام ہے یہ جاوید خان جی بالکل میری طرف سے بھی بچی ہوئے آپ کو بہت بہت آپ کی سالگرہ مبارک اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہمیشہ خوش و خرم آباد رکھے ہنستے مسکراتے رہیں اور خوشیاں بکھیرتے رہیں ویسے بھٹی اس دفعہ بچ گیا ہے میرا خیال پارٹی نہیں دینی پارٹی نہیں دینی پڑے گی کرونا نے کچھ نہیں کیا تو بھٹی کا کچھ تو فائدہ ہوا ہے اینی ویز جناب جی سجاد بھائی جی جناب اور چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف یار ابھی شاعری کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئی اور کل جب آپ نے دیکھا کہ ہماری بہت ساری کالرز آئیں اور انہوں نے شاعری بھی سنائی ابھی بھی آج بھی بڑی کالز تھیں میسیجز بھی بہت تھے مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے
शुरू शुरू में जब मेरा ख्याल है कोई इट्स लाइक अगर इफ आई रिकॉल माय मेमोरी तो 8-9 साल पुरानी बात होगी. इट इज नॉट लाइक दिस कि वी आर सिटिंग टुगेदर और टॉकिंग टू ईच अदर और दैट्स व्हाई वी आर प्रेजिंग ईच अदर. ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं. तो मेरी आपसे बहुत हल्की फुल्की सी मुलाकातें वाले होते हैं, उसका इंटरेक्शन दिन को नहीं होता है. जावेद खान एक पार्टी हुई और उसमें मानी आया जी, और मानी ने बताया कि यार मैं लिखता भी हूँ सुजात भाई और ऐसे कोई. उस वक्त 8-9 साल पहले की बात है, आप किसी किताब के ऊपर काम कर रहे थे, फिर आपसे मुलाकात रही, वो किताब पब्लिश भी हुई और उसको लोगों ने पढ़ा भी और बड़ा सराहा भी. बात यहाँ तक नहीं रहती है, इससे आगे होता ये है कि एक पैशन होता है इस एज में, आप उस वक्त इससे भी ज्यादा यंग थे, तो एक पैशन होता है और लिखते हैं और पता होता है कि यार जब प्रोफेशनल फील्ड के ऊपर जाएंगे, बिजनेस करेंगे, जॉब्स करेंगे तो टाइम कम हो जाएगा, और 95% यही होता है. ऐसे ही है ना. तो ऐसा 5% केसेस में नहीं होता. फिर हमने देखा कि आपने साथ साथ लिखना शुरू किया, पब्लिश भी हुआ, किताबों के नाम भी रखे गए. फिर हमने देखा कि यार देखें तीन जिस फील्ड में हम बैठे हैं इसमें जितने भी डीजेज हैं, जितने भी आरजेज हैं, प्रोडक्शन टीम के अलावा, परमानेंट जॉब्स के अलावा, सारे अपना अपना काम करते हैं, जॉब्स करते हैं और उसके बाद 2 घंटे का प्रोग्राम, 1 घंटे का प्रोग्राम करते हैं. जिन्होंने रह जाना होता है वो प्रोग्राम तैयार भी करते हैं, इंटरेस्ट भी लेते हैं जॉब में, जिसको म्यूजिक का शौक पैदा करना पड़ता है, किताबें पढ़ने के लिए प्रोग्राम करने के लिए किताबें पढ़नी पड़ती हैं, किताबें पढ़ने के लिए हिस्ट्री में जाना पड़ता है, और उसके बाद रदीप काफिये का फर्क समझ में आता है, और उसके बाद ऐसा नहीं होता कि एक प्रोग्राम आपको दे दिया और किताबें पढ़ ली और आप डीजे बन गए, ऐसे चक्कर नहीं होता. जब आते हैं तो लोग पता चल जाता है. तो हमने देखा कि जो लास्ट 9-10 साल है हमने आपको कभी जॉब करते हुए नहीं देखा, और जॉब करने वाले लोगों से ज्यादा परेशान भी देखा, क्योंकि आप हमेशा अपना बिजनेस करने के उसमें रहते थे और आप बिजनेस भी करते थे. जिस फील्ड में हम रहते हैं उसकी बहुत सारी बड़ी डायमेंशन हैं. फिर हमने देखा 4-5 साल पहले, कल भी आपने ऑन एयर बताया कि यार 7 साल लगे मुझे फिल्म लेते लेते जी, फिल्म तक पहुंचते हुए. देखे ना आप, अभी हम ऑफ एयर बात कर रहे थे, होता यही है, आपको अपना नाम बनाना पड़ता है, उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी रिकग्निशन उसमें आती है, फिर उसके बाद आपको चांस मिलता है. ऐसा नहीं होता कि मैं किसी की पर्ची ले जाऊं और मैं कहूं फलां डायरेक्टर का आदमी और मुझे चांस मिल जाए और मैं टॉप वन में चला जाऊं, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी. पूछने वाली ये बात है कि इतनी सारी चीजें करते हैं. मैंने कभी एक स्टार में पढ़ा था कि यार ये जो जून वाले होते हैं, जो जेमिनीज होते हैं, उनका ये होता है कि वो बड़े टैलेंटेड क्रिएटिव होते हैं. स्टार में उस जमाने में ऐसे ही होता था ना कि बहुत सारी तारीफें भी लिखी जा, हम समझते थे ऐसी है, लेकिन इनका फर्क होता है. और उसका डिसएडवांटेज ये था कि एट द एंड ऑफ द डे आपका कोई भी काम पूरा नहीं होता, लेकिन आप बहुत सारे काम करना चाहते हैं. बहुत कम लोग होते हैं जिनके काम पूरे हो जाते हैं. आपके केस में हमने ये देखा कि काम पूरे होते हुए नजर आए, किताब लिखी, पब्लिश, प्रिंट चलती भी हमें नजर आई. बिल्कुल. फिल्म के लिए आपने हमें बताया कि यार वो भी है, मैं फिल्म भी कर रहा हूँ, तो हमने कहा नहीं धरा, टू बी वेरी फ्रेंक. फिर जब फिल्म रिलीज हुई तो हमें पता चल गया कि मानी ने फिल्म कर दी है. बिल्कुल. फिर दूसरी फिल्म, फिर इंटरनेशनल ट्रेवल. मुझे वो दिन भी याद है कि जब आप अवार्ड लेके आए थे, मैं प्रोग्राम पे जा रहा था. बिल्कुल, मेरी आपसे मुलाकात हुई थी अवार्ड वाले दिन. ठीक है. वो अवार्ड भी आपने लिया. 2-3 चीजें हैं, पोएट्री है, फिल्म है, प्रोडक्शन है, और इसके साथ साथ बिजनेस है. इस दौर में अपने आप को इन सारी चीजों में इन रखने के लिए आपको बड़ा सपोर्ट चाहिए. और जो लोग आपको करीब से जानते हैं उनको पता है कि ये सेल्फ मेड आदमी है, इसने जो भी कुछ किया है इतनी उम्र तक सब कुछ कर लिया है, और अभी भी ये सारे लाइन में प्रोजेक्ट्स हैं जो कल भी डिस्कस हुआ जी. तो ये सब कुछ कैसे मैनेज हो जाता है यार? सजाद भाई, मेरा इस चीज पे मानना ये है कि आपको जब आप निकलते हैं जिंदगी में या काम के लिए, तो आपको मंजिल जो है वो डिसाइड कर लेनी चाहिए और इस्तेदाद बड़ी रखनी चाहिए. तो जब मैं इस फील्ड में आया तो मैं जरा क्या कहते हैं उसको, वो डाउन कैटेगरी में शुमार होता था, यानी कि मुझे बड़ा डिसहार्ट किया गया शुरू में. तो ऐसे ही, लेकिन मैं वहां हिम्मत नहीं हारा. पहला साल गुजरा, दूसरा साल गुजरा, लेकिन मैंने एक जहन में बना लिया था कि मुझे उस जगह पे जाना है कि ये जो पैनल आज मैं 101 इंटरनेशनल पे जहां बैठा हूं ना, मैंने सोचा था मैं यहां पहुंचूंगा हर सूरत में. तो मैं लगा रहा. ये जो लगा रहने की आदत है ना आपकी, कि आप जुड़े रहें, तो एक ना एक दिन रिवॉर्ड आपको मिलता है.
तो मुझे वो लगा कि 3 साल तक बड़ी मुशक्कत थी, बड़ी मेहनत थी, नाम कमाना कोई आसान नहीं होता, और शोहरत मैं कहता हूँ अल्लाह की विरासत है और वो अपने पसंद के लोगों को देता है, हर बंदे के लिए होती नहीं है ये, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपको अगर इशारा मिल जाता है कि आपके पास शोहरत आ रही है तो फिर उसको संभालना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। सो एम मेरा बड़ा था कि मैंने कहीं और जाना है, मेरे लिए मंजिल मैंने कहीं और सोची थी, ये उसके रास्ते हैं। और जहां तक आप बात कर रहे हैं शायरी की, तो शायरी बहुत सारे लोग, अभी कल भी मुझे किसी ने कहा कि 21वीं सदी के आप शायर हैं तो आप इतने शोख हैं, चंचल हैं, तो मुझे लगता है जी जो ये जो मोहब्बत में हारने के बाद शायर बनते हैं वो शायर नहीं है, शायर वही है जिसके पास ये गॉड गिफ्टेड स्किल है, और ये गॉड गिफ्टेड ही होती है, वक्त और हालात उसको बेसिकली पॉलिश करते हैं। और जिस तरह अभी लड़की ने थोड़ी देर पहले एक सवाल किया, उसने कहा जी मैं लिखना चाहती हूँ कि इस्लाम के ऊपर, कुरान के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, तो उसके लिए वक्त लगता है। और जिन लोगों से मुझे लगता है कि अल्लाह ने कोई काम लेना होता है तो उनके दिल में फिर ख्याल भी आते हैं और अच्छे ख्याल भी आते हैं। तो बस एक एम सोचा था, एक ड्रीम थी मेरे जहन में कि मुझे ये करना है, तो बस ये उसके लिए शुरुआत थी और हरकत लंबी की मैंने। मतलब मैं कोई 1 साल का सोच के कोई काम नहीं करता या 2 साल का सोच के काम नहीं करता, मेरी आदत है कि मैं अगले 10 साल या 20 साल का सोच के काम करता हूँ कि अगर मैं आज ये काम शुरू कर रहा हूँ तो मुझे अगले 20 साल में कहाँ पहुंचना है। तो लोगों में जो मैंने गलती देखी या अपने जूनियर्स में देखी वो ये होता है कि वो 3 साल के बाद थक जाते हैं, हालांकि 3 साल के बाद ही मिलना शुरू होता है। मैं एक दफा प्रोग्राम करने आया तो किसी सेलिब्रिटी का यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा था, आपको पता है हम जो है जरा इस बात का एज ले जाते हैं। वैसे तो डीजे के लिए है कि कोई आध घंटा जो है ना वो पहले आना पड़ता है और देखना पड़ता है, तो हम जो है वो जरा थोड़ा सा लिवरेज ले जाते हैं और हम 10-15 मिनट पहले आते हैं और आके माइक के ऊपर बैठ जाते हैं 5-10 मिनट पहले, जैसे आज एक मिनट पहले हम एंटर हुए रेडियो में। तो मैं यहाँ पे आया, एक सेलिब्रिटी का इंटरव्यू हो रहा था, उसकी मैंने आखिरी बात सुनी और उसने कहा मुझे, उसने इंटरव्यू देने वाले को ये कहा कि मैं ये कहता हूँ कि आपने सुना होगा कि यार वो काम नहीं होता तो आप क्या, अगर नहीं होता तो मैं क्या दीवार में टक्कर मारूं, तो मैं अपने सुनने वालों को ये कहना चाहता हूँ कि हाँ आप टक्कर मारें हाँ। आप फिजिकली दीवार को टक्कर मार दें। उस सेलिब्रिटी ने ये पैगाम दिया कि आप दीवार को टक्कर मारें तो काम हो जाएगा, आपने उस इशारे की बात की थी। तो बात यह है कि अल्लाह ताला से मांगना पड़ता है बिल्कुल, और अगर उसने उन बंदों में पहले आपका नाम नहीं लिखा तो आप उस स्टूडेंट की तरफ कितना जो रोज चला जाए और कहे यार मुझे बैठने दें, तो वो और मेरे पास पैसे भी नहीं है और ये भी नहीं है और वो भी नहीं है, तो टीचर को ख्याल आ ही जाता है। तो अल्लाह ताला की जात है, मेहनत की बात करें ना कि आपने लगन नहीं छोड़ी जी, तो टक्कर मारनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि इमरान अली मानी जो है वो एक दिन में या एक साल में, आपने 3 साल के लिए कहा, आपको फिल्म 7 साल की बात मिली, 7 साल का, 4 साल मुझे रेडियो पे, मैंने फिर मुसलसल 4 साल रेडियो किया और अपना बेस्ट किया, हर स्लॉट में किया, सुबह किया, दोपहर में किया, शाम में किया, और फिर मुझे जाकर रात मिली और फिर लोगों ने जाना कि ये इमरान अली मानी है। क्या बात, मतलब मुझे 7-6 साल लग गए रेडियो पे भी अपने आप को, मतलब ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। देखें मैं तो लोग भी तो मानी ऐसी होता ना, आपने शेर तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग थे हमें हर हफ्ते और हर महीने की बुनियादों के ऊपर ऑन मंथली बेसिस, ऑन ईयरली बेसिस हमें पता चलता था कि उसकी भी किताब आ गई है, उस डीजे की भी किताब आ गई है। ये एक ट्रेंड बना हुआ था, उस ट्रेंड में लोग शामिल हो गए, वो ट्रेंड चला 5-6 साल, हर डीजे अपनी किताब पब्लिश करा के बैठ जाए, और जब किताब खोलें तो आपको तो पता है देयर इज नो नीड टू टेक नेम्स, प्रिंटर्स भी शायर बन गए हाँ। वो आपका भी इंटरव्यू मैंने ले लिया, जावेद खान का भी ले लिया, मैं गया आपके पास क्योंकि मेरी प्रिंटिंग प्रेस लगी थी, मैं कहा मानी आपका बड़ा नाम है, मानी साहब अपनी 10 गजलें दे दें, 10 आपने दी, 10 उन्होंने दी, 100 गजलें लेके 10 मैंने अपनी डालनी, तो वो चीज फेड आउट हो जाती है। आपके मामले में ये नहीं हुआ, मतलब मैंने 10 साल का जिक्र इसलिए किया कि 10 साल पहले भी एक लड़का आया था, उसने कहा सजाद भाई मैं लिखता हूँ और मैं किताब छपाऊंगा, और मैंने देखा किताब छपी और उसके बाद उसका पैशन दूसरी तीसरी किताब की तरफ नहीं गया, लिखने की तरफ गया। उसकी शायरी मुझे 10 साल पहले भी मैंने पढ़ी और मैंने 10 साल बाद भी पढ़ी, और अब लोग पढ़ते हैं यार। सर ये मेरे लिए बड़ा, अगर आप ये पूछे ना, काफी नहीं है 1 घंटे में कि एक लड़की आई है वो कह रही है मैंने अहमद फराज को शामिल करना है, और 2 दिन से 9 के 10 कॉलर्स आ गई, उन्होंने कहा कि मैंने तो नहीं किसी को कॉल की थी ना, ऐसे ही है कि आप इमरान अली मानी की शायरी शामिल करें, तो वो अब आके कहती हैं कि हमने मानी की शायरी, और मानी की शायरी का पता भी आखिरी शेर में चलता है,
तो इतनी ज्यादा पुख्तगी, बिजनेस, फिल्म इंडस्ट्री, ये सारे काम साथ साथ चल रहे हैं। ये ज्यादा सर, ये जो फिल्म है, फिल्म ये अल्लाह की तरफ से कोई गिफ्ट था, शायद ये रिवॉर्ड था मेरी मेहनत का जो मैंने रेडियो पे की। और ये इसके लिए मैं ये नहीं कहता कि मुझे कोई, मैंने कभी इससे पहले कैमरा फेस नहीं किया था, सीधी बात है। मैं तो ऑन एयर, बल्कि इवन जब टीवी पे भी इंटरव्यू था तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने इससे पहले कैमरा फेस नहीं किया, मैंने रेडियो किया, रेडियो के बाद डायरेक्ट बड़ी स्क्रीन, बड़ा कैमरा, उसको फेस किया मैंने। तो वो मेरे लिए एक बड़ा लम्हा था, मेरी जिंदगी में एक बड़ा चेंज था। और मेरे मुझे एक रेडियो आरजे से फिल्म आर्टिस्ट बनने में बड़ा टाइम लग रहा है, जैसे मुझे एक आम बंदे से आरजे बनने में टाइम लगा, मैं हिम्मत नहीं हारा, इसी तरह अब मुझे एक आरजे से फिल्म स्टार बनने में भी टाइम लग रहा है और मैं यकीनन हिम्मत नहीं हारूंगा। मैंने ये हरकत जो है फिल्म की, ये अगले 20 साल के लिए की है और मैं देख रहा हूँ कि अगले 10 साल के बाद जो होगा, यकीनन इसी तरह जो जिस तरह आज रेडियो पे लोग मोहब्बत दे रहे हैं, यकीनन मुझे फिल्म में भी लोग मोहब्बत देंगे। और ये क्या, ये इसके लिए कोई खास क्राइटेरिया है? सर, हिम्मत नहीं हारनी, इसका एक ही क्राइटेरिया, आप लगे रहें, जुड़े रहें। मतलब मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी बात ही ये है कि आप एक चीज को सोचते रहें। ये जो अक्ल है, ये दिमाग है, आप इसके, मैंने एक आयत सुनी कुरान की कि अल्लाह इंसान को इस्तेदात के मुताबिक देता है। मैं इसकी डेप्थ में चला गया, मैंने कहा ये तो बड़ी आसान सी बात है कि अल्लाह देता है और इस्तेदात के मुताबिक देता है, इस्तेदात क्या है? तो मुझे तब समझ आया कि इस्तेदात आपकी सोच है। यानी कि एक बंदा जो है, एक मजदूर जो है, वो सुबह काम के लिए निकलता है, वो कहता है या मेरे मालिक 500 की दिहाड़ी लगवा दे, तो अल्लाह उसे 500 नहीं 400 300 दे के भेजते हैं। तो इसी तरह जब बिजनेसमैन बाहर निकलता है तो वो अल्लाह ताला से मांगता है या मेरे मालिक लाख की दिहाड़ी लगवा दें, तो अल्लाह ताला उसे लाख नहीं देता लेकिन 70,000 60,000 की दिहाड़ी लगवाते हैं। तो वो जो अल्लाह है वो नाइंसाफी नहीं कर रहे, बेसिकली वो सोच का फर्क है। उसने मांगा 500, उसने मांगा लाख रुपया। तो इसी तरह है कि आप जब मांगेंगे, और मैं हमेशा अपने लिसनर से भी ये बात कहता हूँ कि जब अल्लाह से मांगे तो फिर अल्लाह को देख के मांगे, ऐसे मतलब अल्लाह को देखें कि इतना बड़ा निजामे शमसी, इतनी दुनिया, इतने लोग, और आप उनसे कह रहे हैं जी मुझे एक सिटी गाड़ी दे दें, तो अजीब नहीं लग रहा? जब मांगनी है तो फिर इतना मांगो कि अगर वो आधा भी दे तो आपकी जिंदगी गुजर जाए। तो यकीन बहुत बड़ी बात है। और एक बात, एक चीज पे मेरा ईमान है कि जिसके साथ रब होता है ना, उसके साथ सब होता है। तो दुनिया आपकी जितनी मर्जी मुखालिफ हो जाए, आपके बारे में जो मर्जी कहती रहे, जब अल्लाह नहीं चाहता ना, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में होती है। तो सर ये बस मैं कहूंगा, मेरे में इसमें कोई क्वालिटी नहीं है, ये जो मैं लिखता हूँ ये भी गॉड गिफ्टेड स्किल है, इसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ये जो मौके मिले ये भी अल्लाह की तरफ से है, और आगे भी जितना काम होगा वो अल्लाह की तरफ से है, मेरी इसमें कोई नहीं है। मेरी सिर्फ एक ही चीज है कि मैं जुड़ा हुआ हूँ। अल्लाह ताला की करामत है और उसका शुक्र है। और माँ बाप बेशक आपके इस दुनिया में नहीं है लेकिन वो आपके साथ है, उनकी दुआएं आपके साथ हैं। बिल्कुल, हमने इन 10 सालों में हम ईद वाले दिन बहुत इकट्ठे होते हैं और करीबन सारे होते हैं। मैंने आपके अलावा इस हमारी टीम में मैंने ये देखा कि आपने उस दिन भी कहा कि इस चांद रात का जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो आपने कहा कि मैंने गुजरात जाना है। सज्जाद भाई थैंक यू वेरी मच, आप चले गए और आप गुजरात चले गए। मैंने बारिश में भी देखा और मैंने ये आदत, कभी अच्छी गाड़ी, कभी पुरानी गाड़ी, कभी नई गाड़ी, कभी खराब गाड़ी, आपने वो रूटीन छोड़ी नहीं। नहीं सर, वो वहां पे मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। मैं इस दफा ना थोड़ा लेट हुआ आधा पौना घंटा, तो मेरे अंदर एक दिल में था, जब मैं कब्र पे गया अम्मी अबू की, तो मेरे एक दिल में था कि जैसे वो मुझे कह रहे हैं कि आज क्यों लेट हो, आज तो नमाज हो चुकी है। मतलब वो सवाल कर रहे थे मुझसे। तो ये रब्ता है, माँ बाप चाहते तो नहीं है ना जी, दुनिया से कौन कहता है माँ बाप चले गए? यही रब्ता है, यही चीज है जो एक बंदे को दूसरे बंदे से डिफरेंट करती है। देखें ये शायद मैंने माइक पे पहले भी बताया या नहीं बताया, एनी आओ, मैं जिस लोकेलिटी में रहता हूँ उसमें कब्रिस्तान भी है, हर जगह ही होता है, हर ब्लॉक में, हर स्ट्रीट में। तो हमारी पीछे वाली स्ट्रीट में एक कब्रिस्तान है और उसमें बारिश में, आंधी में मैं अपनी मदर के साथ वॉक करता था, तो हम हमेशा ही निकलते थे, मौसम शौसम नहीं, वो बारिश तेज हुई वापस चले गए घर। तो कब्रिस्तान के बाहर एक येलो कैब खड़ी होती थी, आज से कुछ 10-12 साल पहले। वो येलो कैब पुरानी हालत में थी, पहले वो FX थी, और रोज फजर के टाइम के बाद वो खड़ी होती थी और वहां से एक आदमी निकल के कब्रिस्तान जाता था, दुआ करता था और वापस आता था। तो वो सिलसिला चलता रहा, हमें पता चला कि इसकी वालदा इस कब्रिस्तान में है, इसकी वालदा कब्रिस्तान में। फिर हमने देखा कि गाड़ी चेंज हो गई, वो येलो कैब में आ गई, मेहरान येलो कैब में आ गई, फिर गाड़ी बड़ी हो गई। यार आज 14-15 साल हो गए हैं, वो बंदा जो है बीमार भी होता होगा, बारिश भी होती है, आंधी भी चलती है, तूफान भी चलता है, लेकिन उसने छोड़ी नहीं आदत को।
तो माँ बाप देखे, जब आदमी सोच लेता है ना तो अल्लाह ताला उसमें हिम्मत पैदा कर देते हैं। ऐसा ही है, पहले नहीं होती है लेकिन आदमी सोच ले और अल्लाह ताला से अपने, ये सारी जो चीजें हैं ये घर से चलती हैं, माँ बाप की दुआओं से चलती हैं और फिर उसके बाद एक माँ और फिर 70 माँ, तो ये सारा ऐसे चलता है। तो बहरहाल हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत से लोगों ने मुझे कहा था, तनकीद बहुत होती है आपके ऊपर कि मानी जो है वो प्रोग्राम जो है वो बहुत सारी तनकीद होती है। थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ थोड़ा सा। माइक है ना आपके पास। जी जी। आपके कोई भी चीज, कोई गिला शिकवा कोई किसी से, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा सजाद भाई, तनकीद के हवाले से मैं एक बात बोलूंगा सिर्फ यहाँ पे कि तनकीद सहना ही बेसिकली आपको स्टार बनाता है, जरूरी है। देखें जितने आपके मोहब्बत करने वाले होते हैं ना, मैं बड़ी मिसाल देता हूँ। देखें इमरान अली मानी तो अभी छोटा इस लेवल, मैं बड़े लेवल पे चल जाता हूँ। इमरान खान की बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो 92 से पहले भी वो हमारे हीरो थे, वो आज भी हमारे हीरो हैं। वो वजीर आजम नहीं थे तब भी हमारे हीरो थे। लेकिन अगर ये बात उनके मुखालफिन का पलड़ा देखा जाए तो उनकी मोहब्बत करने वालों के पलड़े के बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो मुखालिफ हैं लेकिन वो दिल से उनको मोहब्बत करते हैं। सर तनकीद बर्दाश्त करना, मैंने उस दिन भी एक बात बोली थी कि 1000 मैसेजेस आपकी मोहब्बत में आ रहे होंगे लेकिन एक मैसेज आपको ऐसा लगेगा जो आपको डिप्रेस कर देगा, वो एक मैसेज आपके खिलाफ होगा। तो तनकीद बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम है। जब आप तनकीद बर्दाश्त करना सीख जाते हैं तो उसके बाद आपकी जिंदगी आसान हो जाती है, एज पब्लिक फिगर एज आर्टिस्ट आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। क्योंकि देखें हर इंसान ने आप बर्दाश्त करके क्या करते हैं, मतलब एक एक्सरसाइज होती है ना, एक कभी कभी आदमी ज्यादा तनकीद से डिप्रेशन में चला जाता है। शुरू में ऐसा होता था। आप देखे ना, अली जफर का मैं इंटरव्यू सुन रहा था तो अली जफर ने कहा कि मेरे ऊपर तनकीद बहुत ज्यादा होती थी क्योंकि वो किसी की कॉपी के बारे में कहते थे कि यार ये कॉपी करता है। जी। तो उन्होंने कहा इसको गाना तो आता ही नहीं है, ये तो कॉपी करता है और कॉपी बहुत अच्छी करता है तो कॉपी। तो अली जफर ने कहा कि यार ये इसका क्या, उन्होंने कहा बिल्कुल नो डाउट मेरे पे तनकीद जब भी हुई मैंने घर जाके ये सोचा कि यार मैंने अगर ये कह रहे हैं कि इसकी आवाज में कुछ नहीं है तो मैंने इसके ऊपर काम करना, हो सकता है वाकई कुछ ना हो। अगर ये कॉपी करता तो फिर मैंने सोचा कि यार वाकई मैं कॉपी करता हूँ इसलिए मैं कॉपी कैटना बन जाऊँ और वो चीज इनको आगे लेगी। कुछ लोग होते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो काम छोड़ देते हैं, वो काम करते ही नहीं है, वो अपना चेंज कर लेते हैं। आपने इमरान अहमद खान के बारे में कहा तो हमारे पीएम में जब वो पीएम नहीं भी थे तो उनमें ये क्वालिटी थी, वो काम करते थे, उनको पता था कि यार ये काम मैंने ऐसे करना है और वो टाइम मैनेजमेंट उनकी अपनी थी, वो नहीं देखते थे कि यार ये कितना टाइम लेगा, ये तो अल्लाह ताला ने काम करना होता है ना। वो कहते हैं आई डू माई बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड, हमारा काम है काम करना। अब वो 2020 में ये बात यहाँ तक पहुंचने में कि हमारा काम है काम करना, इसके पीछे डिप्रेशन का सीन आता है। इसके पिछला जो फेज है ना, वहां से जब आप निकलते हैं ना, यानी कि आपने आप दुश्मन बनाने के लिए ना आपको लड़ाई करने की जरूरत नहीं, आप थोड़े से ना आप कामयाब हो जाए तो बहुत सारे दुश्मन बेवजह ही आपके खड़े हो जाते हैं जो कि टांग खींचने वाले। और हमारे मुआशरे के अंदर ये ज्यादा मैंने देखा ऐसे ही है। लेकिन मैंने हमेशा ना, मैंने एक बात सुनी थी छोटे होते हुए, मेरे अब्बा हमेशा इसके ऊपर बात करते थे कि एक हाथ ले एक हाथ दे का सौदा है ये दुनिया, तो कभी किसी का रास्ता मत रोकना। ये मेरे अब्बा मुझे ना, ये आखिरी इंसियत भी थी उनकी, कभी किसी का रास्ता मत रोकना, उनको उनके रास्ते जाने देना, तुम्हारा रास्ता कोई भी नहीं रोकेगा। तो जब आप किसी का रास्ता रोकते हैं ना तो आपके आगे भी पत्थर आते हैं। तो मुझे कोई तनकीद करता है तो मैं मतलब मैंने सर झुकाया हुआ है, आप ये समझ लें एक हजूम है जिसमें से गुजरता जा रहा हूं, मेरी मंजिल आगे है तो मैंने सर झुकाया हुआ है। कोई बुरा कह रहा है कोई अच्छा कह रहा है, मैं सबकी बातें सुनता जा रहा हूं लेकिन देख नहीं रहा। लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि इसी तरह जा रहा होगा और ये सारा जो लोग होंगे ये मेरे साथ होंगे और ये तनकीद भी खत्म हो जाएगी। सो खान साहब जब 22 साल उन्होंने मेहनत की, जब वो कामयाब थे, जब 92 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता वो कामयाब थे, तो लेकिन उनको 22 साल मेहनत करनी पड़ी नई फील्ड के अंदर तनकीद समझने के लिए। वो जो एक हीरो था, वो जो एक लेजेंड था पाकिस्तान का, जब वो सियासत में आया तो उसने एक आम बंदे से भी बुरी बातें सुनी, तो वो जो हिम्मत थी ना वो खान साहब को 92 से पहले नहीं थी। तो जब आप किसी चीज में जाते हैं तो आपको तनकीद सुननी पड़ती है। पहले मुझे एज आरजे तनकीद सुननी पड़ती थी,
वो तनकीद मुझे अच्छी लगती थी, वो इसलिए लगती थी मैं बैन भी होता था, लेकिन मेरे पास एक आइडिया था रेडियो से रिलेटेड, एफएम से रिलेटेड, कि म्यूजिक पीछे होना चाहिए, थोड़ा हाई होना चाहिए, आपकी बेस जो है बोलने का आवाज थोड़ी तेज होनी चाहिए, मेरे पास एक आइडिया था कि लोग पसंद करेंगे। तो उसके ऊपर मुझे पहले दिनों में बैन कर दिया शेख साहब ने, फिर मुझे सदफ रानी मैम ने बैन किया, फिर मुझे शेख साहब ने बैन किया, लेकिन मैंने उनको साबित कर दिया। शेख साहब एक दिन कहते हैं मैंने तेरा प्रोग्राम सुना, था तो कुछ नहीं लेकिन एंटरटेनमेंट बहुत थी। तो मैंने उस दिन ये सोचा, मैंने कहा कि नहीं अब ठीक है, अगर शेख साहब कह रहे हैं तो अब ठीक है। और फिर मैं उस पर मेहनत करता रहा। एक दिन मैं प्रोग्राम करके यहां से निकला तो शेख साहब का मुझे फोन आया, तो उन्होंने कहा मैंने आज तेरा 2 घंटे प्रोग्राम सुना और 2 घंटे तूने बेहतरीन प्रोग्राम किया। और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि मेरे उस्ताद थे जिन्होंने मुझे रेडियो में चांस दिया, तो वो मेरे बारे में ये बात कर रहे थे। तो उस दिन मुझे लगा कि हाँ आज, हालांकि उससे पहले मुझे अवार्ड मिल चुके थे, उससे पहले लोग मुझे कह चुके थे, मुझे ग्रुप एम जो एशिया का लार्जेस्ट सर्वे ग्रुप है उसने पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर आरजे डिक्लेयर किया मुझे, तो वो टाइम मेरा गुजर चुका था। लेकिन जो उस्ताद उस्ताद की बात है ना जी, हाँ। जहाँ पे आप आए थे, अगर शेख साहब, जब तक शेख साहब मुतमिन नहीं होंगे आपको जो मर्जी अवार्ड मिल जाए आपका दिल मुतमिन नहीं होगा कि यार ये बंदा जब तक अपने मुंह से तारीफ नहीं करेगा तब तक मेरी मेहनत पूरी नहीं होगी सर। लेकिन देखे ना, अपने घर से जब तक नहीं जीतेंगे तब तक वजीर आजम कैसे बनेगा, अपना घर जीतना जरूरी होता है। वो हमें शेख साहब ने एक दफा कहा कि शुरू में कहा 2003 में जब मैं आया तो उन्होंने मीटिंग में कहा कि डीजे तब तक नहीं बनता जब तक आपके ख्वाब में ना आ जाए कि आप प्रोग्राम कर रहे हैं। सुन रहे ना जी, बिल्कुल। डीजे तब तक नहीं बनता जब तक आपके ख्वाब में ना आए कि आप प्रोग्राम कर रहे हैं। आप ये देखें कि हमने ख्वाब में फिर देखा कि यार हम प्रोग्राम कर रहे हैं, वो पता नहीं कितने साल के बाद था। उसके बाद हम मुतमईन हुए कि यार ये शेख साहब की बात कही भी पूरी हुई है। जावेद खान जी, जी, कोई बात पूछनी है या इसको लेटर नोट के ऊपर खत्म करें, कोई इंटरव्यू में कोई बात रहेगी आप पूछे ना कि यार इस सारी इंडस्ट्री में हमने नहीं देखा यार कि रेडियो प्रोग्राम में हमारी एक चेयर पड़ी हुई है। चेयर का मतलब क्या है कि यहाँ डीजे बैठे और यहाँ पे बैठ के प्रोग्राम करे, माइक सेट करे और माइक पे गैप सेट करे और उसके बाद जो है वो उस डिवाइस को, गैजेट को देखे कि आपकी आवाज ब्लास्ट हो रही है या नहीं हो रही है। दिस इज द डेकोरम। अब ये मानी आता है चेयर उठा के पीछे फेंक देता है, खड़ा होकर प्रोग्राम करना शुरू कर दे, यार व्हाट्स दिस यार, आप डेकोरम खराब कर देते हैं यार। अच्छा सर, मुझे ना ये इस पे बहुत सारे लोग, आपको ख्वाब आई कि खड़े होके भी प्रोग्राम हो सकता है यार, तो ज्यादा एनर्जी के साथ कर रहे हो, तो जिस तरह तो बैठ के भी ज्यादा एनर्जी हो सकती है। जैसे कि सजाद भाई, वॉइस ओवर की अगर हम बात करें, कई जगहों पर हम देख जब जाते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, वॉइस ओवर देने के लिए, तो वहां पर सीटिंग नहीं होती ज्यादातर, अगर होती भी है तो कहते हैं जी अगर आप खड़े होके करेंगे तो जरा अच्छा। एनर्जी की तो बात है ना कि देखें ये सीट के पीछे टेक लगी हुई है, एक टेक लगी हुई है, तो हमें 2-2 घंटे हम पीछे अब टेक नहीं लगा सकते, कोई हमें रोकता नहीं, कोई देखता भी नहीं है ऐसे ही। लेकिन यार वो ऐसी करके प्रोग्राम करना पड़ता है। मुझे 15 साल के बाद पता चला, मैं एक ट्रेनिंग में बैठा हुआ था ब्रॉडकास्टिंग की, उन्होंने कहा कि अल्लाह उनको और तरक्की दे, उन्होंने बहुत नाम कमाया, उन्होंने न्यूज कास्टर है, उन्होंने कहा कि आधी कुर्सी पे बैठना है आपने, तो हमें प्रोग्राम करके हमें पूरी कुर्सी नसीब ही नहीं हुई, तो भाई एनर्जी लेने के लिए ये खड़ा क्यों हो जाता है यार, वो आदि को भी छोड़ गए। अच्छा ये सवाल मुझसे एक बंदे ने किया जब उसने कहा जी ये क्या सीन क्या है, मैंने कहा जी मैं अपने प्रोग्राम का खुद मजा लेता हूँ। यस yes, मतलब एक yes. सवाल ये था बेसिकली, सवाल जो मुझसे हुआ कि आप कब तक रेडियो करेंगे। यस yes. तो मैंने उन्हें कहा जिस दिन तक मैं अपने रेडियो शो का खुद मजा लूंगा, ये बात है, जिस दिन मैं बोर हो गया उस दिन मैं रेडियो छोड़ दूंगा। जिस दिन आपको लगे कि आपका प्रोग्राम अच्छा है उस दिन वाकई अच्छा है, और जिस दिन आप मुतमईन ना हो, चाहे एक कॉल भी ना आए और आप मुतमईन हो तो उस दिन अच्छा है, और जिस दिन आप खुद मुतमईन ना हो, बेशक ये ब्लिंक करती रहे लाइटें, आपको मजा नहीं आता प्रोग्राम करने का। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि लोग भी रिस्पॉन्स अच्छा करते हैं जब आपकी एनर्जी अच्छी होती है, जब आप लोगों से बड़े एनर्जेटिक वे में बात कर रहे होते हैं तो लोग भी फिर उसी तरह आते हैं। मैंने देखा है कि जब आप बैठ के प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो लोगों का टेम्पो भी डिफरेंट होता है, लेकिन जब आप उनसे उसी अंदाज में बात कर रहे होते हैं। ये मैंने 2017 में फिल्म आने से पहले ये काम शुरू किया। नहीं यार ये तो आपने अजीब सी बात कर दी, कल को आप अपने कॉलर को कहेंगे मैं खड़े होकर प्रोग्राम करता हूँ तो आप खड़े होकर प्रोग्राम सुने यार, आप एनर्जी ज्यादा आएगी, आप तो रात को 12 से 2 बजे प्रोग्राम करते हैं, आपको गुंचा शौक नहीं है, आप तो सबको खड़ा कर देंगे, लोग लेते हुए होते हैं यार, आप तो शुक्र है आप जो है ना गुंचा शौक में नहीं है यार, आप शायर आदमी। अच्छा, आप तो लोगों को सोते में कहने खड़े हो जाओ।
सर मजे की बात यह है कि गुंचा शो करने से मुझे डर लगता है। ये मैं आज आप क्योंकि इंटरव्यू कर रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ मैं। मतलब एक वाहिद प्रोग्राम है गुंचा शो जो कि मुझे करते हुए डर लगता है अभी भी। हालांकि मैं शायर हूँ, मैं दो घंटे खुद भी अपनी लिखी पढ़ सकता हूँ, लेकिन मुझे आज भी वो प्रोग्राम भारी लगता है अपने पे। वो बड़ा अदब का प्रोग्राम है, बड़े अदब वाले लोगों का प्रोग्राम है, मैंने उसमें बड़ी बड़ी आवाजें सुनी है। अहमद बिलाल का बहुत नाम था 101 इंटरनेशनल में और माशाल्लाह वो बहुत अच्छा प्रोग्राम करते थे। अपने दौर के हेड डीजे भी हैं और उनको मोस्ट पॉपुलर डीजे का अवार्ड भी मिला हुआ है। तो नासिर की और अहमद बिलाल की जब ये सारी टीम में मैं आया तो उस वक्त सिफारिशें भी होती है ना। हाँ। सिफारिशें हमारी क्या होनी है, हमने शेख साहब को रिक्वेस्ट कर देना है या सैयद सलमान उल मौजम को रिक्वेस्ट कर देना है, आपने मैडम के पास चले जाना है, आपके मुझे चाहिए, मुझे प्रोग्राम चाहिए। तो अहमद बिलाल साहब बहुत रिक्वेस्ट करते थे और हम कहते कि यार इतना हिट प्रोग्राम करते हो 12 से 2 का, तुम्हें गुंचा शौक करने की क्या जरूरत है। बहरहाल उन्होंने एक बहुत बड़ी शायरा से कोई बड़ी मिन्नत तरले करके प्रोग्राम जब उनको सैयद सलमान उल मौजम ने दिया तो अहमद बिलाल ने पहले 10 मिनट में ही अनाउंस किया कि मेरी मदर कहती हैं कि असल प्रोग्राम जो है वो 2 से 4 का होता है। हाँ, जब लोग सो रहे होते हैं और आपने उनको जगा के रखना है, दो से चार का प्रोग्राम होता है, ये है प्रोग्राम, 12 से 2 में तो तुम करते क्या हो। हाँ। तो कहते हैं आज अहमद बिलाल ने कहा कि आज मैं मुतमिन हूँ कि मैं आज 2 से 4 का प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो बात कहाँ से शुरू हुई थी, आपके आप प्रोग्राम की बात कर खड़ा होकर प्रोग्राम कर खड़े होकर प्रोग्राम। हाँ जी, ये 3 साल हो गए इसको सजात भाई, और मैं अब जब तक मैं FM करूंगा रेडियो करूंगा खड़े होकर तो मैं खड़ा होकर करूंगा। मैं जिस दिन मुझे अवार्ड मिला था उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया था। जैसे आप भी, मुझे एक आदत बड़ी अच्छी लगती है, मतलब मैं अगर रेडियो में देखूं सभी आरजेस से मेरी मुलाकात है, सभी तकरीबन मेरे दोस्त भी हैं। मेरा ख्याल है मैं वो वाहिद एक बीच में ऐसा बंदा हूं जिसकी सबके साथ ही दोस्ती है। आप कभी भी स्टूडियो में चप्पल लेके नहीं आए, आज तक सजाद भाई को मैंने चप्पल पहने वो स्टूडियो में आते नहीं देखा, क्यों सजाद भाई? दरवाजे से बाहर। यार ये तो आपने मेरा इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, आप ये देखें, आपकी एक अनोखी आदत है और ये मेरी भी अनोखी है, तो कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना। नहीं, ये इसको मैं आपको सच्ची बात बता दूं कि इसका कॉन्सेप्ट जो है ना मैंने इसलिए लिया, और ये वैसे ऑन एयर बताने वाली बात भी नहीं है कि जब आप लोगों को बताएंगे जब मैं आता हूँ तो मैं कोई वजू करके आता हूँ या जो, ये सारी चीजें बताने वाली नहीं होती हैं, ये मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान है। लेकिन बहरहाल जूतियों की जो बात है, हमने ये देखा कि यार जो बड़े बड़े लोग होते थे ना पहले, वो अपने बिजनेस में वो उस जगह से जहाँ पे उनका रिस्क रोटी, और रिस्क रोटी का एक कमाल होता है, रिस्क रोटी का ये कमाल है कि एक प्रोफेशन वो रिस्क जो है वो मेरे हिस्से में लिख दिया गया है, और मैं एक रिस्क अल्लाह ताला से मांगता हूँ कि जो मैंने मेरे हिस्से में रिस्क है वो आप मुझे इस फील्ड से दे दें। आपने मुझे अगर कामयाब करना है, शोहरत करनी है, तो आप मुझे बिजनेसमैन में उतनी शोहरत ना दें, आप मुझे इसमें दे दें। ये रिक्वेस्ट होती है ना अल्लाह ताला से। हाँ, ऐसे ही। तो उस जगह से जहाँ पे बैठते हैं, जिस हट्टी में, जिस दुकान में, जिस ऑफिस में, जिस जगह, वहां पे आप पाक साफ होके जाते हैं और जूतियों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता वहाँ पे। ऐसे ही है ना। तो मैं इस कॉन्सेप्ट से, और आप बुरी बात भी नहीं कर सकते, माइक ऑफ होते हैं हम ऑफ, फिर हम इस बिल्डिंग के बाहर ना जाने हम कितनी ऑल फॉल बातें करते होंगे, लेकिन बिल्डिंग और स्टूडियोज एक डिफरेंट जगह है। हमारी आवाज जा रही है ना यार, अल्लाह ताला का देना है, अल्लाह ताला ने दी है। हमारे से कितनी अच्छी आवाजें लोगों के पास हैं और उनको माइक भी नहीं मिलता, ऐसे प्रोग्राम भी नहीं मिलते, ऐसी मैनेजमेंट नहीं मिलती और ऐसा स्टेट रेडियो भी नहीं मिलता। ऐसे ही जहाँ पे आप चले जाएं किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी ऑफिसर के पास, शेख साहब से बात करनी है तो आपने ऐसे बात करनी है जैसे दोस्त से बात करने, खवातीन से बात करनी है तो बहुत फ्रैंक होके बात करनी है। आज 14-15 साल हो गए, ऐसे ही है ना, फैमिली मेंबर की तरह। और सजाद भी, अगर आपकी इजाजत हो तो एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। क्यों नहीं है, बैठा हुआ है, आप इंटरव्यू कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप इंटरव्यू कर लें यार, इसमें क्या? एक सवाल की इजाजत चाहता हूँ। इसका जो इंटरव्यू है मैंने और आपने इकट्ठा लेना है, ये सीरियस हो गया, लोग जरा सर 4 बजे के बाद ले रहे हैं। पूछे सर, मैं ना ही समझा। जी जी, जावेद साहब, नहीं आप इतना सा एक, नहीं ऐसी बात भी नहीं यार, आप ब्लॉगर हैं यार। यहाँ पर भी जावेद खान के पास भी सवाल है जी लोगों के लिए जी। और मैं मानी भाई से जानना चाहूंगा कि माशाल्लाह इन्होंने स्ट्रगल तो रेडियो की और यहाँ तक
जो फिल्म का है, बाकी जो बिजनेस का है, जितनी स्ट्रगल है हम सबके सामने ही है, इस्लामाबाद में आए और किस तरह ने स्ट्रगल की, मैं भी जानना चाहूंगा और तमाम तरुण के फैन जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं वो भी डेफिनेटली जानना चाहेंगे। पर्सनल लाइफ के हवाले से सवाल है, माइंड ना कीजिए। जी जी आए आए, खुल के आए। इजाजत है, आज मैं सीट पे बैठा हूँ, जवाब दूंगा। मुझे समझ आ गई, क्योंकि ये सवाल हमेशा हर पर्सनालिटी जो सेलिब्रिटीज होती है उससे किया जाता है। सवाल पूछे मैं, वरना मैं पूछ लेता हूँ यार। किया जाता है उनसे शोहरत की बुलंदियों को छूते हुए या उसके करीब या छू कर जब उस पोजिशन में होते हैं तो एक सवाल उनसे पूछा जाता है, किया जाता है, कि आप शादी कब करेंगे यार। इसको आप रिफ्रेश कर लें जी। यार माने कोई शादी करना से तैयार नहीं है या कोई क्यों नहीं कर रहे हैं शादी यार? नहीं अच्छा, शादी पे ना आप शादी कब कर रहे हैं सजाद भाई? मैं शादी के बारे में, अगर तो वालिद वालदा जिंदा होते और मेरी फिल्म लग गई होती तो मुझे लगता था फौरन बाद मेरी शादी हो जानी थी। ठीक। लेकिन उसके बीच में जब वो चले गए इस दुनिया से, तो फिर अब सच्ची बात बताऊं कि इतना काम है लाइफ में कि इस तरफ देखने को अब मतलब पीछे मुड़ के, वो किसी ने कहा ना, रास्ता जब लंबा है, सफर लंबा सोच लिया तो अब पीछे इस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जाता। मतलब अभी मैं, बहुत सारे लोग मुझसे, हजारों लोगों ने ये सवाल किया, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ अगले साल, अगले साल, अगले साल। सो बस इतना है कि जिस दिन को पसंद आ गया उस दिन फिर हो सकता है एक हफ्ता ही हो। नहीं हाँ। देखिए ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो इनका अपना टाइम होता है। हाँ। लोग तो पूछते हैं, डेफिनेटली आपके कजन भी पूछते होंगे, फैमिली में भी पूछते होंगे, ऐसा ही है। तो ये वाला जो चैप्टर है जो आपने बड़े इजीली कह दिया, ये होना ऐसा ही चाहिए कि आप शादी के सिलसिले को अपने काम पे हावी मत होने दें। ये एक ऐसा अल्लाह ताला की तरफ से काम होता है कि इसकी आप डेट्स डिसाइड नहीं कर सकते। दोनों तरह से अल्लाह ताला की मसलियत होती है, बहुत जल्दी शादी हो गई तब भी ठीक है, देर से हो रही है तब भी ठीक है, हुई ना हुई वो भी ठीक है। तो ये एक ऐसी बात होती है कि ये अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। एनीहाउ जावेद साहब, जावेद खान आपको पठाना जवाब मिल गया आपको? जी बिल्कुल, और इंशाल्लाह सर सजाद भाई कोशिश है, थैंक यू, जल्द 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 इस तरफ आ जाऊं और दुआ करें कि कोई भाभी आपकी मिल जाए मुझे। तो दुआएं तो आपके पास 25 आवर्स है। हां 25 जी सजाद यार, ये जो इतनी सारी हमने बातें की हैं, प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की है, बिजनेस के बारे में बात की है, किताब के बारे में बात की है, फिल्म के बारे में बात की है, ये ऐसी कोई 10 सेकंड में मुझे बता दें कि एक्सपेक्टेडली किताब कब आ जाएगी मार्केट में? सर किताब इंशाल्लाह सितंबर तक, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तो फिल्म इंशाल्लाह दिसंबर में मिलेगी स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि अभी खुलने में पाकिस्तान टाइम लगेगा, दिसंबर में इंशाल्लाह या फिर 2021 जैन में रिलीज करेंगे। जो बिजनेस के हवाले से जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जी, आइदर दे आर व्हाट टाइप ऑफ, ये प्रोडक्शन के? जी जी फिल्म प्रोडक्शन, मैं जाती तौर पर फिल्म प्रोडक्शन की तरफ आ गया। अच्छा। हाँ जी, और सोच रहे हैं आगे फ्यूचर में कि अपनी मूवीज इस्लामाबाद से की जाएं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको चांस दिया जाए, यहाँ के लोगों को स्टार बनाया जाए। तो मैंने क्योंकि कराची में भी काम किया, लाहौर में भी काम किया, अभी क्योंकि हम सुने भी जा रहे हैं, बहुत सारे मेरे इंडस्ट्री के लोग भी मेरा प्रोग्राम सुनते हैं, तो इंशाल्लाह वी आर द कैपिटल, हम पाकिस्तान का कैपिटल है, इस्लामाबाद है, सो हमारे पास भी चांस आना चाहिए। लाहौर ने भी टाइम ले लिया, कराची ने भी टाइम ले लिया, अब सोच है कि इस्लामाबाद में भी काम हो। किताब आपकी दिसंबर में आ रही है और सितंबर में? सर सितंबर में जी। और क्या आपने उसका नाम अनाउंस करना है या आपने नाम अनाउंस करना है ऑन एयर अभी या आप सरप्राइज रखना चाह रहे हैं? सर किताब का नाम बहुत सारे लोगों को वैसे भी पता है, तुम मेरे होना, ये मेरी किताब का नाम है। हाय ये पैगाम भी है, तुम मेरे होना। सर इसके आगे सवालिया निशान भी है? नहीं आप सवालिया निशान ना डालें। अहमद फराज का, अहमद फराज साहब की एक किताब थी ख्वाबे गुल परेशान के बाद एक किताब आई थी जिसके हवाले से हमने गजल बहाना करूं, गजल बहाना करूं एक किताब आई और हमने अपना प्रोग्राम का नाम गुंजा शौक उठा के ये फैसला किया, सलमान साहब ने, सैयद सलमानुल मौज़म साहब ने ये फैसला किया कि भई अब गजल बहाना करूं के नाम से शायरी का प्रोग्राम होगा। तो हम उस वक्त, हम अभी भी वैसे ही हैं यार, हमें तो पता ही नहीं है, अभी भी उर्दू सीखते हैं। तो मैंने किसी बड़े आदमी से पूछा, मैंने कहा यार ये क्या है लिखा है गजल बहाना करूं, ये तीन अलग अलग नाम है। तो उन्होंने कहा ये जू मैनी बात है भाई, देखें आप गजल बहाना करूं
और गजल बहा ना करूं, ये अहमद फराज साहब से जाके पूछें। तो अहमद फराज साहब ने भी यही कहा कि आप इसको जिस तरह मर्जी पढ़ सकते हैं। तो मानी ने क्या कहा कि किताब क्या है, तुम मेरे होना, तुम मेरे होना, ये सवाल पूछ भी रहे है, तुम मेरे होना तुम मेरे होना। और ये जो है ना वो महफिल में सबसे पीछे बैठे हो तो उनकी ऐसी आवाज़ इशारे से ये भी मतलब है कि तुम मेरे होना। तो बहरहाल यार नेक तमन्ना है, वो बातें अलग हैं कि इस वायरस की वजह से माइट बी पॉसिबल कि ये जो कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन का जो प्रोजेक्ट्स हैं माइट बी थोड़े से डिले हो सकते हैं, थोड़ा सा टाइम ले, लेकिन किताब सितंबर में आ रही है इंशाल्लाह, तुम मेरे होना जी। और सितंबर किताब से आगे पीछे ही पता चल जाएगा कौन आपका हुआ। मुझे लग रहा है आपको है। तो इसका कंक्लूजन पता क्या मानी जी, इसका कंक्लूजन ये है कि आपने अल्लाह ताला की इस्तताद की बात की थी, किसी ने पूछा हाथी से, हाथी के हवाले से किसी ने पूछा कि यार ये हाथी के इतने बड़े बड़े कान क्यों होते हैं, तो उसने जवाब में वो मुस्कुरा दिया, उसने कहा यार मुझे क्या पता, हाथी के कुदरती बात है, हाथी के बड़े बड़े कान क्यों होते हैं। उसने कहा नहीं बेटा ये बात ये है कि हाथी के बड़े कान इसलिए होते हैं कि ये आप इसको कभी ऑब्जर्व करें तो ये पीछे की तरफ देख रहा होता है, ऐसे आंखें घुमाता है, तो इसको पता नहीं चलता है, ये हमेशा जो है यही समझता रहता है कि मैं बस सूंड से शुरू होता हूँ और यहाँ तक खत्म और कानों तक खत्म। हाथी को कभी नहीं पता चलता सारी जिंदगी में कि मेरे पास कितना बड़ा जिस्म है, और अगर हाथी को पता चल जाए कि वो कितने बड़े जिस्म का मालिक है तो वो दुनिया को नेस्तो नाबूद कर दे। क्योंकि बेटा इंसान का भी हाथी वाला हिसाब है कि उसको पता नहीं चलता कि वो क्या कुछ कर सकता है ऐसे ही, और अगर वो ये तय कर ले कि मैंने ये करना है तो अल्लाह ताला की सिफत है कि वो उसे करवा देता है ऐसे ही है। और सजाद भाई एक बड़ी खास चीज जो कि मैं लोगों को भी बताना चाहता हूँ, लिसनर्स मेरे सुन रहे हैं, कि मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि मुझे 15 मिनट का फेम ना मिले। मतलब मैं बहुत सारे लोग कहते हैं जी क्लिक चाहिए क्लिक चाहिए क्लिक चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ मेहनत कर लो, जितनी मजे की बेस बना लोगे ना उसके ऊपर बिल्डिंग जितनी मर्जी बड़ी बना लो, जो लोग 15 मिनट का फेम लेते हैं वो साल दो साल में गायब हो जाते हैं पर्दा स्क्रीन से, वो कभी भी दौर नहीं देख सकते, वो वक्त देखते हैं, और वक्त देखने वाले लोग बड़े देखे हैं मैंने, लेकिन वक्त लोग वही होते हैं जिनका दौर आता है। मेरा ख्याल है सुनने वाले लोग जितने भी सुन रहे हैं उसमें यंग जनरेशन बहुत है, मेरा ख्याल 40% लोगों को पता ही नहीं होगा कि मेहदी हसन जनाब ने पहली पब्लिक परफॉर्मेंस 40 साल में दी थी, 40 years of his life, 40th year of his life, उन्होंने पहली पब्लिक परफॉर्मेंस दी थी, और 40 साल तक वो जो भी काम करते रहे, गाड़ियों का मजदूरी जो भी काम करते रहे, वो उसमें रियाज करते रहे, और उनको दुनिया कहती थी यार अब तो 40 साल के जो लोग होते हैं वो तो वो कहते हैं इंडस्ट्री से भाई आपके जाने का टाइम है। तो पहली पब्लिक परफॉर्मेंस वो भी पब्लिक में, वो टीवी में नहीं, टीवी में पब्लिक परफॉर्मेंस, फिल्म में नहीं, किसी नहीं नहीं, नहीं। पहली पब्लिक परफॉर्मेंस, उन्होंने कहा यार ये आदमी है ये गजल गायक है, तो उन्होंने कहा जी आप गाएं, तो उन्होंने गजल पढ़ी 40 साल में, और फिर अगले 20 साल गजल ही गाई। हाँ ब्रुनाई का जो बादशाह था वो उनको साल में एक दफा मेडिसन साहब को कहता था कि आपने 10 दिन एक साल में देने मुझे अपने स्केड्यूल में से टाइम निकाल के दिएगा, तो वो बड़ी मुश्किल से अपने स्केड्यूल में से 10 दिन देते थे पूरी टीम के साथ और तमाम इक्विपमेंट के साथ, और वो उनका शाही मेहमान होते थे और वो गजलें सुनते थे, और 10 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते थे वो। तो बात जो होती है कि अगर आदमी ने अब सोच दिया कि ये मैंने करना है तो फिर कोई भी जो अगर कोई चीज बीच में आती है तो वो आपकी अपनी एहसास से कमतरी है। गजल का नाम यस उनको किताब जो दिया गया, अगर इस चीज में कोई आप काम नहीं कर सकते और वो काम टारगेट पूरा नहीं कर सक रहे तो इसमें किसी और का कसूर नहीं है, आप अपनी पर्सनालिटी के शॉर्ट फॉल्स ढूंढे उसके ऊपर काम करें। वैसे एक बात है सजाद भाई, इंसान का जो अपना नफ्स, इंसान जो खुद है, यस यस यही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मैं बताना चाह रहा हूँ ऑन एयर लोगों को भी कि आप मतलब आपके अंदर से वही हजारों नुक्स निकाल के आपके सामने रख देता है कि आप इस काबिल नहीं है, आप ये कर नहीं सकते। तो अपने उस नफ्स पे पहले कंट्रोल कीजिए कि उसको बताइए कि हाँ मैं कुछ हूँ,
जब खुद को आप साबित कर लेंगे कि मैं कुछ हूँ, तो फिर आप दुनिया को भी साबित कर सकते हैं ना। और कामयाबी के लिए हमेशा दो, मुझे लगता है दो स्टेप होते हैं कामयाबी के। पहला स्टेप खुद को जानना कि आप क्या है, और दूसरा स्टेप उस दुनिया को बताना कि मैं क्या हूँ। यार मैं दो महीने से, मेरा ख्याल है कि जब मैंने पहला प्रोग्राम किया था तो लोगों को बहुत एतराज हुआ था कि दुनिया वायरस के बारे में क्या कह रही है, और सजाद खान कह रहा है कि ये इसको पॉजिटिव लें और ये बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। मैंने इन दो महीनों में ये सोचा है, और मुझे टाइम मिला जब सोचने के बारे में। जब टाइम तब मिलता है जब आप अपने आप को टाइम देते हैं ना, exactly. वॉक शॉक पे जाते हैं, ट्रैक पे जाते हैं, आप अकेला अपने आप को टाइम देते हैं, तब आपको सवाल जवाब मिलते हैं ना। ऐसे ही मैंने तो अभी आज सोचा है कि भाई मैं तो, मेरे में इतनी गलतियां हैं, मैं अपनी एक छोटी सी गलती को भी अभी ठीक करने की कोशिश करूं तो वो भी 5-6 महीने लेगी, अगर एक्सरसाइज करूं उसके ऊपर, रोज काम करूं तो। मैं लोगों में से इतनी गलतियां निकालता हूं यार, मेरे में अपनी जावेद खान इतनी गलती है, तो लोगों के पास इतना वक्त कहां से आ जाता है कि वो दूसरे लोगों के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने में लग जाते हैं। अगर आप अपने ऊपर काम करें, वही काम है। ऐसा ही है, और बिल्कुल ऐसा ही जारी रखें, खुद पे मेहनत, खुद पे मेहनत यार, हमारी अपनी इतनी। अच्छा, वैसे एक बात है सजाद भाई, हम लोग बाकी लोग जो होते हैं घर के, मेहनत करके उन पे काम कर रहे होते हैं, हम में सबसे बड़ा जो मसला है ना, वो हम खुद पे इन्वेस्ट नहीं करते, खुद को प्रोडक्ट बनाने की कोशिश नहीं करते। प्रॉब्लम यही है, अगर मैंने गलती निकालनी है तो मैंने आप से निकालनी है। हाँ। आपकी आवाज में से निकालूंगा, आपके प्रोग्राम में से निकालूंगा, आपकी पर्सनैलिटी में से निकालूंगा। अच्छा, मेरा यही काम है कि मैं आपकी पर्सनैलिटी में से गलतियां निकालता रहूं। यार मैंने कभी घर जाके सोचा कि यार मेरी आवाज कैसी है, मैं कैसा प्रोग्राम करता हूं, मैं कैसे चलता हूं, मैं कैसे कपड़े पहनता हूं, मेरे में क्या गलती है? कभी शीशे के सामने खड़े होके वो कहते हैं कि व्हाट इज करैक्टर, तो जवाब मिला कि कैरेक्टर इज व्हाट यू आर इन द डार्क। मैं तो तब तो नहीं, मैं अच्छा हो जाता ना कि अगर मानी और जावेद खान मुझे कहते हैं सजाद भाई आप बहुत अच्छे हैं। यार मैं अकेले में बैठ के खुद से पूछूंगा कि मैं अच्छा हूं, तो मुझे पता चल जाएगा अंदर, मैं कितना अंदर, अच्छा अंदर से कौन सा जवाब आता है। हाँ, कि मैं खुद, मैं यहां से आप मेरी तारीफें कर रहे हैं, मैं वहां पे जाके नींद की गोलियां 4 खा रहा हूं, तो यार फिर तो मैं अच्छा नहीं हूं ना। अगर मैं सो नहीं सकता खुद, बगैर गोली के मैं सो नहीं सकता, तो मैं कैसे अच्छा हो गया यार। और मैं सो के जिस अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी और मौत दी, देनी है और जिंदगी दी, इतनी बड़ी नेमत दी, जब मैं सुबह उठ के उसी का शुक्र नहीं अदा करूंगा, नमाज फजर की नहीं पढ़ूंगा, अगर मैं नमाज पढ़ने का आदि नहीं हूं, अपनी आदत नहीं ढालूंगा और उठ के अल्लाह ताला का शुक्र नहीं करूंगा, वो दुआ अगर नहीं मुझे पता अरबी में, तो मैं उर्दू में ही पढ़ के सोचूंगा यार मैं तेरे ही हुक्म से मरता हूँ और तेरे ही हुक्म से सुबह उठूंगा और जिंदा होऊंगा। ऐसे ही, तो जब मैं उसका नहीं शुक्र कर सकता तो मैं कैसे अच्छा हूँ यार। आप जितनी मर्जी तारीफ कर ले मेरी, तो झूठ है ना, ये मुनाफकत है। ये जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है ना, ये बहुत बड़ी चीज होती है, ये जब इंसान पे आता है तो उसके चेहरे पे भी दिखती है, उसकी आंखों में दिखती है। बिल्कुल ऐसे ही जी जावेद, अगर आपकी इजाजत हो तो। मैंने आपको रोका हुआ यार, मैंने देखिए आप बड़े हो यार। नहीं, मैं बड़ा होने का क्या मतलब है, इजाजत कुछ जुर्म हो गया यार, मैं बड़ा कितना बड़ा हूँ यार, तुम्हारे सारों ने बड़ा बड़ा तो दो, एक, दो एक साल बड़े ज्यादा ही। दूसरे सवाल की इजाजत जी जी ले लीजिए, इसके पास पहला सवाल भी गलत था, शादी वाला, अभी दूसरा देखते हैं। गलत ऐसे तो ना, नहीं ऐसे तो ना सर, मोहब्बत है ना आपकी, आपको भी पता है सर, मेरी शादी पे आपको बहुत बेले करवानी है, इसलिए पैसे से इकट्ठे कर लो। तू उन्होंने दादे लोगों ने तू गया नहीं करना फिर। मैं नचूंगा अभी तो सर। अभी तो आप ये, अच्छा चले यार। यार जावेद खान, आपने शादी कब करनी है? इंशाल्लाह बहुत जल्द, पहले बड़े कर लें फिर छोटे कर लें। क्या मानो, मैं 2000 में यूएई से वापस आया, जॉब शॉप ऑयल कंपनी खत्म हो गए, 2000 में मेरी शादी हुई, वो ऑयल कंपनी की वैसे हो गई थी, वो खत्म हो गई, कंपनी खत्म हो गई, शादी बच गई। वो शादी वो जॉब ही इसी काम के लिए। अच्छा, वो एक ही शादी बची। अच्छा, तो वो अभी तक है। अल्लाह सलामत तो रखे। मैं जब यहाँ पे आया तो मैं मैरिड था, तो बाकी लड़के जो है ना वो अनमैरिड थे, वो बाद में पता चला। अब जब मैं बात करता हूँ लड़कों से, वो कहते हैं यार शादी मुझे 13 साल हो गए, शादी मुझे 14 साल हो गए, शादी 10 यार
आपको ये कोई बिल्डिंग शादियां रोकने वाली है या नहीं? नहीं, बहुत सारी शादियां हुई भी है। हाँ, बहुत सारे लोगों के दो दो भी हुई है। नहीं, लोगों दो के फैन पेज पे, सजाद भाई इतने खुशकिस्मत लोग हैं, लोग इनके फैन पेज पे लोग शादियां कर चुके हैं। नहीं वो तो नहीं, ये बात हकीकत है, ये बात मुझे बड़ी खुशी भी होती है। मैं लोग किसी की शादी अटेंड नहीं कर सका, मुझे बहुत सारे इन्विटेशन भी थे और ये लोगों को मुझसे गिला भी रहता है कि इवेंट्स पे नहीं आता या शादियों पे नहीं आता या कुछ नहीं। तो मुझे लगता है सजाद भाई जितना मजा मुझे अकेले रह के आता है ना, अगर मुझसे कोई बंदा ये पूछे ना कि आप कहाँ पे, मतलब मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, मैं दुनिया से भाग जाता हूँ। मतलब मैं लोग शोर में गैदरिंग में बहुत कम जाता हूँ और लोग मुझे कहते हैं सोशल नहीं है इतना। तो मुझे लगता है मुझे अगर आपके पास टैलेंट हो तो आपको सोशल होने की जरूरत नहीं है। अगर आप में टैलेंट नहीं है फिर आप सोशल होए, फिर आप अपने लिए मौके देखें। अगर आप में कुछ है तो आप फिर बैठ जाएं। चले अपने, कोरोना ने ना ये काम बड़ा मेरा आसान कर दिया। मेरे पे ये टॉन्ट था कि मैं हर चौबीस घंटे में 4 घंटे के लिए ऑफ हो जाता हूँ, 3 घंटे के लिए, 2.5 से 3 घंटे के लिए ऑफ हो जाता हूँ। हर रोज ही ऑफ हो जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ ट्रैक श्रैक के ऊपर। तो मेरी आदत जो है ना, वो बहुत सारे मेरे घर वालों ने कहा यार ये मेंटल सिकनेस है कि यार रोज ही गायब हो जाना है। अब जो है ना सारी दुनिया कहती नहीं यार वॉक करनी चाहिए, तो यार ये बहुत अच्छी बात है। चले जी, तो आप भी गायब हो जाते हैं कभी कभी? जावेद खान सर, जब थक जाता हूँ फिर गायब हो जाता हूँ, मोबाइल ऑफ कर देता हूँ दुनिया से कुछ 2 दिन 3 दिन। कई दफा ऐसा भी हुआ कि 15 दिन भी मैं दुनिया से रब्ते में नहीं रहा, मैं नॉर्दर्न एरियाज में चला गया, बस वहाँ पे जाके रूम लिया, मोबाइल ऑफ किया। अच्छी बात होती यार सर, कुछ टाइम खुद के साथ गुजारने को दिल करता है इंसान का। ये आप में ये आदत है और एक हमारा काशिफ अनवर है जो आजकल टीवी पे माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। लिखते भी बहुत अच्छा है। नहीं लिखते तो वो जब यहाँ पे प्रोग्राम करते थे तो मैंने वो काशिफ अनवर ही बताया गया। वो जब पहली दफा कराची से वापस आया तो मैं कहा यार एक्टिंग करो, तुमने कहा नहीं साहब जी मैंने एक्टिंग नहीं करनी, वो लिखने में था। तो मैंने कहा यार आप तुमने जिद करनी है मीडिया में जाके, तो मैं उसको ऐसी हम तो ऐसी बात करते हैं, तो मैं उसको कहता यार जिद तो नहीं करनी ना, प्रोफेशन है, अब एक इंडस्ट्री है उसमें फिल्म मिलती है कुछ भी मिलता है, आपने करनी है। आप यहाँ से इस्लामाबाद से गए हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने अगर मेरी बात नहीं मानी तो किसी की तो मानी, हुआ एक्टिंग में नजर आ रहा है। उससे ये बात मैंने सुनी थी कि जब मुझे लिखना पड़ता है तो मैं गाड़ी लेके नॉर्दर्न एरियाज में इधर उधर चला। काशिफ अनवर से मेरी मुलाकात कुछ टाइम पहले F10 में हुई, तो वो भी अकेला ही बैठा हुआ था वहाँ पे और बैठ के कुछ लिख ही रहा था, वो जो चाय वाली जगह है वहाँ पे। अच्छा, तो मैं अचानक मैंने क्योंकि गाड़ी की हेडलाइट्स मैंने देख लिया काशिफ अनवर, हमने तो शुरू में देखा 2011-12-13 में काशिफ को देखा था। तो हम तब दिन को प्रोग्राम करते थे, कभी कभी शेख साहब हमें शाम को बैठने का मौका देते थे और सिर्फ बैठने का मौका देते थे, बोलने का मौका नहीं। सर हुक्म करे आपके पास क्या? ये इसी बात से इसने भी ऐसे किया ना, काशिफ अनवर को देखा, आपको देखा, ये भी मुझे इशारे के ऊपर जो है ना वो कोई एक्सरसाइज करते हुए नजर, मैं क्या कह रहा है ये मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, इशारे पे खड़ा होकर लिख रहा था। इशारों में बहुत खड़ा हो जाता है। इसने बेसिकली लिख नहीं रहा था, वो इसने एक्सरे दिखा के दिल सुराख है सर, पैसे मांग रहा था। नहीं आपने क्या समझा, सिग्नल? नहीं सिग्नल नहीं, ये जो मर्जी इसको इशारा करे वही खड़ा हो जाता है, हर इशारे पे खड़ा, हर किसी के इशारे पे खड़ा हो जाता है। जी जी, बहुत शुक्रिया सजाद जी, आपकी हौसला अफजाई की, आप लोगों की मोहब्बत है। मैंने हौसला अफजाई नहीं की, यहाँ तक जो मैं पहुंचा हूँ। अच्छा, उसके लिए महाराज जी मानी भाई से जानना चाहूंगा, क्योंकि याद इतना स्ट्रगल रोड आउट मेहनत हम सभी करते हैं हर फील्ड में, सब करनी पड़ती है और अच्छी बात है। बहुत एक मौके जो हमें मिलते हैं सबको, तो यहाँ तक पहुँचने में फिल्म की बात करें, रेडियो की बात करें, शायरी की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो आप जिस मुकाम पर हैं यहाँ तक पहुँचने में किन लोगों का शुक्रिया अदा करें, किन लोगों का हाथ साथ था जिन्होंने आप? अच्छा, सबसे पहले तो मैं अगर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तो मैं अल्लाह ताला का करना चाहूँगा, उसके बाद मेरे माँ बाप, और अगर रेडियो की बात की जाए तो शेख साहब जिन्होंने मुझे चांस दिया, मैं ये एहसान उनका कभी नहीं उतार सकता कि तब मुझे नहीं लगता कि जब उन्होंने मुझे देखा था मैं इस काबिल था कि मुझे रखा जाए, लेकिन उन्होंने रख लिया, उनकी नजर थी, ठीक है। फिर मैम सदफ, उन्होंने पॉलिश किया। और अगर फिल्म की बात करूं तो मुझे अमाद अजहर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने मुझ में कुछ देखा तो मुझे चांस दे दिया। और अगर एक बड़ी बात सजाद भाई आप मुंह पे हैं, मैं पीछे भी ये बात कोट कर चुका हूं कि याद है आपको एक मीटिंग में हमारी मुलाकात हुई थी, मैं थोड़ा डिप्रेस था तब, हालांकि मुझे अवार्ड मिला था उस साल में। तो कुछ सीनियर आरजेस थे जो कि मुझ में तनकीद कर रहे थे कि ये प्रोग्राम ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। तो आपने एक बात बोली थी वहां पे मुझे, उसके लिए मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उस दिन मेरा बड़ा हौसला बढ़ गया, आपने मुझे बोला था कि मानी तेरा हिट प्रोग्राम है,
ये 10,000 भी नुक्स निकाले ना तो इनकी नहीं सुननी, तू जो कर रहा है तू करता रहा। तो वो बात मेरे दिल में रह गई, आप तो चले गए बट वो बात मेरे दिल में रह गई। उसके बाद मैंने अपने प्रोग्राम के बारे में कभी किसी से नहीं पूछा, तो फिर आपका भी शुक्रिया मैं अदा करना चाहूंगा। और आगे इसी तरह बहुत सारे मीडिया, शफकत चीमा साहब, शफकत चीमा साहब उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे बेटा बनाया, लेकिन उनसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। तो इंडस्ट्री के बहुत बड़ा नाम है, नदीम बेग साहब है उनके साथ टाइम मेरा गुजरा, फरहान अली आगा साहब, सुहेल समीर साहब, तो बड़े नाम है जिनके साथ टाइम गुजरा, उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन अगर इस सारी चीज को इकट्ठा किया जाए तो मेरे रब का बहुत शुक्रिया, ये बाकी सारी चीजें सेकंड है। यस, मेरे रब का करम है। देखे ना, मुझे आखिरी मीटिंग याद है, इसको 3 मिनट में यार, अगर सीरियस बात नहीं हो रही तो इसको क्लोज कर दें, क्योंकि माइट भी लोग क्या कह रहे होंगे यार हम कुछ सीरियस बातें करें। जी, अगर ऐसा नहीं है मेरी बातें, अगर सीरियस हैं तो आप इसको लाइटर नोट पे ले जाएं। सलमानुल मज़म की रिटायरमेंट का दिन था और उन्होंने कहा कि उन्होंने स्टार्ट यहाँ से किया कि सबसे पहले तो मुझे अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी सेहतमंद उम्र अता की। सबसे बड़ा शुक्र यह है कि अल्लाह ताला ने यार आपको सेहतमंद बनाया, आपको इस काबिल बनाया कि आप बोल सकते हैं। वही बात है ना, जुबान तो सबके पास है यार, ये अल्लाह ताला की करामत ही है। अल्लाह ताला लिख देता है तो रास्ते बनते चले जाते हैं, वो हुक्म हो जाता है, शेख साहब को भी, उनके भी जहन में आ जाता है, मैम के भी आ जाता है, डीजी के भी आ जाता है, सारे लोगों के आ जाता है, खुद ब खुद ही आवाज, रिस्क, रोटी का कुछ भी जरिया बनता है। अल्लाह ताला ने आपका रिस्क लिखा हुआ और वो रास्ते बनाता है। इस बात के ऊपर ये बात हमने पढ़ी भी और सुनी भी। देखें बहुत सारी बातें, आप शायरी की बात कर रहे थे, बिजनेसमैन भी हैं, जावेद खान भी चार जगह काम करता है, चार मुख्तलिफ शोबों में। बात यह है कि ये बातें हमने पढ़ी भी हैं, हमने सुनी भी हैं, लेकिन इसके ऊपर तवक्कल नहीं किया कभी। किताबें आप पढ़ लेते हैं, आपको करेक्टर आप छोटी उम्र में पढ़ लेते हैं, आपको किताब, मैंने किताब यूनिवर्सिटी लाइफ में लेट 90s में यूनिवर्सिटी लाइफ में मैंने पढ़ी थी ये सारी किताबें, गालिब को पढ़ा था, ये जो सारी किताबें इकबाल है गालिब पढ़ लिया यार, समझ नहीं आई, समझने में 10-15 साल लगे, टाइम लगता है, सदियां लगती हैं। वो लफ्ज तो बोलते चले जाते हैं। हाँ जी, खलील जिब्रान की किताब है जी, 12 साल पहले पढ़ा है वो, उसने ये लिखा था कि जी लफ्ज हैं वो तो दौरे माजी की इजाद है, वो आदतन और विरासतन हमारे होंठों के बीच में रख दिए गए हैं। वो भी पढ़ लिया, वो समझ जा नहीं, समझ बात नहीं आती। 1 अरब रुपए की बात कर दी थी। हाँ, वो सारी बातें ऐसी की से वासिफ अली वासिफ ने लिखा कि जी आपको जितने सर नजर आते हैं दुनिया में, जितने लोग हैं, जितने इंसान नजर आते हैं, उन सब की अपनी एक एक कहानी है। अभी किताबी बात ही वो समझ ही नहीं आई। ठीक है, उन्होंने एक जगह लिखा कि तकाबली जायजा लेना नाजायज है कि किसके पास कितनी दौलत है, किसके पास कितनी दौलत है। मोर को मोर का मुकद्दर मिला और कवे को कवे का, ऐसे ही। अच्छा, ये पढ़ लिया हमने। उन्होंने आखिर में लिखा कि हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से इस्तफसार किया एक दफा कि या अल्लाह तूने छिपकली क्यों बनाई, तो अल्लाह छिपकली क्यों बनाई, हजरत मूसा पूछते थे लाडले थे, तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला की तरफ से जवाब दिया कि या मूसा बड़ी अजीब बात है, अभी कुछ देर पहले छिपकली आई थी और वो मेरे से पूछती कि या अल्लाह तूने मूसा को क्यों करा। क्या बात है, क्या बात है। सजाद भाई, टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो ईद भी अलविदा हो गई आज, क्या कहना चाहेंगे आखिरी कोई पैगाम? यार कोई पैगाम नहीं है, ये जो आजकल वबा है और ऊपर से ईद हमने सादगी से मनाई, और ऐसी बात नहीं कि किसी के कहने के ऊपर सादगी से मनाई। बात यह है कि प्लेन क्रैश से पहले ही दिल क्रैश हुआ हुआ था। इंसानों को जब सोते में देखते हैं अपने से नहीं डर लगता, जब बच्चों को देखते हैं, माँ बाप को देखते हैं, तो सोते में उनके ऊपर नजर पड़ती है। जब गुड नाइट कहते हैं, बेटी को कहते हैं, बेटों को कहते हैं, सुबह उठ के वालदा के साथ जो भी बात होती है उनको देखते हैं तो डर लगता है। तो दिल तो पहले ही क्रैश था, पूरी इंसानियत पे कभी देखा नहीं, ना सुना कभी, ना हमारे बड़ों ने बताया। इतनी किताबें अगर नहीं भी पढ़ी तो किसी किताब में लिखा ही नहीं था कि यार ऐसा हो जाएगा कि 250 मुल्कों की दुनिया होगी और जो यहाँ काम है वहां पर न्यूजीलैंड में भी वही काम होगा, काम बंद हो जाएंगे। ये सारी अजीब बातें थी, ये लोग सोचते नहीं है, और सोचते क्या है कि जी कोरोना है कि नहीं,
سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا ہے اور زندگی کو جو ہے نا وہ ایک اوپن چیلنج آیا ہوا ہے, ایک اوپن کال ہے نا. تو ایسی تھا, عید بھی گزار لی. اب جو ہے نا وہ دل پریشان اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. لوگ سمجھ جائیں جیسے پہلے تین چار مہینے گزارے ہیں, کیا پتا یار کون فیوکوں کا مالک ہے وہ, کیا پتا کوئی ایسے پھونک مار دے. اور آہستہ کرتے کرتے جو ہے نا وہ چھ آٹھ مہینے ایسے ہی گزر جائیں اور اس کی ویکسین بھی آ جائے اور یہ اسپائک ہو ہی نہ, اس کی سیکنڈ ویو جو ہے وہ ہٹ ہی نہ کرے, سیکنڈ ویو ہٹ ہی نہ کرے, کچھ ایسا اللہ تعالیٰ کو معجزہ بنا دے. ابھی تو ساری چیزیں جو ہے نا وہ سارے دن میں ساری رات میں آدمی یہی سوچتا ہے. باقی رزق اور روٹی کا پہلے بھی یہی تھا, ہمیں یقین نہیں آیا, لیکن ان تیس پینتیس ساٹھ دنوں میں پہلے تو لوگوں نے انجوائے کیا نا, پہلے تو لوگوں نے انجوائے کیا کہ یار بہت چھٹیاں ہیں آرام سے بیٹھو, ان کو سمجھ میں نہیں آیا. کچھ لوگوں نے اپنا ہفتہ دس دن انہوں نے کہا جی گھر بیٹھو, گھر کی صفائی کرو, فزیکل کام کرو, ان کو سوچنے کا موقع نہیں ملا. جب دیکھیں نا جب آپ اپنی باڈی کو آپ چار چوبیس چوبیس گھنٹے جاگ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو موقع نہیں ملتا. آپ کی پہلے نیند پوری ہوتی ہے پھر آپ کے دماغ میں کوئی بات آتی ہے. جب لوگوں کے دماغوں میں باتیں یہ والی آنا شروع ہوگی کہ یار ہم کس کے پیچھے دوڑے, کتاب تو گھر میں رکھی ہے یار, وہ عربی پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں, اس کا ترجمہ پڑھنا ہے نا. تو ابھی لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے, یہی پیغام ہے کہ یار واپس آ جائیں, بس واپس آ جائیں, کوئی غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, آپ چاہ رہے ہیں کہ خود واپس آ جائیں. ہاں اس سے بہتر کہ اللہ لیکن میں اس بارے میں کیوں سوچوں کہ یہ عذاب ہے یا کوئی بھی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ, تو مجھے نی ڈاؤن کر دینا چاہیے. میں نے گناہ کیے نہیں کیے بہت جو بھی کچھ تھا, مجھے نی ڈاؤن کر دینا چاہیے, جیسے جیسے یا اللہ جیسے تو راضی ہے بس, کسی طرح ایسے ہو جائے آپ راضی ہو جائیں. تھینک یو سو مچ سجاد بھائی, بہت شکریہ. جی جاوید جی, اور اس کے ساتھ میں بھی چاہوں گا اجازت, امید کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ امان میں رکھے اور بہت اچھے دن گزرے ہیں. ٹرانسمیشن ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے, لیکن وہی کہ یہ جو طیارہ پی آئی اے کے طیارے کا حادثہ اور پھر یہ موجودہ صورتحال, تو وہی جو سجاد بھائی نے باتیں کہیں کہ ہمیں واپس لوٹنا چاہیے اور موجودہ حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے اور جو بھی تدابیر ہے, جو بھی احتیاطی تدابیر ہے اس پر عمل کرنا چاہیے, اور آنے والے کچھ دن جو ہے وہ مزید ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے, لیکن مزید جو ہے وہ پریشانی کا باعث نہ بنے. لیکن ایسی باتیں جو سامنے آ رہی ہے کہ مزید ہو سکتا ہے کچھ دن ہمارے مزید مشکل میں گزرے, لیکن اس کو ہم نے خود آسان بنانا ہے. تھوڑا سا جو احتیاطی تدابیر ہے اس پر عمل کرے, اس کو مذاق موڈ میں مت لے, اور اپنوں کا بھی خیال رکھے, اپنا بھی خیال رکھے اور اپنوں کا بھی خیال رکھے, اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اور ہمیں بھی, میں بھی چاہوں گا اجازت اللہ آنے کے بعد. سو جناب چھوڑے جا رہا ہوں آپ کو اس خوبصورت ٹریک کے ساتھ, اور الوداع عید, الوداع عید, الوداع عید. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں. زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ زندگی جینا سیکھیں. اور یہ بات سچ ہے کہ چھٹیاں یقیناً ختم ہوئی ہیں لیکن کرونا ختم نہیں ہوا, سو اپنے بچوں کا اور اپنے بڑوں کا بہت خیال کریں. اور کسی بھی قسم کا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں, کوئی بات کہنا چاہتے ہیں, کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں, جائیے گوگل کیجئے, فیس بک پہ جائیے, انسٹاگرام پہ جائیے, یوٹیوب پہ جائیے, لکھیے عمران علی مانی, میں آپ کو مل جاؤں گا. مانی از گوئنگ ٹو سائن آؤٹ. اللہ حافظ, فی امان اللہ اینڈ الوداع عید.
से जाके तू है मेरी वफा, रख अपना बना के मैं तेरे लिया तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरिया तेरा, तू जीना है मेरा, दस ले